एक दफ़ा पहले भी आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था जब मैंने पूछा था कुछ काफ़ी सिमिलर सवाल है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या बदलेंगे आप, उसका जवाब याद है आपको? हाँ, बदल चुका होगा पाकिस्तान तब तक जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो। अगर जिब्रान नासिर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो पाकिस्तान बदल चुका है, अच्छा खासा पाकिस्तान बदल चुका है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुद्दत हुई यार को मेहमान किए हुए, हमारी जो शुरू से पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको तो आदत हो गई होगी 3 घंटे की, बड़े बड़े वक्त से गायब थे। आज फिर दो भाई मिल चुके हैं तीसरे स्टूडियो में हमारे साथ फिर से एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, जिब्रान नासिर साहब। कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम। चूँकि आपका सलाम ही था ये और पुरखुलूस तारुफ के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? सर कैंपेन में इतनी गर्मी है, इतना कुछ आप कर रहे हैं, उसमें भी आपको वक्त मिल गया एक पॉडकास्ट देखने का? नहीं, कैंपेन जो है वो तो इस वक्त मौसम अच्छा हो गया कराची का, मगर अल्लाह करे ये बायस रहमत ही रहे, बायस रहमत ना बने मजीद। और कल काफ़ी खौफनाक तस्वीर कराची दिखा रहा था, जिस कराची के हवाले से आपकी पॉडकास्ट में मैंने सुना कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि देखें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के और मेयर के दौर का कराची कितना इम्प्रूव हो गया है। तो हमें तो खैर कम से कम वो कैफियत नज़र नहीं आई सड़कों पे कल। होपफुली मैंने वो पॉडकास्ट करके मेरे पे जो जियाला होने के इल्ज़ाम लगते थे वो शेड ऑफ कर दिए हैं, बट टू बी फेयर मतलब। अरे आप यकीन करेंगे मुझ पर जियाला होने का इल्ज़ाम लगता है तो वो तो आप हैं ना दिल से। बट टू बी फेयर कि साल के मसले तो नहीं हैं ये। अगर हम अक्रॉस द बोर्ड देखें कराची के जो ड्रेनेज के मसले हैं, कराची के जो अनफेटर्ड कैपिटलिज्म के मसले हैं, अगर आप बिल्डिंग बनाते जाएंगे ड्रेनेज कितना ही लेगा। तो ये जब बारिश हो जाए झाड़ू लेके पहुंच जाना, पंप लेके पहुंच जाना, ये वो वाले मसले तो नहीं है। ये तो लॉन्ग टर्म सिस्टम के मसले हैं जो वो एक पार्टी या एक लोकल गवर्नमेंट टर्म में फिक्स तो नहीं होने। नहीं जी, बिल्कुल नहीं होने। आप शहर को फ्रैक्चर करते हैं और फिर फ्रैक्चर सीधा करने के लिए जैसे आयरन की रॉड डाली जाती है ना, या किसी मेटल की रॉड डाली जाती है। आयरन तो खैर रस्ट करेगा, बट पॉइंट बीइंग कि आप अब ये जो ज़रूरत है हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाना, बट ये उस रॉड की तरह है। द पॉइंट इज़ कि आप वो फ्रैक्चर होने क्यों दे रहे हो, मल्टीपल टाइम्स क्यों होने दे रहे हैं। हमने समंदर से, हमने डेल्टा से, हमने क्रीक से ज़मीन खींच खींच के जो पानी के पाथवेज थे, नेचुरल पाथवे थे, बिकॉज कराची की अपनी टोपोग्राफी भी है, टेरेन भी है, डिप्रेशन भी कहीं पे, एलिवेशन भी कहीं पे, हमने वो बंद किया, हमने शहर को चोक किया। तो हम शहर को चोक करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। अब यकीनी तौर के ऊपर बजाय इसके कि हम डेवलपमेंट करते उन लोगों के लिए जो अलग अलग आफात में जिन्होंने कराची का रुख किया है, कराची की जो आबादी है जिस तरह से ग्रो की है, एक तो इसको खींचा है डेफिनेटली वर्किंग क्लास ने, इसको अट्रैक्ट हुई है इसकी तरफ और उनका हक है, पाकिस्तान का शहर है, सूबे सिंध का शहर है। दूसरा, साथ में कभी कहीं कोई आफत आ गई, सैलाब आ गया, इस तरह की चीज़, तो तब भी माइग्रेशन मास हुई और इस तरह अलग अलग जगह जगह श्रूम्स की पॉपुलेशन रेगुलराइज हो गई, कच्ची आबादी बन गई, कॉलोनीज़ बन गई। अब हम उनको डिस्प्लेस भी कर रहे हैं KCR बनाने के लिए, गुज्जर नाला, औरंगी नाला बनाने के लिए, उस नाले को बड़ा करने के लिए ताकि कराची डूबे ना, उसको ताकि कराची डूबे ना। गुज्जर नाले के इर्द गिर्द 40 फीट इधर, 140 फीट उधर, दोनों एतराफ़ के अंदर हज़ारों मकानात, औरंगी नाले के हज़ारों मकानात आपने मिसमार किए, आपने तोड़े। हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दुआइयाँ देते रहे, अल्लाह अल्लाह करके हमें हाई कोर्ट ने एक स्टे दिया था। मुझे शर्फ हासिल हुआ था उस टीम का हिस्सा होने का जिन्होंने जाके स्टे लिया कि मिसमारी रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बगैर हमें सुने निपटा दिया। और आज आप हालत देख लीजिए, इसका क्या नतीजा निकला। चूँकि वो भी जो इंटेंशन थी आपकी वो इसलिए नहीं था कि रेन ड्रेनेज वाटर का सिस्टम बेहतर हो जाए, वहाँ पे भी आपने नई लीजिंग करनी है, उस जगह को भी आपने नई तरीके से फ़रोख्त करना है। वो ये नहीं है कि DHA वाले बेचारे मलीर कैंट जाते हैं तो उनको एक गंदे शहर के थ्रू जाना पड़ता है। एक हाईवे बन जाएगा, एक्सप्रेस वे बन जाएगा, 20 मिनट में आप DHA से मलीर कैंट चले जाएंगे। इज़ंट दैट द रियल रीज़न? देखिए वो रीज़न है कि नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली किसी ने आके इसकी ओनरशिप तो नहीं ली ना, बट ये तो डेफिनेटली हमें पता है कि हमारे यहाँ एक सेग्रीगेशन है। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दूंगा, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जी ये आसानी के लिए हुआ है, बट मैं जब ग्रो कर रहा था तो मुझे पता है डिफेंस आने के लिए जो मेन शहर आती है वो खैबान हाफिज़ है, जिसके लिए आपको गिजरी मुबारक मस्जिद के सामने से होते हुए आना पड़ता था। अब आपने एग्जैक्टली ऐसे जगह पे पुल बनाया कि आप पूरा गिजरी अवॉइड करते हैं। इवन पंजाब और दिल्ली कॉलोनी का जो फ्रंट है वो बड़े बड़े बच्चा पार्टी के ऊपर प्लाजा टावर बन गए, उससे पहले Askari 1 है। तो व्हेन यू आर एंटरिंग DHA फ्रॉम वेयर एवर, तो आप वो तमाम एवेन्यूज़ आपको पहले से फील आती है कि हम एक डिफरेंट एरिया में जा रहे हैं, डिफरेंट जोग्राफी में जा रहे हैं। नीचे वालों पे क्या अजाब आया गिजरी फ्लाईओवर से, उसका कोई किसी को नहीं, उसके ऊपर कितने लोगों के बिजनेसेस ख़राब हुए और किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे उसकी वजह से होती हैं। बिकॉज इन चीज़ों को कभी भी ज़ेर गौर लाया नहीं जाता, ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। और हम अगर आज इमारत खड़ा कर रहे हैं उस ज़मीन के ऊपर जिस ज़मीन पे मेरा सवाल है कि ये सिंध की ज़मीन है या ये वफाक की ज़मीन है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो पानी के अंदर है हमारे 12 नॉटिकल माइल तक वो सूबे की हद में आता है। और अगर ज़मीन कुछ निकल आए उसके अंदर कोई और नेचुरल रिक्लेमेशन हो जाए या आप ख़ुद मट्टी भर के निकालें तो वो तो सूबे के अंदर वेस्ट करती है, वफाक में वेस्ट ही नहीं करती। तो इसकी लीज़ किसने दिया मैं यही नहीं पता, बट आपने वहाँ जाके वो बना दिया। और ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी भी फेज़ 8 में जो क्रीक क्लब के आगे की पट्टी है उसको लेके हालिया 2 साल 1.5 साल पहले तक की बात है, बुद्धू और बुंडल आइलैंड जो पड़े हुए हैं। और देखिए ये खामखा की जो है ना सारी की सारी बदनामी चली गई खान साहब के सर पे। खान साहब ने तो एक तरीके से सबको मुतवज्जो भी कर दिया, गो कि उनकी वो इंटेंशन नहीं थी। बुद्धू और बुंडल के स्टेटस पे मुशर्रफ के टाइम से प्रपोजल चल रहे हैं ना, वो खान साहब को किसी ने आके बोल दिया होगा पड़े में, मुशर्रफ साहब के टाइम पे बोल दिया, मुशर्रफ साहब के टाइम पे चला। फिर वो 2012-13 में पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश बनी तो मलिक रियाज साहब ने $1 अरब का उस पर MOU किया। फिर खान साहब को भी किसी ने, चूँकि काबीना तो वही थी, 9 रतन तो वही थे जो हर इस्टेब्लिशमेंट के चोजन होते हैं, उन्होंने आके सरगोशी की यार ये करके देखो ये है सोने की कान। बट 2022 फरवरी में जाके ये 2 फॉरेस्ट जो हैं प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हुए। मैंने ये भी सुना आपकी पॉडकास्ट के ऊपर कि क्लाइमेट हमारा एजेंडा है और क्लाइमेट के ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ तो आप कमर्शलाइजेशन करना चाह रहे थे कराची के मुंह के ऊपर, और इसको दुबई समझा हुआ है आपने। लोग ये नहीं समझते कि दुबई का सी ठहरा हुआ है, वो ऐसे इनलैंड इरोजन नहीं करता आके। तो आप पानी में जाते हैं, आप पाम बनाते हैं, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद कि वहाँ की डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी हमसे कोई खास बेहतर है। यहाँ इनलैंड इरोजन होती है। यहाँ आपका DHA गोल्फ क्लब ज़ेरे आब आया था, दे नो इट। और अभी भी अल्लाह खैर करे हमें हम बात कर रहे हैं तो बारिश शदीद बारिश की आवाज़ आ रही है, कल रात भी हुई थी, तो अल्लाह ऐसे बायस रहमत ही रखे। इसमें मलीर में जो इकोलॉजिकल डिजास्टर हो रहा है, हफीज़ बलोच साहब आए थे, उन्होंने डिटेल में बताया था। फेज़ 8 में जो इकोलॉजिकल डिजास्टर हो रहा है, मारवी मज़र आई थी, उन्होंने हमें डिटेल में बताया था। जावेद हनीफ जब आए थे MQM के, उनसे मैंने पूछा कि उन्होंने पूरा बताया कि DHA की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना पानी आ रहा है। मैंने लगा अगर इतनी कम उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो वहाँ गोल्फ क्लब क्यों खुला हुआ है। उन्होंने बोला ऐसे सवाल पूछने में तो गवर्नमेंट ही ख़त्म हो जाती। सो व्हाट्स द पॉइंट कि अगर जी बारिश हो जाए हम PPP को गालियाँ दें, हम MQM को गालियाँ दें, ये करने का कोई पॉइंट है? क्योंकि आरिफ हसन साहब भी हमारे पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने बोला महमूदाबाद इसलिए फ्लड होता है क्योंकि उसका पानी DHA फेज़ 7 जहाँ पर है वहाँ से पानी में जाता। आप DHA फेज़ 7 बना देंगे तो महमूदाबाद फ्लड होगा। तो जब ये हमारे कोर इशूज़ हैं, व्हाट्स द पॉइंट कि लोग सुबह उठते हैं, सियासतदानों को गालियाँ देते हैं और सो जाते हैं। देखिए लोग सियासतदानों को इसलिए इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं बिकॉज उनके ही निगरानी के अंदर, मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी की निगरानी के अंदर ये शहर डेवलप हुआ है ना। वो कॉन्स्टेंट स्टेक होल्डर्स रहे हैं पावर में। PTI तो इस सूबे के अंदर या शहर की सतह के ऊपर रिप्रेजेंटेशन 2018 के बाद उसने पाई है। ये DHA तो उससे पहले बन गया था। ये काम तो आपने ये ज़मीन सारी ख़रीद ली थी पोर्ट कासिम से 2002-2003 के अंदर फेज़ 8 आगे बनाने के लिए, फिर फेज़ 7 एक्सटेंशन बनाने के लिए। तो ये काम तो उस दौरे हुकूमत से हो रहे हैं, ये 90s से चलते हुए आ रहे हैं। ये आप उनको इसलिए ज़ेर-ए-इल्ज़ाम ठहराते हैं क्योंकि देखिए जब आपके सामने एक हाउसिंग स्कीम खोली जाती है और कहा जाता है इन्वेस्ट कीजिए महाना आसान किस्तों के ऊपर, या उसकी प्लॉटिंग हो रही है, उसकी फाइलें खुल रही हैं, या उससे भी ज़्यादा आपको एश्योरेंस, बिकॉज ऑर्डर नाम की एक ही चीज़ है मुल्क में जिसका नाम पाकिस्तान आर्मी है। तो अगर उनके ऑफिस को कोई प्लॉट अलॉट हो गए तो उस पर तो कब्जा नहीं हो सकता। तो DHA के बारे में ये बड़ा है ना, DHA की सबसे बड़ी सिक्योरिटी क्या है कि इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, जिसके नाम का है उसी का रहेगा, जो फाइल है वो खुलेगी, जो बाकी आप बड़ी हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से वसवसों में जाते हैं। तो आप जाके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पूरी लाइफ अर्निंग्स लगा देते हैं, और ये आप बताते नहीं हैं कि हम ये सब कर रहे हैं ये जानते बूझते हुए कि इसका आगे आने वाले सालों में क्या नुकसान होगा। बट फिलहाल मार्केट अच्छी है, इसके पैसे बन जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे जीना मोहाल हो गया और आप बर्बाद हो गए क्लिफ्टन वाले और डिफेंस वाले, तो हमने ताज़ा आपके लिए DHA सिटी और बहरिया टाउन हाईवे के ऊपर तामीर किया है। क्योंकि पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट तो बड़ा है, कोई नई लॉट ऑफ मिडिल और अपर मिडिल क्लास तो पैदा नहीं हुई इस मुल्क के अंदर, कोई नए अमीरजादे तो पैदा नहीं हो रहे। तो यही लोग यहाँ से माइग्रेट करके फिर वहाँ जाके रहेंगे ना, वहाँ का रेंट वही अफोर्ड करेंगे जो अगर DHA क्लिफ्टन में या PCHS में रहते हैं या KDA में रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग बेचारे यहाँ पे हमारे 1.5-2 नौकरी करके गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई में कॉलोनीज़ में रहने वाले, उन्होंने जाके बहरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब आप बहरिया 2 भी बना रहे हैं आगे। तो ये है कि इवेंचुअली उनको भी पता है कि ये एक डिज़ास्टर है जो कि वो मिटिगेट नहीं कर पा रहे। इसमें बिलावल भुट्टो भी पॉडकास्ट पे आए थे, DHA की जिक्र करें, मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने स्ट्रोक ऑफ द पेन से उसको आज़ाद कर दिया। बिलावल भुट्टो, मेरी खुद की वो राय भी ये है, मैंने मल्टीपल दफ़ा पॉडकास्ट में भी कहा है कि सिंध पुलिस ने मिलकर विलेजर्स भगाए ना बहरिया टाउन को लैंड देने के लिए। आई आस्क्ड दिस टू बिलावल भुट्टो, वो कहते हैं भैया आप हमें बोलते हैं, आप अगर कोर्ट के पास जाएँ, वो साकिब निसार था ना जिसने उसको लीगलाइज़ किया, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था ना जिसने DHA को आज़ाद किया। तो जब कानून ने ये कर दिया तो गवर्नमेंट में घुसकर भी ये लोग क्या कर पुलिस सकते हैं? ने गडाब के अंदर ये 700 के करीब जो गांव खाली करवाए थे, ये साकिब निसार के फैसले के बाद करवाए थे या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कराए थे, जब शायद साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस भी नहीं बने थे। तो आपने अगर बहाना बनाना हो तो देखिए सियासत का तो कमाल ही है ना कि आप मुस्कुरा के कुछ भी बोल दीजिए, सामने वाला जो है वो लिहाज के अंदर। क्वेश्चन देन बिकम्स, आप बन गए कल, अब ये साकिब निसार साहब ने लीगलाइज कर दिया कि ठीक है उनका है, हम क्या कर सकते नहीं हैं? आप इस हाइपोथेसिस पे नहीं जाते कि कर दिया। बात इतनी सी है कि वो 8-10 साल जब ये काम हो रहा था, ये मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ फ्रॉड कब शुरू हुआ था? ये कोई 2 साल पहले तो नहीं हुआ था जब केस वो मोटो लिया गया है। और किसने ये अथॉरिटी दी थी? और मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी किसने अलग की थी केडीए से? किसने आके वो सक्सेसफुल मॉडल जो मुस्तफा कमाल के दौर में काम कर रहा था, और उसकी वजह ये थी कि एमडीए, केडीए, एलडीए और मल्टीपल और आपकी जो सिविक और लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो एक करके आपने एक बिल्डिंग में सिविक सेंटर में जम कर दी थी और मेयर के अंदर कंट्रोल दे दिया था। अब आपने उसके बाद 2013 के लोकल बॉडी एक्ट में किसने अमेंडमेंट्स की, 2008 के बाद किसने अमेंडमेंट्स करके इदारे अलग किए? इन्होंने किए ना। तो एमडीए तो अलग करके, एलडीए अलग करके, मुकम्मल अथॉरिटी उनकी थी। एमडीए सो रही थी और हज़ारों एकड़ ज़मीन को आके खा गया, और जब वो खा गया और लोगों को बेच दिया और वहाँ पे सड़कें तामीर हो गई, वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई और लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद साकिब निसार साहब ने कहा ना ठीक है फ़ाइन दे के जान छुड़ाइए, वरना वो जो लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके थे उनको क्या करते? अब यकीनी तौर पे पिस्ता गरीब ही है, पिस्ते का एंड में गाँव वाला, चूँकि जिन्होंने पैसे दिए बहरिया के अंदर वो आपकी मिडिल क्लास है, वो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर आपने रोना सुनना है तो आप किसका सुनेंगे? ठीक है, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो ज्यादती नस्ला टावर वालों के साथ हुई वो शायद पलड़ा बराबर करने के लिए हुई कि देखो हम इनको भी नहीं, वो नहीं कर रहे, एक सैम्पल के तौर के ऊपर उन्होंने वो बिल्डिंग भी गिरा दी, जबकि इट वॉज अ रेडिकुलस जजमेंट। और हमें कहना पड़ेगा कि ये जातियाँ हुई हैं, कोई जज साहब आते हैं उनको लगता है वो कॉर्पोरेट माहिर हैं, रेकोडेक यूँ नहीं चलेगा भी कैंसिल करो एग्रीमेंट, हाँ कार के यूँ नहीं चलेगा जी, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स यूँ नहीं होते, कोई भी साइंटिस्ट आके उनको बता देगा जी हम तो वो फ्रैकिंग करेंगे, क्या करेंगे, गैस यूँ निकालेंगे, सोना यूँ निकालेंगे, वो बिक गए जी। 93 से चल रहा था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेकोडेक के अंदर, ठीक है, तकरीबन 30-25 साल का आपका रिलेशनशिप जो एक के बाद दूसरी कंपनी टेक ओवर करती गई, 3 टेक ओवर उसके अंदर हुए और आपने आके जीरो कर दिया, क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? फिर आप कशकोल लेके जाएंगे ना। दूसरे कोई चीफ जस्टिस साहब आते हैं उनको लगता है मैं अस्पताल ठीक करूँगा, वो हर अस्पताल चले जाते हैं, उनको लगता है कि मैं छापे मारूंगा और हर एक डीजे, एडीजे, मजिस्ट्रेट डरा बैठा रहेगा कि कब चीफ जस्टिस आ जाए तो मैं फैसले सही करूँ। आई थिंक डिस्पाइट रिगार्डलेस इन कीपिंग असाइड द मेरिट ऑफ मल्टीपल जजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस बंदे ने अंदर खाने देखा, और अगर रिफॉर्म की बात की तो इनवर्ड्स बात की, वो रीसेंट पास में आसिफ खोसा हैं, जिन्होंने मॉडल कोड्स बनाने की बात की, जिन्होंने बैकलॉग कम करने की बात की, वट एवर द मेरिट्स बी ऑफ सर्टेन डिसीजंस व्हिच ही गेव एंड ही रोट एंड सर्टेन वर्ड्स और जॉगन ही यूज व्हिच ही शुड नॉट हैव, माफिया बट उसी पे रह गए, सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, ये नहीं करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट जाति की कौम के साथ, कौम के एक मकबूल लीडर के साथ आज आप तमाम अगर उन केसेस में बरी कर रहे हैं उनको हाईकोर्ट के लेवल के ऊपर, तो फिर कौन अपने सर में मट्टी डाले? वो जिन्होंने सिसिलियन माफिया लिखा, या तो प्रूफ करें ना कि तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई जुडिशरी, या तो बोलें कि मैं गलत था और मैंने कोई बायस एक्सप्रेस किया। इसी से रिलेटेड नाजिम जोकियों का भी था जिसमें उस बिलावल भुट्टो ने कुछ कहा, आपकी राय क्या है उस बारे में? देखिए, एक तरीके से आपने जान छुड़ाई अपनी, ये कह के कि फाइनली फैमिली ने दियत कर ली, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया एंड दैट इज़ अ लीगल रेमेडी अवेलेबल। और अगर फैमिली किसी चीज़ को परसू नहीं करना चाह रही, देन व्हाट कैन उसका मैं अगर निकालूं सिनॉप्सिस। ऑल्सो सेड कि वो प्राइमरी एक्यूज नहीं थे, उसकी भी डिटेल हम लोग आएंगे। I'll come to that later. And he said कि जब दियत के लॉ के अगेंस्ट हम लोग बात कर रहे थे, या हम लोग लेजिस्लेशन कर रहे थे कि इसको किस तरह रिजॉल्व करें, तो बाकी पार्टीज हैं जो हमारे अगेंस्ट थे और सिर्फ पीपीपी थी जो ये प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाना चाह रही थी। अच्छा, अब ये मैं इसलिए कहूँगा कि उन्होंने माजरत के साथ, इसके लिए कोई और लफ्ज़ नहीं है, आपसे झूठ बोला। ठीक है, कहाँ झूठ बोला ये आपको बता दूँ। पहली बात, दियत के हवाले से बात कर लेते हैं। 302 की अगर दफ़ा आप लगाएंगे तो यकीनी तौर के ऊपर आप दियत है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और उसके अंदर अगर आप जाएंगे अमेंडमेंट के अंदर तो 4 ग्रुप्स खड़े हो सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। मगर 311 जो फसाद फिल अर्ज़ है कि एक्ट की नेचर ये हो कि वो एक फसाद फैला दे ज़मीन के ऊपर। ठीक है, टेररिज्म इज सेपरेट, फसाद फिल अर्ज़ इज सेपरेट। ठीक है, उसके अंदर द ग्रूसम नेचर ऑफ द एक्ट देखी जाती है। जिसमें टेररिज्म के अंदर उन्होंने फ़र्क कर दिया ना, आपके टेररिज्म में द इंटेंट देखी जाएगी कि किस नियत से हमला किया, ये नहीं देखा जाएगा कि कितना खौफनाक हमला था, उससे क्या लोगों को खौफ फैला। नियत अगर आपकी खौफ फैलाने की थी तो टेररिज्म है। 311 ये कि जिस ग्रूसम तरीके से आपने, ब्रूटल तरीके से कोई काम किया है उसके ऊपर वो लगता है। मगर मुझे बताइए कि इस केस में स्टेट प्रोसिक्यूशन, जो कि जुडिशरी का हिस्सा नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री, लॉ एडवाइजर साहब के अंदर आती है, जिनकी गाड़ी के अंदर बैठ के बेल लेने के लिए ये बड़े भाई MNA अब जाम अब्दुल करीम साहब आए थे। ठीक है, उस प्रोसिक्यूशन ने थ्रू आउट क्या किरदार अदा किया इस केस में? इस केस के अंदर एक चालान आया, वो चालान इस वक्त मेरे सामने फ़ाइल पे है। उसके अंदर ये कह रहे हैं कि जी प्राइमरी अक्यूज़ नहीं है। ये जुमला उन्होंने आपके सामने बोला कि पहला चालान था जिस चालान के ऊपर बोल पड़ी शीरी झोंकी अदालत के अंदर कि हजूर ये चालान एक्सेप्ट कर लीजिए, ये प्रोसिक्यूशन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, पुलिस ने अपना एक काम पूरा किया हुआ है, अगर आपने चालान एक्सेप्ट नहीं किया तो ये मुझ पर प्रेशर डाल के मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेंगे और मैं केस से पीछे हट जाऊँगी। ये 8 फरवरी या 2 फरवरी को कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा। मार्च के एंड के अंदर उसी अदालत के अंदर आके वही शीरी झोंकी कहती है आई वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, मेरा मियाँ तो हाथ साथ ही मौत में मर गया। ये वो चालान है, इसमें आपकी ज़रा नाम पढ़िएगा। ये अक्यूज़ के नाम है, प्राइमरी अक्यूज़ के नाम जो मतलूब हैं अहमद खान वल्द मोहम्मद सलमान शोहर सनकिया गाँव मोहम्मद। नीचे तरतीब में जाए, आगे तो एड्रेस लिखा हुआ है। नाम क्या पढ़ दें यार, हम साथ साथ पढ़ लेते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं। नहीं हम वो यू कैन वी कैन इवन स्कैन दीज एंड पुट देम अप। अब्दुल रज़ाक मोहम्मद खान मोहम्मद इसाक मोहम्मद सलीम मोहम्मद उर्फ दादो मोहम्मद सवार अहमद खान न्याज जाम अब्दुल करीम वल जाम बिजार। ठीक है, नीचे आ गए इनके जाम अवेस, ये दोनों अक्यूज़ थे चलान के अंदर। सही है, अब सिर्फ आप ये पहले देख लीजिए ये क्या है। बयान 161 है जो कि आपने भी वकालत की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। ये बयान 161 है, ये नाज़िम झोंकियों के भाई, ये इनका बयान, पहला बयान वाक़े के बाद पहला बयान है। ये बयान इनका चल रहा है 4 पेज का। बाद में इसी इंसान से 164 करवाया गया और 164 कह के उसने ये कहा कि जाम करीम जिनको अभी MNA का टिकट मिला है, ये इन्होंने मेरे सामने कसम खाई है कि मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं अपना केस वापस लेता हूँ, मैं सिर्फ जाम अवेस को परसू करूँगा, क्योंकि इसने आके कुरान उठा लिया मेरे आगे। मगर ख़ुद अपनी आंखों से क्या देखा था इनके भाई ने और वो क्या वाक़या था। और आप ये देखिएगा, मैंने जो आप कह रहे थे एक जगह कोर्ट किया, जाम अवेस उर्फ गहराम को इतला करो कि हम अफजल नाज़िमुद्दीन झोंकी अपने साथ लेकर आए हैं। अता मोहम्मद ये इतला गेट हाउस के अंदर मौजूद जाम अब्दुल करीम बिजार और जाम अवेस गहराम और दीगर को। कुछ मिनट के बाद अता मोहम्मद गेस्ट हाउस से बाहर आया और न्याज सलार को अपने साथ गेस्ट हाउस के अंदर ले गया और अंदाजन 3 मिनट के बाद न्याज सलार गेस्ट हाउस से निकल कर असात पार्क में आकर बैठ गया और उसी दौरान जाम अब्दुल करीम बिजार और जाम अवेस उर्फ गौराम के जाम हाउस पर मुकर्रर 5 गार्ड असला से लेस हमारे पास पार्क में खड़े हो गए। तकरीबन 15 मिनट के बाद, यह आपने देखा कि क्या माहौल बनाया गया, आसपास सारे गार्ड खड़े हुए। 15 मिनट के बाद अपने गेस्ट हाउस से जाम अब्दुल करीम बिजार गार्ड के साथ बाहर हमारे पास पार्क में आया और मुझे कहा, अफजल बाबा कौन है वो बदमाश जो हमारी बात नहीं मान रहा। तो मेरे भाई नाज़िमुद्दीन ने सीने पर हाथ रखा और कहा, जनाब मैं। तो उसी वक्त जाम अब्दुल करीम बिजार ने मेरे भाई और इनके की मोबाइल ली और अपने साथ गार्ड, जिसमें से एक की पहचान हैदर अली और दूसरे की मेहर अली, हथियारों से लेस खड़े थे, इनको कहा कि इसको टॉर्चर सेल लेकर जाओ। और उसके बाद मेरे भाई को जाम गेस्ट हाउस से बाहर सामने मस्जिद के दरवाजे और वज़ूखाने पर लेकर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ हमको गेस्ट हाउस के सामने पार्क में साफ सुनाई दे रही थी। और मैं जाम अब्दुल करीम को बार बार मिन्नत समाजत कर रहा था और पाँव पकड़ रहा था कि मेरे भाई पर ये जुल्म ना करो। इसके बाद तकरीबन आधा घंटा मुसलसल मेरे भाई को मस्जिद के गेट के आगे ज़मीन पर तशद्दुद करने के बाद मेरे भाई जाम अब्दुल करीम बिजार की जानिब से ली हुई मोबाइल कोर्ट को ना खोलने की सूरत में अंदाजन तकरीबन 1:30 बजे रात को जाम अब्दुल करीम बिजार अपने साथ निजी टॉर्चर सेल मस्जिद आ गए, लेकर गया साथ में इसके भाई को और कहा कि अपने भाई को समझाओ कि मोबाइल को कोड हटाए और फेसबुक से हमारे खिलाफ रखी हुई वीडियो डिलीट करे। मैंने देखा कि तशद्दुद की वजह से मेरे भाई की कमर पर कपड़े फट चुके थे और इनको मैंने कहा कि मोबाइल फ़ोन का कोड खोल कर जाम अब्दुल करीम को दो। तो मेरे भाई ने मोबाइल ली और कोड खोल कर जाम अब्दुल को दिया और मोबाइल देकर जाम अब्दुल करीम बिजार ने अपने हाथों में मेरे भाई के फेसबुक पर मौजूद दोनों पोस्टें डिलीट करते हुए मेरे भाई नाज़िमुद्दीन झोंकियों से कहा कि सुबह आप मेरे मेहमानों से माफ़ी मांगनी होगी और अजरगा होगा और अपने मामू दोस्त अली और मोहम्मद और बुज़ुर्गों को साथ लेकर सुबह 11 बजे जाम हाउस पहुँच जाना। इसी दौरान मेरे भाई नाज़िमुद्दीन झोंकियों ने जाम अब्दुल करीम को कहा कि मेरा बेटा मेरे बग़ैर नहीं सोता, छोड़ दो और सुबह मैं अपने बड़ों के साथ आ जाऊंगा। तो जाम अब्दुल करीम ने कहा, जब तक अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे भाई ने कहा, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी माफ़ी मांगूं और ना ही ऐसी गलती की है कि माफ़ी मांगनी पड़े। जिस पर जाम अब्दुल करीम गुस्से में आ गया और मेरे भाई नाज़िमुद्दीन के ऊपर मेरे सामने ख़ुद अपने गार्डों के साथ तशद्दुद करना और दोबारा दो और दोबारा मिन्नत समाजत की कि आप हमें धोखे से बुलाकर नाजायज़ तशद्दुद कर रहे हो, ये सही बात नहीं है, आप हमारे सरदार हमारे बड़े हो। मगर बाद में मुझे पकड़कर मस्जिद के आगे के साथ ले गया और दोबारा पार्क में ले जाया और मुझे वहाँ बिठाया और मेरे भाई नाज़िमुद्दीन से ली हुई मोबाइल फ़ेसबुक से लाइव वीडियो डिलीट करके बाद जामिअतुल कदीम बाजार ने मुझे अंदर रात 1:30 बजे पार्क में हमारे साथ बैठे हुए न्याज सलार वगैरह वगैरह दीगर जाम बाजार ने कहा कि आप भी मस्जिद के आगे टॉर्चर सेल पर ही चले जाओ और नाज़िमुद्दीन से पूछो कि माफ़ी मांगेगा कि नहीं। एंड दिस गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल इन द मॉर्निंग। और जब जाम की लाश मिली है, नाम के जाम हाउस के बाहर से लाश मिली है कुएँ से, वो कहते हैं बरहना लाश थी, वो छिपा वालों ने आके और गाँव जो बाहर लोग थे उन्होंने कवर किया। और जो रिपोर्ट है मेडिकल मैंने इसमें लगाई हुई है, दिस इंटायर आई कैन हैव अ 3-hour कन्वर्जेशन ऑन दिस केस। ये यहाँ से चोटे गिनना शुरू करते हैं और पैर तक जाते हैं और कहते हैं जब जब बॉडी पलटी जा रही है तो इट्स लूजिंग ब्लड। तो मुझे बताइए कि, और फिर जो कुछ हुआ है शिरीन के साथ मैं ऑलरेडी मीडिया पे बता चुका हूँ कि किस तरीके से उसको मजबूर किया गया, इमोशनली फ्रैक्चर किया गया कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ, बैक ऑफ हो जाओ। और जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल दिया गया उसको देख के कौन नहीं टूट जाएगा, कौन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। चूँकि 2 वोटों से बनी थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, अगर मैं गलत नहीं हूँ, VUNC के बाद 2 वोटों की मेजोरिटी से बनी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। 2 वोटों की मेजोरिटी में 1 वोट तो बहुत भारी हो गया ना। तो जामिअतुल करीम बाजार तो चाहिए थे, पूरे PDM को चाहिए थे, इसलिए वो आए, सर का ताज बन के आए, उनको सूबाई वजीरों ने रिसीव किया, वो लॉ एडवाइज़र की गाड़ी में बैठ के आए और उन्हें आपने पैगाम दे दिया ना उस इलाके में रहने वाले जो मलीर के लोग हैं, जो कहने को कराची है हमारा शहर है, हमारे शहर में एक ऐसा ज़िला है जहाँ रिवाज कायम है कि आप इस अपनी तौहीन समझने पे किसी को टॉर्चर करके पूरी रात तशद्दुद करके मारो एक खुददार इंसान को जो कह रहा है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं माफ़ी मांगूँ, और आप साबित भी हो जाएगा कि आपने किया है। वो मरने से पहले अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा। आप बोलें तो जो ट्रांसक्रिप्ट है इसके अपने ऑडियो मैसेज की मैं वो भी पढ़ देता हूँ कि मैं किधर हूँ, मुझे कौन लेके जा रहा है, और जाम करीम से सवाल करना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो। मगर आप आराम से 6 महीने दुबई में गुजारेंगे, आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे, आप MNA रहेंगे, आप MNA की मनसब से हटेंगे, आप MNA का टिकट लेके उसी पार्टी के साथ आ जाएंगे। और ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसको आपने मार दिया वो उसी पार्टी का मेंबर है या सपोर्टर है या वर्कर है। तो वो कहते रहे कि जी भाई वो था, ये नहीं था, दूसरे पे इल्ज़ाम था, ये नहीं था। आप हॉस्टेज हैं, आप तस्लीम नहीं करना चाहते। आपने ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी पार्टी की स्पाइन L1 L2 होता है ना सारा, ये सारे क्या हैं, वडेरे हैं, ये L1 L2 है। कोई एक निकल जाएगा, नस खिंच जाएगी, ऐसे टेढ़ा चलना पड़ेगा, चुक पड़ जाएगी कमर के अंदर। आप माने कि आप हॉस्टेज हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको इस केस के बाद इतना अरसा बीच में गुजर गया, इलेक्शन भी कितना डिले हो गए, पूरे मलीर ज़िले के अंदर आपको कोई और उम्मीदवार नहीं मिला। अरे उनका कोई कज़न ही ले आते यार, अगर आपको यह था कि कोई जाम ही होना चाहिए तो। बट ये बात आपसे नहीं करेंगे। अच्छी बड़ी बड़ी बातें लिखी मंशूर के अंदर भी इन्होंने, गोल्स बताए हुए हैं, हाउ टू गेट देयर। पीपल्स पार्टी के मंशूर का बड़ा मसला ये भी है, देव सेट फिगर यहाँ तक आएगा, स्टैट्स यहाँ तक लेके जाएंगे, पॉपुलेशन के ऊपर पढ़ लीजिए। क्या उस हाउ टू गेट देयर तो बताए हुए नहीं है, पॉपुलेशन तो काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। टू द एक्सटेंट दैट सर्टेन थिंग्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड एज प्रोपेगेंडा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, क्योंकि वो भी एक देखिए अगर आप आज जो है पिलाप ने भी उसके ऊपर प्राइमर दिया है, तीनों अपने कंपेयर किए गए हैं, PTI का, पीपल्स पार्टी का और PMLN का। सही है, आई विल शेयर इट विद यू एज वेल। देयर इज़ अ डिफरेंस इन टॉकिंग अबाउट व्हाट योर गोल्स आर, देयर इज ऑल्सो डिफरेंस इन टॉकिंग अबाउट हाउ यू गोना गेट देयर। वो जो स्टेजेस आपने करनी पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से वो मैकेनिज्म नहीं है। ऑन अदर थिंग्स पीपल्स पार्टी हैज़, ये नहीं कह रहा कि सारा ही एजेंडा फारिग है, बट बात इतनी सी है भाई कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं और आप एक अच्छी ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं। ठीक है, अब हम पॉजिटिव पे आ जाएँ। इसमें अगर मैं वोटर हूँ, आई थिंक पॉपुलेशन इज़ बैड वोट, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तीनों चारों पार्टियों में पॉपुलेशन जो है, हो सकता है ये पार्टी वालों ने भी नहीं लिखा हो, ये कहीं से लिख कर आते हैं। ये पॉपुलेशन में बड़े लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हैं। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसको हमेशा एक बुरे रूप में दिखा दिया जाता है। आपका पाकिस्तान नहीं देखना चाहिए, पहले तो देखिए मैं और आप तस्लीम करें कि इस वक्त पॉपुलेशन बॉम्ब हमारा एक मसला है और हमें पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ, अगर आपको कंट्रोल का लफ्ज़ बुरा लगता है, पॉपुलेशन प्लानिंग की तरफ, पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, विच इज़ वाई इट्स वेल थॉट आउट इन ऑल द पार्टीज। क्योंकि मुझे लगता है सेम जगह से पॉलिसी डायरेक्टर्स आए हैं, तो इसलिए वो अच्छे काम वाम डेटा के थ्रू हुआ हुआ है। मैं अगर एक वोटर हूँ, मैं देखता हूँ यार हमारे पास कराची में ऑप्शन है MQM की भी एक हिस्ट्री रही है टॉर्चर होने की, बोरीबंद लाशें आने की। उसमें भी जहाँ लिबरल इंटेलिजेंसिया है वो खौफ में, सपोर्ट में जाके कदमों में बैठा हुआ होता था जब ये हो रहा होता था। आप देखें PPP, आपने अभी एक वाक़या बताया सिंध में, शायद ऐसे बहुत सारे वाक़े हों, फ्यूडल्स हैं और टॉर्चर करते हैं लोगों को। PTI है, उसमें भी इस तरह के लोग हैं। अली अमीन गंडापुर ने एक छोटी सी बच्ची को नंगा गाँव में भगवाया था। PMLN है, हिस्टोरिकली राना सनाउल्ला मॉडल टाउन ट्रेजेडी से उनका लिंक्स बनते हैं, सिपा साहबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी लिंक बनते हैं। आपने अभी रिसेंट पॉडकास्ट में भी कहा कि PPP डिस्पाइट सलमान तासीर को शहीद कहने के लिए एक इलेक्शन में TLP का सपोर्ट लिया। ये मेरे पास अब ऑप्शंस हैं, तो मैं झक मारूँ, मैं क्यों जाके वोट दूँ? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इनको क्यों जाके वोट ना दें या क्यों इनको जाके वोट दें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप स्पेसिफिकली एक केस के बारे में सवाल कर रहे हैं जो कि पार्ट ऑफ जुडिशल रिकॉर्ड है और जो कि बाद ऑफ पुलिस रिकॉर्ड है, मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन फाइल से पढ़ रहा हूँ, तो अपने अंदर ये ज़र्फ रखें और बताएं कि जी हमें कमज़ोरी थी। एटलीस्ट मुझे ये साबित तो होगा, नज़र तो आएगा कि आप में इंटेंट है उसको दूर करने की। अगर आप उसको उसने वापस अगर टिकट दे दी PPP ने, नहीं तो चले, मैं बोलूं, मैंने बिलावल से डायरेक्टली पूछा, मतलब मैं आपसे वही तो कह रहा हूं ना कि VONC पे आपकी मजबूरी थी, खान अमल, चले मान लिया मैंने यार कि एक ग्रेटर पॉलिटिकल के लिए आपने एक आदमी की बोला कि ठीक है एक इंसान है, अब टू गिव द टिकट अगेन इनएक्सक्यूजेबल। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ ना, तो खैर अगर फिर आप अपने आप को ये ना कहें कि नवीद शहर तो मैं हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ही अगली सुबह हूँ आने वाली इस मुल्क की, मैंने ही यूथ को आगे लेके चलना है, फिर आप ये बात ना करें ना। बिकॉज देखिए ये बात ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें PTI की अब लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दी बिकॉज ऑफ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग टू देम फॉर द पास्ट 6 months। जो ट्रेजेडी और मारकुटाई हुई है तो उस माहौल के अंदर वो बात ही नहीं करना चाहते, और PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स को ये भी लगता है कि तारीख तब से शुरू हुई ऑपरेशन की जब उन पर ऑपरेशन शुरू हुआ, तारीख तब से शुरू हुई जमहूरियत की जिस दिन खान साहब पावर में आए, और तारीख तब से शुरू हुई इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की जब VONC हुआ था। ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है चूँकि वो एक बहुत बड़ा मैसिव ग्रुप है जिसको आपने उस पर इंगेज भी करना है और उनकी आपने वजाहत भी करनी है, तस्वीर भी करनी है कि ऐसा नहीं है मामले। मगर साथ साथ इस वक्त जब आप ये ग्राउंड आपको मिला है, एक खाली ग्राउंड, क्योंकि इस वक्त ये समझा जा रहा था ना कि मकबूल अगर रेडार पर देखें तो PTI है, उसको तो आपने हर लिहाज से फ्रैक्चर कर दिया है, तो अब हमारे पास नून लीग और पीपल्स पार्टी सामने आ रही है इस खाली ग्राउंड के अंदर। उसमें भी ये वो चीज़ें एड्रेस नहीं कर सकते जो ब्लैक एंड वाइट में गलत थीं। तो जब आप इंटरनली इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हो, मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि आप नेशनल सतह के ऊपर, नेशनल पॉलिसी की सतह के ऊपर रेजिस्ट कर सकेंगे जो कि ट्रांसग्रेशंस और इंक्रोचमेंट्स होते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, बिकॉज आप अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में इतना अगर हॉस्टेज हैं कि आप एक सीट के ऊपर स्टैंड नहीं ले सके, तो देन अगर यू एक्सपेक्ट मी कि आपके ऊपर कुछ केसेस खुल जाएंगे या कोई प्रेशर होगा और आप कौम के लिए स्टैंड ले लेंगे और आप वो सारे नहीं करेंगे हाइब्रिड सेटअप की डीलें जो कि PTI के अंदर आम की गई, तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी। अब आपने किसको वोट करना है उसके लिए आपकी कोई भी रीज़न हो सकती है, आपका वोट आपकी शनाख्त है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट, राइट? एज अ वोटर जो लोग सुन रहे हैं, ये सिस्टम है, इनको पता है। इसमें आप जो कह रहे हैं एविडेंस, बलूचिस्तान इज़ द बिगेस्ट एविडेंस। आप अगर मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, आप पार्टी करना चाहते हैं, आप इलेक्शन करना चाहते हैं, एक अनसेड रूल है बलूचिस्तान पे तो आपने बात भी नहीं करनी। आप हुकूमत में आ जाए, सबसे पहली चीज़ आप बलूचिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो क्वाइट क्लियर देखिए बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के अंदर जब आप ये तारीख रकम करते हैं कि 500 वोटों के ऊपर एक बंदा CM बनेगा, तो आपने वैसे ही राइट ऑफ कर दिया पिछले इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान को कि आपकी हमें ज़रूरत इलेक्शन में है नहीं। और बलूचिस्तान की आवाम अगर आज लाखों की तादाद के अंदर समीउद्दीन बलोच, डॉक्टर महरंग बलोच को देख रही है, तो बलूचिस्तान की आवाम ने बता दिया कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में और इस इलेक्शन में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। वो ऑलरेडी अब अपने नुमाइंदे दूसरे ढूंढ रहे हैं, वो अपनी अक्कासी, अपने उमंगों की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी तकलीफ़ों की कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। तो ना सिर्फ हमने उनको रद्द कर दिया, उन्होंने भी रद्द कर दिया है। सेम थिंग विद ग्रोइंग, आपके अंदर एक जो यूथ है पश्तून बेल्ट के अंदर, वो मंजूर पश्चिम की तरफ देखते हैं, उनको अपने पॉलिटिकल सॉल्यूशंस या सोशल रिप्रेजेंटेशन वहाँ नज़र आती है, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में नज़र नहीं आती। गो के वो जो स्टार्क है कि कम्प्लीटली डिसइनफ्रेंचाइज हो जाना और डिसल्यूजन होना हो जाना पॉलिटिकल सेटअप से, वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो बिकॉज वहाँ की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट है, जिस तरह के यहाँ पे ऑपरेशन और बाद में बात कार्रवाइयाँ होती रही हैं। बट अगेन जब आप मुझसे सवाल करते हैं कि जी ये सारी चीज़ें हैं, मैं किसको वोट दूँ, तो इसमें कोई शक नहीं शहजाद कि वेयर इज लाइफ इज़ ग्रे, पॉलिटिक्स इज़ ग्रे एंड सच डिसीजंस आर ऑल्सो ग्रे। ये ब्लैक एंड वाइट होता तो बड़ा इजी होता चूज़ करने के लिए कि मैं किसको वोट दूँ या किसको ना वोट दूँ। आप जो हैं एक मुजस्सम जो हैं पूरा एक अलग अलग अपनी वैल्यूज़ की, अलग अलग समाजी अखलाकी कदरों की, ठीक है, अखलाकी कदरें, सामाजिक कदरें। आपको किसी पार्टी के अंदर कोई रविश, कोई कदर, कोई वैल्यू ऐसी अपील कर सकती जिसकी वजह से आप कहें यार मैं इस पार्टी के साथ खड़ा हूँ। वो पार्टी कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। आप अगर डाई हार्ड इमरान खान के फैन से भी बात करेंगे, वो गो आपके सामने बोलेगा, मगर अंदर से ही पता है कि भाई परफेक्ट तो नहीं है, इश्यूज़ हैं, बट किसी एक पॉलिसी की वजह से उनको वो अपील करता है। सिमिलरली पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं वो भी हैं। हाउएवर ये भी एक बहुत बड़ा तासुर है, मगर अगेन इसको जज करने के लिए ज़रूरी है कि कोई दूसरी पार्टी आके सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करे, कि पीपल्स पार्टी के पास फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ सिंध एक एम्प्टी ग्राउंड होता है। बिकॉज ना पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए पीटीआई वहाँ इन्वेस्ट करती है, ना जमात इस्लामी करती है, ना नून लीग करती है। सिर्फ एक दो जलसे गोटकी और दादू में करने से आप ये नहीं कह सकते, और 700-800 लोगों को वाइस चेयरमैन बनाने से पार्टी के आप रिप्रेजेंटेशन क्लेम नहीं कर सकते। आपके वहाँ के नौजवानों को मुस्तकिल पेटर्नेज देना होगा, वहाँ के लोगों को, मेहनतकश तबके को, मजलूम तबके को, महकूम तबके को आपको रिप्रेजेंटेशन और पेटर्नेज और प्रोटेक्शन देनी होगी। तब लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे जब उनको पता चले कि यार आपकी एक मुस्तकिल प्रेजेंस यहाँ पे है। वो तो उस तरीके से तो मैं देखूँ तो मुझे तो सिंध की आवाम बड़ी एस्ट्यूट नज़र आती है, बट हम जब ये देखते हैं कि यार आज अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो मैं लाहौर के अलावा भी बड़े शहर गिन सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वहाँ जो कमर्शियल हब्स बने हैं, इन टर्म्स ऑफ वहाँ जो इंडस्ट्रियल हब्स बने हैं, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं कराची के अलावा। ठीक है, हैदराबाद का ऑटोबान है, आप उसी को लेके बैठ जाएंगे कि जी ये देखिए इतनी बड़ी सड़क है। तो कराची के बाद सिंध के बाकी और बड़े शहर कहाँ हैं? वो कब आएगा कि सिर्फ सिवाय जहाँ पे सिंध में गैस निकल जाए ना, या तेल निकल जाए, तो आईबीए का नौजवान या सीबीएम का नौजवान वहाँ जा रहा है नौकरी करने के लिए मल्टीनेशनल के अंदर। उसके अलावा कहाँ जाता है? उसके अलावा ऐसी क्या जगह है कि कराची से उठ के बंदा बोले यार कि वो भी मेरा, ये भी मेरा सूबा है, बाकी शहर भी मेरा सूबा है, यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, कोई IT पार्क बन गया, फलाना चीज़ बन गई, मैं यहाँ जाके काम करूँगा। बताइए प्रोजेक्ट्स। I mean, वो probably health में गिरवाएंगे जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बट अगेन द इशू इज नॉट जो अच्छी बात है, बट ब्रिलियंट वर्क डन, बट वो अगर गांव में किसी के पास प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है तो वो किडनी का इलाज और ये सब, वो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। आपके बीएचयूज कितने फाल हैं कितने नहीं है, ये डिबेट होने की है, मल्टीपल इश्यूज उसमें। बस यही है कि माई क्वेश्चन इज जस्ट व्हिच इज व्हाई आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। कल को अगर एक मेरे पास मैजिक वॉन्ड हो, मैं पीपीपी रिमूव कर दूँ, पीपीपी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्या सिंध की सिचुएशन बेहतर होगी? आई डोंट थिंक सो। ये जो फ्यूडल निज़ाम है अनफॉर्चुनेटली, ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है कि सेम लोग 2008 में पीपी की टिकट पे जीतते हैं, सेम लोग 2013 में पीएमएलएन की टिकट पे जीतते हैं, वही लोग 2018 में खान साहब की टिकट पे जीतते हैं। पीपी थोड़ी प्रोग्रेसिव हो जाती है, डिसाइड करती है अच्छा अब हम इसको मियाँ मिठू को पार्टी से निकाल देते हैं, बड़ी इसने हिंदू गर्ल्स कन्वर्ट कर ली, अब हम ये इशू बनना शुरू हो गया, हम निकाल देते हैं, तो क्या होता है पीटीआई उठा लेती है। सो जब आपकी सियासत ये है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, ना आवाम से कोई फ़र्क पड़ता है। जो लोग जिस तरह आपने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि ऊपर एक भुट्टो है, ऊपर एक शरीफ है, बट हर गांव में भुट्टो और शरीफ उनके हैं जो जीतते जा रहे हैं। सो दैट सिस्टम दैट्स बीन क्रिएटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट शुडंट दैट बी आर प्राइमरी क्रिटिसिज्म। तो मैंने उस हवाले से भी बात की ना। देखिए, जब आप पीपल्स पार्टी की अगर बात कर रहे हो, सिंध के वाले से बात कर रहे हैं, तो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए करंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर जब हम बात कर रहे हैं कि आप उस पार्टी की रद्द करें, तो आप उस पार्टी की पॉलिटिक्स को रद्द करने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे कि चूँकि देखें बातें तो सारी पार्टी सारी अच्छी करती है, हम तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान की बात कर रहे हैं ना, कि वो स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है। यकीनी तौर के ऊपर मैंने ये बात पहले भी की हुई है कि पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के स्ट्रक्चरल चेंजेस बड़े ज़रूरी हैं जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए और जमहूरियत को आम करने के लिए। उसमें पहला स्ट्रक्चर आपका जो ज़रूरी है वो स्टूडेंट यूनियंस हैं। ये स्टूडेंट यूनियन का एक्ट है 4 पेज का, सिंध का। इसमें सर्च करके पढ़ के बताइएगा कि लफ्ज़ पॉलिटिक्स कहाँ लिखा है। इसको आप कहते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल्स हैं, स्टूडेंट यूनियंस नहीं है। हाँ, अच्छे मॉनिटर बनने का, अच्छा प्रीफेक्ट बनने का कानून इन्होंने बनाया है 4 पेज के ऊपर। एक तस्दीक की है इन्होंने स्टूडेंट यूनियंस की। हमारे एक इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन आ गई है। देखिए, तलबा के अंदर जो आइडियलिज्म होती है ना, वो बड़ा एक बेशकीमती सासा होता है, जो कि वो आइडियलिज्म ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर जाती है जो कि हम 35 साल के बाद, सिनिकल और जेडेड होने के बाद नहीं कर पाते। थोड़ा हमें कम आपको भी यही फीलिंग आ रही है, एक रियलिटी की बात है ना, होती है। तो उसको आगे ले जाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जब तक उस सतह के ऊपर हमारी जामियात के अंदर लीडर्स नहीं डेवलप करेंगे, और वो लीडर्स अपने ही पेयर्स के सपोर्ट से नहीं सामने उभर के आएंगे, तो एक अल्टरनेटिव डायलॉग नहीं पैदा होगा कि यूथ क्या चाहती है। फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में क्या है, यूथ क्या चाहती है। देखिए, मैं जवान हूँ ना, मैं यूथ हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं हूँ नुमाइंदा यूथ का, यही एक बहस रहेगी ना। ठीक है, अब खान साहब के बारे में बस ये कि वो 70 से ऊपर हैं, वरना यूथ के लीडर वो भी हैं। बट बिलावल भुट्टो साहब का भी मेन सेलिंग पॉइंट ये, मरीम नवाज साहिबा को भी अब कंपेयर टू नवाज शरीफ एज अ यंग रिलेटिवली लीडर प्रेजेंट किया जा रहा है कि जी ये एक नई आवाज़, नई जनरेशन आई है सामने। बट ये यूथ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यूथ की रिप्रेजेंटेशन है। कम उम्र बच्चा घर का आपने खड़ा करके कर दिया सियासत में और उसको चेयरमैन बना दिया, तो ये यूथ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इवन अगर ये बड़ी पार्टीज़ के जो पुराने स्टॉलवर्ट देखें, वो स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैं, जो लोग अच्छा काम भी करते हैं। जो कोई अगर अच्छा काम करता है और आर्ट ऑफ डिस्कोर्स की बात करता है, वो मेजॉरिटी सारा सबका बैकग्राउंड जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का है, स्टूडेंट यूनियंस का है। मगर उसके बाद जो हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि देखिए, आप एक वेटेज देखिए ना, आज अगर आपको कराची यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन करवाना पड़े तो हज़ारों की तादाद के अंदर आपको वोट पड़ेगा फॉर टू बिकम अ जनरल सेक्रेटरी, बिकॉज स्टूडेंट बॉडी इतनी बड़ी होगी ना, टू बिकम अ प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट। इतनी तादाद पड़ेगी कि कुछ शायद इतनी तादाद के अंदर कराची के हलकों में एमपीए को ना पड़ता हो वोट, जितना आपको यूनिवर्सिटी से खींचना पड़ेगा टू एक्चुअली होल्ड दैट प्लेस। तो आप पॉलिटिकल वेटेज देखिए ना कि क्या है वहाँ पे। अब जो बहुत सारे मसले मसाइल जो कि आम रोज़मर्रा के लोग नहीं हल कर सकते, उन पर बात नहीं कर सकते, उन पर एजिटेट नहीं करते, और पॉलिटिकल पार्टीज अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से करती नहीं है। वो जितने भी महकूम तबके हमारे हों उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करते आए हैं, लोगों को शऊर देते आए हैं, बेदारी देते आए हैं और प्रेशर ग्रुप्स बना के बैठे हैं। हमारे पास जब पूरी दुनिया हथियार डाल के बैठ जाती है कि गाज़ा में जो बम फाड़ना है फाड़ो, तो हम देख रहे होते स्टूडेंट्स की तरफ यूके में और यूएसए में कि वो क्या करेंगे, वो ऑक्यूपाई यूनिवर्सिटी टाइप की कैंपेन्स करते हैं और वो प्रेशर डालते हैं या उनके एकेडमिक्स ने करके बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है स्ट्रक्चरली कि आपको असल हकीकी मायनों के अंदर लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है लोकल गवर्नमेंट्स को पूरे पाकिस्तान के अंदर 100%। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे नई लीडरशिप डेवलप नहीं होगी और ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इस पिरामिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगी जो एमपीएस और एमएनएस के अंदर वेस्ट करती है और लोग उन्हीं के दफ्तर के बाहर लाइन लगा के रखेंगे। और नए लीडर्स जिनकी कारकर्दगी उनको स्टैब्लिश करे और मकबूल करे, जिनकी जड़ें आवाम के अंदर हों, वो पार्टी में पैदा नहीं हो सकेंगे। और फिर ये सिलसिला चलेगा कि पीर का बेटा पीर और सरदार का बेटा सरदार, और इसी के ऊपर जड़ें जो हैं वो बुनियादी रहेंगी। नई जड़ें आप डालने नहीं देंगे, जो कि यूसी लेवल के ऊपर जब आप डिलीवरी करना शुरू करोगे ना तो आप इफेक्टिव फोर्स ऑलरेडी बन जाओगे। अभी क्या है हमारा लोकल बॉडी सिस्टम में, आपको बता देता हूँ कि वसीम अख्तर साहब जो चिल्लाते थे कि जी मेरे पास इख्तियार नहीं है, क्यों भाई? आप जो बल्दियात सोचते हैं, जो सबसे पहली चीज़ कराची जैसे शहर में आपके पास आती है वो आती है सैनिटेशन, सीवरेज, कचरा, वेस्ट मैनेजमेंट, मेन चीज़ ये आती है आपके पास। आपने मेरे एलेक्ट किया हुआ है 2013 और 15 के अमेंडमेंट्स की वजह से आपने बनाया एसेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और आपने इसको आज़ाद कर दिया कि जी ये अलग पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, अलग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और अपना कचरा उठाएगा। मेयर का इससे लेना देना नहीं है, मेयर चला रहा है पागलों की तरह बगैर इख्तियारात के, उसकी ये काम ही नहीं कर सकता क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट ओनरशिप ऑन दैट सॉलिड वेस्ट अंडर द लॉ वेस्ट विद द बोर्ड। इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। यार ये क्या मजाक है, ये तो प्रॉपर चीज़ ही नहीं है। तो आपका लोकल गवर्नमेंट लॉ जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये लफ्ज़ किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है कि 5-6 साल बाद कि जो आपने काम किया, आप जो जमहूरियत के दाई हैं, आप जो लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके पैरालाइज किया लोकल गवर्नमेंट को। तो अब लॉ की अमेंडमेंट क्या आई? लॉ की अमेंडमेंट में इन्होंने कहा कि जी अब बोर्ड का चेयरमैन जो है ना वो शहर का मेयर होगा। तो सबको लगा कि अच्छा यार तो कंट्रोल मिल गया मेयर को, अब जो भी मेयर है वो बोर्ड चला रहा है, बोर्ड वो मैनेज कर रहा है। मगर उस बोर्ड के ऊपर बना दी एक स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी डिसाइड करेगी बजट क्या है और कितना अप्रूव करना है, और हर 6 महीने बैठ के वो बजटरी प्रोविजंस अप्रूव करेगी। उस स्टीयरिंग कमेटी का हेड आज भी लोकल बॉडी मिनिस्टर है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो नहीं आई, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑटोनॉमी की आप बात कर सकते हैं, बट एंड में हर चीज़ अप्रूव होने के लिए अगर हर 6 महीने मिनिस्टर साहब के पास जानी है तो मेयर साहब का हर एक प्लान शहर को लेके गो के वो 5 साल के लिए 4 साल के लिए एक्ट होंगे, वो 6 महीने से बड़ा नहीं हो सकता। इज़न्ट दैट सो? बिल्कुल। तो आप हकीकी महीने में वो काम भी नहीं कर रहे लोकल बॉडीज़ का। और तीसरी चीज़ हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे हारियों के लिए, जब तक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नहीं आएगी, ट्रेड यूनियंस प्रॉपर यूनियंस और हकीकी मायनों में जिनको पेटर्निज कानून के तहत ऑर्डर हो और उनको कानून और वफाक और सूबाई हुकूमतें रिकगनाइज भी करें। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत ये अपना इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज के अंदर लोग मनपसंद अपने कुछ वर्कर्स लेके एक मिनी यूनियन बना देते हैं, जिससे एक्चुअल मेन यूनियन बनने का रास्ता रुक जाता है और उन लोगों को कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नहीं मिलती। वो एक बिखरा हुआ ग्रुप होता है। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि देखें ये तमाम तरह सारी बातों में जो तमाम तरह अच्छे लीडर्स बड़े कर रहे हैं हमारे साथ। ये आखिर में जो मैंने आपसे कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर की बात की और वर्कर्स की, ट्रेडर यूनियंस की बात की, फलाना बैंक इस्लामिया बैंक एक तो और इस्लामिया, मैं अपने हलके की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने सीखी, हमारे हलके में एक बड़े एक्टिव सिटीज़न रहते हैं, नईम सादिक साहब, वही अक्सर ये काम करते। तो मैंने उनका एक मॉडल लिया, गार्ड खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार कितनी तुम्हारी तनख्वाह है? इज़ लाइक 13,000। और मैंने कहा ड्यूटी तुम्हारी कितनी की है? कहता 12 घंटे। बड़ा नॉर्मली बात कर रहा है। अब कितनी है मिनिमम वेज इस वक्त सिंध में? उस वक्त 25,000 थी जब मैंने ये सवाल किया था। नाउ इट्स अबव 30, 32 आई थी और 35 का रिकमेंडेशन उसके ऊपर हुआ। 25,000 की मिनिमम वेज के टाइम पे उनको मिल रहे थे 12,000। क्यों? चूँकि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर आधी तनख्वाह खुद रखता है। यही काम हो रहा था हमारे क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के सैनिटेशन वर्कर्स के साथ, जिन लोगों से हम शिकायतें और शिकवे करते थे कुछ साल पहले कि यार आप कचरा ही नहीं उठाते, आप आते ही नहीं हो, हमें पैसे दे के आपको इंसेंटिव दे के अपने घर के बाहर से कचरा उठाना है। उससे कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हें ये ड्यूटी करने के और हमारा ये सारी आलूदगी गंद साफ़ करने के पैसे भी पूरे मिल रहे हैं कि नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी तुम्हारे पास है कि नहीं, तुम प्रॉपर्ली रेगुलराइज भी हुए कि नहीं हुए। ये काम भी नईम सादिक साहब ने जाके CBC को केस करके सिंध हाईकोर्ट से कराया था। यार जिस मुल्क के अंदर आप मिनिमम वेज नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं, और आपसे मुराद अगेन एक पे अटैक नहीं कर रहा, सबकी बड़ी बात है ना, 300 मेगावाट फ्री करेंगे। ठीक है, या फ़लाना प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे, या फ़लाना कार्ड दे देंगे, या फ़लानी स्कीम दे देंगे। ओ भाई, जो उसका हक है कौम को खैरात पे लगाया हुआ है, वेलफेयर तो खैरात है ना, पहले तो आपने इंश्योर करना है आपका हक। आई डिसएग्री बट सर देखिए, सोशल वेलफेयर, मैं उस शरई मायनों के अंदर खैरात की बात नहीं कर रहा, इन जनरल भी अगर इकोनॉमी चलानी है सर, डेटा शोज डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बात। आप जब एक इंसान को उसकी जो 8 घंटे की ड्यूटी है फुल टाइम, उसको आप पूरा उसका जो हक है जो उसने मेहनत की है आप वो नहीं दे रहे, तो आप कह रहे हैं कि आप फलाना वेलफेयर प्रोग्राम में एनरोल हो जाइए, हम आपको उसके तहत अमाउंट देंगे ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। अब वो आपकी बात सही है, मैं उससे एग्री करता हूँ, दैट वाज अ रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड, दैट वाज अ रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड, ठीक है। तो बट मैंने उस तनाजुर में खैरात कहा कि यार जो मेरा हक है, जो मेरी उजलत है, अगर आप एक मजदूर के पर्सपेक्टिव से बात करें, एक मजदूर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वो पहले ये कहेगा कि जो मैंने 8 घंटे की मेहनत की है, 12 घंटे की मेहनत की है, मुझे इसका हक अदा करो, मुझे इसके पूरे पैसे दो। उससे तो पहली बात है ये अवेयरनेस नहीं है कि उसकी पूरी रकम बनती कितनी है, उसका मिनिमम कितना होना चाहिए वेजार, इसके ऊपर कभी हमने कोई ऐड नहीं चलाया। कभी कब आपने देखा रेडियो के ऊपर, टेलीविजन पर आखिरी ऐड कि तुम किसानों, तुम हारियों, तुम वर्कर्स, तुम जहाँ जहाँ किसी प्राइवेट इंसान के यहाँ काम कर रहे हो या सरकारी किसी महकमे में काम कर रहे हो थ्रू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारी मिनिमम वेज इतनी है, अगर तुम्हें ना मिले तो तुम फलाना नंबर के ऊपर कॉल करो और हमें बताओ। 2021 के अंदर सिंध हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट आई, एक फैक्ट्री के अंदर आग लगी, वो हमने कमीशन बनाया सिंध हाई कोर्ट के कहने के ऊपर हमारे केस में, उसमें आपका सोशल सिक्योरिटी वाला डिपार्टमेंट आया, उसने कहा कि जी हमारी तारीख के अंदर हमें तो पिछले 10 सालों के अंदर मिनिमम वेज के वाले से एक भी शिकायत नहीं है, और पता ही नहीं उनको जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में इसकी शिकायत कहाँ जाके करनी है, आपने क्या रेगुलराइज करना है। तो आप ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं, एंड अगेन मैं इस पर क्लियर कर दूँ कि द वर्ड खैरात जो है वो रॉन्ग था, बट इट वॉज जस्ट टू गिव दैट एनालॉजी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ वर्कर। यार मुझे आप ये चीज़ दे दीजिए ना, आप मुझे वो बेनिफिट क्यों दे रहे हैं। और वेलफेयर प्रोग्राम भी एक ऐसी डिस्पैरिटी जो हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जनरली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से की, मैं सिर्फ मिनिमम वेज की बात नहीं कर रहा, वेलफेयर भी हक है उस सर को कर रहे हैं, वेलफेयर भी हक है उस तबके का, मगर ये जब आप इंश्योर नहीं कर पाते जो आपके कंट्रोल में है, बिकॉज वो पैसा फिर किसके पास गया। उस कंपनी ने जब अपना ऑडिट करना दिखाना है, बैलेंस शीट दिखाना है, तो उसने तो पूरी मिनिमम वेज ही डेबिट की ना हर वर्कर के खिलाफ, मगर वो गई तो नहीं उसके पास, वो कहाँ गई, ये सवाल होगा। सरकारी खाते में भी जहाँ हम ये बोर्ड्स बना के थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए हर जगह लोग हायर कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये लोग हम हायर कर रहे हैं, वो कौन इंश्योर कर रहा है कि पैसे तो हम पूरे दे रहे हैं खाते के अंदर काट के, जा उसको आगे को कितने रहे हैं। तो ये पैसा अगर आप बचा लेंगे, ये तो फिर ब्लैक मनी हो गया ना सारा, ये तो करप्शन में खो गया, ये तो अनलॉफुल इलीगल गेंस हो गए, उस पर आपने नहीं बचाना। तो इस पे अभी हमने रिसेंटली रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब के साथ पॉडकास्ट किए जो आपके बाद आएगी, क्योंकि वो इलेक्शंस आ रहे थे, विल ट्राई एंड गेट दिस वन बिफोर आउट बिफोर द इलेक्शंस। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की, उन्होंने बोले जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं इस वक्त नेशन वाइड कंसेंसस है, आप गली गली में जाके भी पूछेंगे वो बता देगा, अच्छा यार एजुकेशन का मसला ये इस तरह सॉल्व करना है, इतनी कोई वाइड डिबेट अब नहीं रही, पूरी कौम को पता है कि मसले क्या हैं। द क्वेश्चन देन बिकम्स तो ये हो क्यों नहीं रहा। सो विद इन द गवर्नमेंट, विद इन इनके जो मसले मसाइल होते हैं, जब तक आप स्टेप वन फाउंडेशन नहीं सॉल्व करेंगे, राइट, लाइक यू वांट कि द गवर्नमेंट शुड प्लान बियॉन्ड अ ईयर, शुड गवर्नमेंट शुड प्लान बियॉन्ड 2 years, द गवर्नमेंट शुड प्लान फॉर 10 years। आप उनको गारंटी तो दें कि वो 2 years में बैठे होंगे, आप उनको गारंटी देते हो वो 6 महीने में बैठे होंगे। तो जब तक ये एक इस्टेब्लिशमेंट का बीस है, जब तक ये एक इनसिक्योरिटी है कि जी हमारी गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, अच्छा जी अगर हम ये इलेक्टेबल्स के थ्रू ना करें कल को जी इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्टेबल्स को तोड़ के हमें हमारी सियासत तबाह कर देगी, जब तक वो चीज़ रिट्रीट ना हो, देन हैविंग दीज डिस्कशंस। आप अगर एस एन इकबाल साहब के साथ बैठेंगे, पीपीपी के साथ बैठेंगे, पीटीआई के साथ बैठेंगे, कोई नहीं बोलेगा लोकल गवर्नमेंट्स बुरी चीज़ है, गारंटी करेंगे लोकल गवर्नमेंट अच्छी चीज़ है। कराची में पीटीआई वाले लोकल गवर्नमेंट चला रहे थे और पंजाब में नहीं दे रहे थे। सो इट्स दैट इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जिसकी वजह से पोलिटिकल पार्टीज़ टेक दीज शॉर्ट साइटेड डिसीजंस व्हिच आर टेरिबल फॉर द कंट्री। चलिए फिर मुझे बता दीजिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों नहीं गए मिलिट्री कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, क्योंकि जब ये फैसला एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर लिया गया तो वफाक में किसकी हुकूमत थी? 2014 वाले, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, रिसेंट वाले 9 मई के बाद की, 9 मई के बाद अभी तो जो पॉलिटिकल स्पेस है तो नॉन एग्जिस्टेंट है। 9 मई के बाद मेरे ख्याल में अगस्त में हुई ना ये गई पीडीएम की हुकूमत, अगस्त में डिसॉल्व हुई थी पार्लियामेंट, गलत तो नहीं कह रहा मैं। कौन सी अप्रैल वाली वोट नो कॉन्फिडेंस वाली? नहीं, ये पीडीएम की हुकूमत, अच्छा, जाने से पहले अगस्त में गई है ना, ये अगस्त में डिसॉल्व हुई ना पिछले साल पीडीएम की हुकूमत। आप इसलिए कंफ्यूज हो चुके इलेक्शन हो रहे हैं कब हो रहे हैं नहीं होता ना। आई वाज लाइक 3 महीने का कैलकुलेशन किया मैंने, बोला नहीं अच्छा वो तो फिर वो मर्दमशुमारी वाला मसला का वाकया हुआ था। आपके राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर थे जिस दिन आपने 3 दिन इंटरनेट बंद किया था और वो जियो के ऊपर आए थे, तो उनसे पूछा गया था भाई इंटरनेट कब खुलेगा। फिर उसी दौरान गुफ्तगू हुई कि खान साहब के बारे में पता चलेगा 12 मई तक कि वो आज़ाद होंगे कि नहीं होंगे, तो उन्होंने भी कहा कि फिर 12 तक ही खुलेगा। ठीक है, ये इंडिकेशन। तो जब ये फैसला हुआ इन सब का ट्रायल्स करने का मिलिट्री कोर्ट के अंदर, अभी आपने बात की कि जी हमें वो बीस्ट है, तो जब आपको उस बीस्ट के ख़िलाफ़ यूनाइट होने का चांस मिलता है तो आप होते हैं, आप करते हैं। आपने ये तो मान लिया, मैंने मान लिया कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, हमारे ख़िलाफ़ क्या हुआ, हाइब्रिड निज़ाम में क्या हुआ। खैर खान साहब की पहली बारी थी, आई एम नॉट सेइंग एक्सक्यूज इट, आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शंस अगेंस्ट हिज पार्टी। ठीक है, तो और मुझे बड़ी खामियां नज़र आती जो कि मेरे हलके के अंदर अगर मैं कारकर्दगी की बात करूं पीटीआई की तो नॉन एग्जिस्टेंट है, इसलिए अभी तक मैं आज़ादी लड़ रहा हूं, उस पार्टी के खिलाफ इस हलके में इलेक्शन लड़ रहा हूं। बट उस वक्त जब आपके पास ये चांस था तो क्या बयान आ रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स के हवाले से, नून लीग का क्या मौक़िफ़ था? नहीं, इस बात को फिर हम एड्रेस करें सर। टू एक्सपेक्ट कि एक बेयरली उसको गवर्नमेंट कहें क्या कहें, पीडीएम क्या था, एक फ्रंट मैन था, एक हाइब्रिड रजीम का। जब तो आप मुझे बता दीजिए कि इसका सलूशन क्या है। मैं वही जो 6 साल आपने हाइब्रिड रजीम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसको एक मॉन्स्टर बना दिया, जो कि आपने 2008 से 2017 तक रिट्रीट किया था। इट्स नॉट ओवरनाइट राइट, ऑब्वियसली पीडीएम लेट गई इस्टेब्लिशमेंट के सामने, वोट को इज्जत दो बूट को इज्जत दो बन गई। शहबाज शरीफ ने उसी तरह स्पोक्स पर्सन ने निभाई जिस तरह इमरान खान ने निभाई थी। सब बातें फैक्ट्स हैं, अनडिनाइबल हैं। तो क्वेश्चन इसके पीडीएम हुकूमत अगर आई थी आती, पहला उनका वन ऑफ द फर्स्ट लेजिस्लेशन वाज कि ऐसा की ओवरसाइट होगी इन दी अपॉइंटमेंट्स। बट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि जो आपकी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मार धाड़ कर, उनके लोगों को मार कर आपने एक कोने में डाल दिया, देन फॉर देम टू एक्सपेक्ट। नहीं, ये आपको एक सेकंड रुकिए, रुक जाओ ना, पूरा पॉइंट तो होने ये उस वक्त उस पॉइंट के ऊपर फ्रॉम देम कि वो इमरान खान को हटाकर हाइब्रिड रजीम को रोल बैक कर देते। यार आप शहजाद, अब आपने ज़्यादती की, बताएं आपने ज़्यादती की, बताएं। मैंने पूरे सिस्टम के रोल बैक की क्या बात की? मैंने एक सवाल किया सिविलियन को, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, मैंने सिर्फ एक पॉइंट उठाया है आपसे। यू थिंक पीडीएम गवर्नमेंट की औकात थी मिलिट्री कोर्ट को अपोज करने की? नहीं, एक सेकंड रुकें प्लीज़ जी। नहीं, मैं तो फिर कुछ भी बोलूंगा, आप कहेंगे जी तो फलाना गोल्फ क्लब को भी रोकने की औकात नहीं थी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वाकई नहीं है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। आप पॉलिटिक्स देखते हैं, यही बात हुई ना कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ। तो आप उस वक्त इक्वेशन देखते हैं ना, एक तरफ है पीडीएम, पूरी पीडीएम, इसके बड़े दो स्टेक होल्डर्स हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी। बाकी तो आपने 10, 15, 5-6 तरफ पकड़े, मौलाना की तो अपनी सीट नहीं थी असम्बली के अंदर, आप उनको लेके आए हुए साथ में। दूसरी तरफ है पीटीआई, यही तो बड़ी फोर्सेस थी ना, दो तरफ, एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग और एक तरफ पीटीआई। पीटीआई तो हो गई अलहदा, दूर हो गई, उसकी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जा नहीं सकती। इस्टेब्लिशमेंट की वाहिद रिक्वायरमेंट क्या बच गई, वाहिद नीड कौन रह गया, वाहिद ज़रूरत क्या रह गई? क्या आपने उस वक्त अपनी उस पावर इक्वेशन में पोजीशन को रोल करते हुए कोई ऐसा काम या कोई ऐसा इकदाम उठाया जिससे आप जमहूरियत आम करते? क्योंकि आप उस वक्त नीड थे और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई तीसरी चौथी कुवत नहीं थी कि इनको छोड़ के आप वहाँ चले जाते। ये बात सच होती है अगर अनवारुल काकड़ जैसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर हुकूमत नहीं चला सकते। वी लिव इन अ कंट्री वेयर दैट कैन हैपन। बट दैट ओनली ऐसे नहीं हुआ था सर, कोई मार्शल लॉ लग के हुआ था, आपने भी वो करके असेंबली डिसॉल्व हुई। शायद अगर आप एक्सक्यूजेस देना चाहेंगे तो फिर आप सारे एक्सक्यूजेस दे देंगे, देन द पॉइंट इज फिर आप मुझे बताएं। एक नहीं, रादर देन टेकिंग वन आंसर, द क्वेश्चन देन बिकम्स, जिब्रान, द क्वेश्चन देन बिकम्स व्हाट डू वी डू, राइट? And I'm telling you what was done 2008 to 2017 in terms of regaining civilian space step by step was a good model of what needs to be done over the next 10 years. आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आपको बैटल चूज़ करनी है, आप भी करते हैं। आपको भी पता है कि अच्छा यार इस वक्त ज़रा टेम्परेचर बहुत हाई है, इस वक्त छलांग मारने की आग में कोई पॉइंट नहीं है, जल के मर जाएंगे। You pick and choose your battles. So that's what they need to do over the next 10 years. To expect this hybrid regime to take a stand, जो लेटीविटी बूट्स के सामने। देखिए बात सुने, ये जिस तरह से गुजर गया ना हमारे 2008 से लेके 2018 तक का पीरियड, ये अल्लाह का शुक्र अच्छा गुजर गया और इस वजह से थोड़ा बहुत स्पेस के वक्त होने की वजह से जमहूरियत बची रही। मगर आप 2008 से लेके 2011 की वीकीलीक्स ही पढ़िएगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कितना अरसा बाद शौक चढ़ गया था मियां साहब को ओवरथ्रो करने के लिए, पीपल्स पार्टी भी हो गया था, यूसुफ गिलानी को भी हटाना था, सब था। वो स्टिल नॉट एज बैड एज द 90s। ठीक है, नॉट एज बैड एज द 90s की बात नहीं है। यू आर एट ईच अदर्स थ्रोट्स ऑल द टाइम, आप एक दूसरे के इस्तीफे तब भी मांग रहे थे, हर 2 साल बाद कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही थी। पनामा के अंदर पीपल्स पार्टी भी चुप नहीं बैठी थी, बड़े मजे ले रही थी। वो एंड में चल किसको लेके गया, ताजपोशी आपने किसकी की, उस क्रेडिट किसको दिया, फीता किससे कटवाया, वो एक और बात है कि आपने किसके हाथ में जाके दिया कि जी आपका क्रेडिट है, आपने मियां साहब को बाहर किया। बट तमाम तरह के टग ऑफ वॉर में लगे हुए थे। आप जब ये बात करते हैं कि देयर आर क्रिटिकल मोमेंट्स जो आते हैं नेशन की हिस्ट्री के अंदर, उस वक्त एक इंसिडेंट हुआ था, हमने देखा कैसे वाइंड अप किया गया और पैकअप किया गया एमकेएम को इस शहर के अंदर। वो एक शहर की सतह पर पार्टी थी 2016 के बाद, और फिर कितनी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया आज आपने एमकेएम कि वो अपनी बात नहीं कर पाती तो वो कराची की आवाम की बात क्या करेगी, जिस तरह से उनको किया है। बट वही बात है जो लाते हैं वही लेके जाते हैं। यू एग्री दैट दे क्रिएटेड एमकेएम, ठीक है, दे क्रिएटेड। बट बात इतनी सी, देखिए जब हर चीज़ क्रिएट होने के बाद आवाम भी कोई चीज़ होती है जो सस्टेन करती है उस चीज़ को, वरना कितने लोग आए हैं पैराशूट हुए जो क्रिएट हुए थे और फिर गायब हो गए मंजर आम से, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाए, आवाम में मकबूलियत नहीं ले पाए। मियाँ साहब जैसे भी आए थे, जहाँ पे भी आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक कॉर्ड स्ट्राइक किया, आवाम ने उनको सस्टेन किया, बार बार बुलाया। कहते होंगे सिकंदर मिर्ज़ा को डैडी के नहीं कहते होंगे, मुझे नहीं पता, वो एक ख़त घूमता रहता है ट्विटर के ऊपर। बट पॉइंट इज़ कि ठीक है, वो आए एक डिक्टेटर की कैबिनेट से, फिर मकबूल तरीन लीडर हो गए 70 में, आवाम की दिलों की धड़कन हो गए 71 के बाद। वकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान की एटलीस्ट हद तक, मुजीब वहाँ पे थे, सस्टेन कर गए। खान साहब भी इसी तरीके से आए, उनको तमाम तरह इलेक्टेबल्स ला के दिए, यहाँ से जोड़ो तोड़ो, वहाँ से तोड़ करके दिया, 6 महीने का धरना दिया, पनामा दिया, सब कुछ करके दिया। बट उसके बाद आज उसकी जो मकबूलियत है, आप कहते हो कि खान को इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, ये आप कहते हो ना, और आपको डर है, आपको डर है कि खान जिसको टिकट देगा वो जीत जाएगा, इसलिए पंजाब में आपने इतनी पकड़ धकड़ की हुई है। सिंध में तो आपको पता है ना कि कराची के बाहर कैंडिडेट्स ही नहीं है किसी और के, तो वी डोंट हैव टू मैनेज सिंध दैट मच बिकॉज यू नीड टू मैनेज पंजाब दैट मच। तो आपने एमपी और एमएनए को किया हुआ है। इस पूरी भाग दौड़ के अंदर जो पूरा क्राइसिस हुआ है, जो हुकूमत निकल के आएगी, ये हुकूमत जमहूरियत की वापसी की बुनियाद डालेगी। इस पे भी हम फिर एक फ्रैंक बात कर लें, खुल के बात कर लें कि ये लोग आके बुनियाद डालेंगे कि हाउ आर रोड मैप टू जमहूरियत गोना बी डिसाइडेड अगेन। जो ये डिसाइड करके बैठे हुए हैं, जो ये मान के बैठे हुए हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत को आगे जाने के लिए इस दूसरी पार्टी का कंप्लीटली तौर पर माइनस होना ज़रूरी है। 2008 में गवर्नमेंट आई, 2008 में इसी तरह की गवर्नमेंट आई, मुश्किलात से आई गवर्नमेंट, उनकी जो पार्टी लीडर थी उसको असैसिनेट कर दिया। हम दोनों का एक आइडिया है, मैं आपसे वही बात, आपने रिवर्स बात नहीं, मैं आपसे बात एनालॉजी सेम नहीं है, एनालॉजी सेम नहीं है सर। द क्वेश्चन इज सर एनालॉजी सेम नहीं है, एनालॉजी सेम इसलिए नहीं है क्योंकि 2008 के अंदर जो हुकूमत आई थी दैट वाज बिटन बाय द एस्टैब्लिशमेंट। वो एस्टैब्लिशमेंट का ऑपरेशन बर्दाश्त करते हुए, वो मुस्तकिल टेरर थ्रेट्स बर्दाश्त करते हुए, एग्जाइल बर्दाश्त करते हुए वहां से राइज हुई थी। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ लाडलो को लाने की बात हो रही जो इस वक्त इक्वेशन है, इस वक्त उनको लाने की बात हो रही जिनके लिए आपने फील्ड आसान की हुई है, इस वक्त उनको लाने की बात हो रही है जिनके लिए आपने सारे रास्ते खोले हुए, इस वक्त उनको लाने की बात हो रही है जिनको कोई परेशानी नहीं थी प्रपोजर की, सेकेंडर की, उनके कैंडिडेट्स की। उनको ना झंडे लगाने का मसला है, ना उनको कैंपेन करने का मसला है, ना कॉर्नर मीटिंग करने का मसला है, उन पर कोई पर्चे नहीं कटे जा रहे, उनका कोई लाउडस्पीकर लेके नहीं जाया जा रहा। खबरें ये चल रही हैं कि फलाने को कराची में इतनी सीटें मिलने का इनकाम, जीतने का इनकाम नहीं। तो ये 2008 की पीपल्स पार्टी नहीं है, ये वो इक्वेशन भी नहीं है शहजाद। देखिए आप फिर मुझे बताइए कि वो मरहला कौन सा आएगा कि ये तमाम तर स्टेक होल्डर्स, और इसको ये जुमला मेरा मुकम्मल होने दीजिएगा, देन आई हैव इट टू यू। हम ये तो अब मानते हैं ना कि हम 90s से इस तरह से आगे आ गए कि ये जो हमारा केक था, जो पाए था सियासत का, ये बड़ा हो गया है। इसमें एक बहुत बड़ा स्लाइस पीटीआई है, एक थर्ड पार्टी आ गई है नेशनल लेवल के ऊपर। हम कम से कम ये तो सब मानते हैं चूँकि 90s में नहीं थी। 90s में इट वॉज नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, मेनली द बिग पीपल फाइटिंग, द बिग टू पार्टीज फाइटिंग। अब इसके अंदर एक तीसरी बड़ी जमात आई है बिकॉज जमात इस्लामी अर्बन सेंटर्स में रही है, और एमकेएम तीसरी बड़ी कुव्वत सिर्फ कराची और हैदराबाद से बनी थी। पीएमएलक्यू भी उसी तरह आई थी जिस तरह पीटीआई आई थी। पीएमएलक्यू बिकेम पॉपुलर, नहीं नहीं पीएमएलक्यू का पहला एक ही इलेक्शन हुआ जो मुशर्रफ ने अपने हाथ से कराया। उसके बाद 2008 के अंदर उनकी क्या हालत हुई, एक ही टर्म के बाद मुशर्रफ की भी क्या हालत हुई, खैर चलिए एक ही टर्म के बाद, एक ही टर्म के बाद अगेन नॉट द सेम कंपैरिजन, क्योंकि वो गुजरात से बाहर निकल के पॉपुलैरिटी नहीं हुई बगैर मुशर्रफ के। पीएमएलक्यू में उस वक्त इमरान खान फैक्टर, द इमरान खान फैक्टर इज ह्यूज इन पीटीआई फॉर हिज पॉपुलैरिटी। अग्रीड, वॉट एवर फैक्टर है, सारे कोई ना कोई मज़ार बना के चला रहे हैं ना। आज ही भुट्टो जिंदा है, हम याद कर रहे हैं ना, तो हर एक यहाँ कोई ना कोई मज़ार ही चल रहा है, ठीक है। आप जब ये केक बड़ा हो गया है तो ये जो मौजूदा बाकी दो स्टेक होल्डर्स हैं, सवाल इस वक्त ये है पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए, अगर इस जमहूरियत के पहिए को वो आगे लेके जाना चाहते हैं, कि उनको ये एडमिट करना पड़ेगा कि नाउ देयर आर 3 बिग स्टेक होल्डर्स एंड 3 बिग पार्टीज़। दे कैन नॉट गेट कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करती रहेगी एंड पीटीआई विल इवेंचुअली बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर एंड फर्दर पीसेज, और ये पूरा बैक ट्रैक हो जाएगा और ये पार्टी सिरे से ख़त्म हो जाएगी। एंड वी गोना बी इधर साइलेंट ऑब्जर्वर्स और एन एक्टिव पार्टी टू इट। चूँकि जब ये सिम्बल्स केस का जजमेंट आया तो इसको बाहर निकल के डिफेंड नून लीग ने किया। अब आप मुझे बता दीजिए भाई, आप 9 मई के ऊपर एक सांस लेते हैं वायलेंस को लेकर। आई कैन एग्री ऑन दैट, आई कैन डिस्कस द मेरिट्स विद दैट, आई कैन से यार कि इस तरह के कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए थे, ये इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। आप बात करते हैं कि जिस तरह से फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल किया जाता है, आई कैन एग्री विद दैट एज वेल 100%, आई बीन बिटन बाई इट माई सेल्फ। मगर जब आप ये बात करते हैं कि जी आप पार्टी के इलेक्शन सिंबल्स, और इस पर मैं नहीं, आप जितने बड़े लॉयर्स मेजॉरिटी पाकिस्तान को आपको कमेंट करते नजर आए, उन्होंने मेरिट्स ऑफ द केस और मेरिट्स ऑफ द डिसीजन डिस्कस किया। बट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खुशी बनाई उस दिन कि गुड थिंग हैपेंड। तो जब आप ये रवश लेके चल रहे हैं तो फिर आप मुझे मत बोलिए कि ये दोनों बैठ के इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ेंगे। अगर ये अपने अंदर अपने ऐवान में ही तीनों, चूँकि अगर हम ये शिकायत करते आए और ये मियाँ साहब शिकायत करते आए और ये बिलावल भुट्टो शिकायत करते आए कि 2018 के बाद हम थे जो असम्बली आते थे, खान साहब नहीं आते थे, बिल्कुल सही कहा, हम थे जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे, खान साहब नहीं करते थे, हम है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बढ़ाने की बात करते थे, खान साहब नहीं करते थे, हम थे जो एक्ट्स की पे इसरार करते थे, वो ऑर्डिनेंस पे इसरार करते थे। यार अब आपकी बारी आई है, वट हैव यू डन इन द पास्ट सो मैनी मंथ्स टू टेल अस दैट। और ये बात नहीं कि VONC के एक महीने बाद ये 9 मई का वाक़या हो गया, इनको पैरों पे खड़े होने का चांस नहीं मिला था, ये 1.5 साल के बाद हुआ। उसके बाद जिस किस्म का हमने रिप्रेशन और ऑपरेशन देखा है इस मुल्क के अंदर, इट नीड्स टू बी सेड, इन दो पार्टीज़ ने उस हवाले से अपना किरदार अदा नहीं किया। क्या इन्होंने किरदार अदा नहीं किया? 100%, बट स्पेस भी नहीं थी। आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज फॉर देम, बट वी नीड टू एनालाइज व्हाट्स हैपनिंग, राइट? तो किस चीज़ की स्पेस है? अगर आप VONC हो जाते हैं, उसके बाद इमरान खान के भी लीक्ड डॉक्यूमेंट्स आए और लोगों ने बताया कि जनरल बाजवा उनको भी ऑफर कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, 3 महीने दे दो। दैट्स द रियल पॉलिटिक दैट्स हैपनिंग, राइट? खान साहब सड़कों पर भी हैं, खान साहब की गवर्नमेंट भी गिरा रहे हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में भी कोई इतना भरोसा नहीं है, आसिम मुनीर बन जाते हैं। उसके बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट में जनरल फैज़ का जो ग्रुप है, दे वर ट्राइंग टू रीगेन पावर, देयर वाज अ कू विद इन दी इस्टेब्लिशमेंट एज वेल। PTI कहती है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 में, आप और मैं दोनों अग्री करते हैं कि दैट्स बुलशिट, राइट? मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास मुसद्दका ज़राए से इतलात नहीं है कि वहाँ पे उस दिन क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान एक बहुत वनरेबल दौर से गुजरा। अगर वो फॉल्स फ्लैग था तो बहुत ही खौफनाक बात है, और अगर वो नहीं था तो और ज़्यादा खौफनाक बात है। दोनों सूरतों के अंदर इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो जो उस वक्त विजुअल्स आपको नज़र आ रहे थे, अगर एक मुल्क के अंदर अनारकी ट्रिगर हो जाती, क्योंकि वो जोग्राफिकली कंटेंट स्पेस नहीं थी ना, मल्टीपल शहरों के अंदर ये हो रहा था, हम उस किस्म की कन्फ्रंट्रेशन के एज मच एज आई अपोज इस्टेब्लिशमेंट्स इंटरवेरेंस इन पॉलिटिक्स, उस तरह की डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन के आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते, बिकॉज फिर तो सारा मुल्क ही फ्रैक्चर और तितर बितर हो जाएगा। आई एग्री विद यू ऑन दैट। ये वो सारी बात है, वो एक जुमरे में हर चीज़ देखा जाता है, जिस तरह ईरान मिसाइल में भी लोगों ने बोला। अगर आप देखेंगे कि किसी को बिल्कुल क्लीन चिट दे दो और किसी को बोलो उसका कोई कसूर नहीं है, तो जब आपने खुद कहा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस और वेरी दुनिया भर में सिर्फ ये ग्लैमरस लगती है जेम्स बॉन्ड की मूवी में, इट इज़ अ वेरी डर्टी बिजनेस, ठीक है? हम जैसे लोग या आप जैसे लोग कहाँ से सोशल मीडिया पर फतवे वायरल होते हैं कि आप गद्दार हैं, आप गुस्ताख हैं, क्या आप होते हैं? क्या आप होते हैं? क्या आपने कुछ की होती है ऐसी गुस्ताखी? क्या आपने की होती है ऐसी कोई गद्दारी जो आपको वो अलकाबाद से नवाजा जाता है और एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है और एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जाता है? फेक न्यूज़ भी आपके बारे में आम की जाती है, अखबार की कटिंग भी फेक फोटोशॉप करके आपके बारे में आम की जाती है। तो आपको तो पता है कि मल्टीपल चीज़ें, अलग अलग एक्टर्स अलग अलग जगह प्ले कर रहे हैं। मेरा उस जगह पर मैं हूँ नहीं कि मैं प्रीवी हूँ, मुझे इतना पता है कि एक माहौल कन्फ्रंट्रेशन का ऐसा पैदा हुआ दैट एनी मिसक्रिएंट हु वांटेड टू टुक एडवांटेज ऑफ इट। अब वो विद इन पार्टी था, वो थर्ड पार्टी था, वो विद इन द स्टेट था, ये मुझे नहीं पता, बट उस तरह की कन्फ्रंट्रेशन का माहौल भी नहीं पैदा होना चाहिए था। 100% ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का जितना मैंने पिछले 5 साल में खुलकर तनकीद की है, शायद ही किसी ने एक मीडिया में या सोशल मीडिया पर इतनी खुलकर इतनी रिपीटेडली की हो। बट एट सम पॉइंट आप जिस तरह कह रहे हैं, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो खुद कोर कमांडर हाउस जलाकर लाइव उसको नशर कर दे कि और लोगों को भी हो कि हम ये कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो हुआ वो खतरे की बात थी, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा, मैं अपना तबसरा दे रहा हूं। बट आप अगर ये कह रहे हैं कि जी किसने किया, ये सवाल तो बेतुकी सी बात है कि मैं कैसे नहीं जीता हूं। देखें, इट इज अ कंडेमेबल एक्ट, दैट आई एग्री, बट हु इंस्टिगेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, हु लेड इट, हु ऑर्गेनाइज इट, बैक चैनल किसने बैठ के इसकी प्लानिंग की, आई कैन नॉट गो इन बैक चैनल। छोड़ दें, सामने जो लोग नजर आ रहे हैं वो तो नजर आ रहे हैं। हसन न्याजी नहीं था? बिल्कुल था। हाउ कैन वन से कि हसन न्याजी नहीं था उसमें इन्वॉल्व? पैंटे खोल कर वो एक मॉब को लीड कर रहा है, तो वीडियो एविडेंस इज देयर, वी डोंट नीड टू। द पॉइंट इज कि आप वो जब आया रात को, उस वक्त तक मॉब वहाँ पहले पहुँचा था, वहाँ पे यास्मीन राशिद साहबा भी आपको दोपहर को नजर आई थी। मगर मैं आपसे फिर एक बात कर रहा हूँ जिस बात को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जब एक मॉब मेंटालिटी क्रिएट होती है, 500 लोग कहीं पहुँचे हुए हैं, 1000 लोग कहीं पहुँचे हुए हैं, 2000 लोग कहीं पहुँचे हुए हैं, तो मकामी पॉलिटिकल लीडर भी वहीं पहुँचेगा, क्योंकि जहाँ ऑडियंस है, जहाँ लोग हैं, वहाँ मीडिया है, सियासी लीडर भी प्रोटेस्ट करने वहाँ जाता है। मैं आपसे इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपसे ये बात करूंगा कि देखिए एक इंसिडेंट हुआ, कंडेमेबल इंसिडेंट था, आपके पास वीडियो एविडेंस है, आपने जियो फेंसिंग भी की, आपने सारी चीज़ें भी की। किसी ने ये नहीं कहा कि इनकी ट्रायल ना करें, किसी ने ये नहीं कहा कि इनके क्लीन चिट ना दें। ये सारी गुफ्तगू शुरू वहाँ से हुई कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। गुफ्तगू हमने शुरू वहाँ से की। वी डिसएग्री ऑन द मिलिट्री कोर्ट्स। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के इस्टेब्लिशमेंट भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जिस तरह अभी ईरान का मिसाइल आया, बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पूरी एक आपको थ्योरी दी कि ये इमरान खान को नीचे करने के लिए, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, मैंने वो नहीं देखी थ्योरी। ओहो हो। जनरल आसिम मुनीर ने ईरान को फ़ोन किया और बोला ये हम एक ड्रामा करते हैं। क्या मुझे पता है ये हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या मुझे पता? नहीं। बट एज अ रीजनेबल पर्सन मुझे पता है कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट, एज अ रीजनेबल पर्सन यू विल नॉट ड्रॉ टू कंक्लूजंस इन दिस कंट्री। नो, आई कैन एटलीस्ट से कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट इतनी उल्लू की पट्टी नहीं हो सकती कि वो अपनी सिक्योरिटी, एयरफील्ड कॉम्प्रोमाइज़ करे। चले हम मान लें हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने हिस्टोरिकली जो हरकतें की हैं उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईरान जो है, जिनकी एयर स्पेस या जिनकी फिजिकल स्पेस 1980 से किसी ने अटैक नहीं किया। मैं किसी और की कंस्पिरेसी थ्योरी पे नहीं जाना चाह रहा। उस यूट्यूबर को मैंने देखा भी नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप अपने टॉपिक पे आ जाइए ना। अब आपने खुद ही कूजे के अंदर बंद कर दिया। आपने कूजे के अंदर एक बंद कर दिया जुमला कह के कि जी अगर हिस्ट्री देखें हम तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपने कहा ना। तो मैं इस मुल्क के अंदर कोई एक बात जो कि शायद जिसका खुलासा 7 साल बाद हो रहा होगा, 8 साल बाद हो रहा होगा, 10 साल बाद हो रहा होगा, क्योंकि जो इनकम्बेंट होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। उनके जाने के बाद बात की जा रही होती है कि कब क्या हुआ था, कब क्या नहीं हुआ था। सो जस्ट टू पुट अ बटन ऑन दिस डिस्कशन, आई थिंक कल को जो ये गवर्नमेंट आके करेगी, वी विल सी व्हाट दे डू। राइट नाउ हम उनकी नियतों को भी नहीं शक करते। मे बी दे विल डू व्हाट्स बेटर फॉर पाकिस्तान, मे बी दे वोंट डू व्हाट्स बेटर फॉर पाकिस्तान। आपको इसी की रखनी चाहिए। उम्मीद यही रखनी चाहिए कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे। कल को आकर ये लेजिस्लेशन पास करते हैं, लोकल गवर्नमेंट इवॉल्व करते हैं। लेट्स कम टू नाउ योर, हां मैं उस पे आता हूं। लेट्स कम टू योर, ये एक बड़ा नेगेटिव व्यू चला गया। आप जब मुझसे पूछेंगे मखसूस चीज़ों के हवाले से या केसेस के हवाले से तो जो क्रिटिक है मैं वो करूंगा, बट मेरा किसी भी सियासी लीडर पे तनकीद करने का या तारीफ़ करने का ये मकसद नहीं होता कि मैंने उसको 100 नंबर दे दिया या मैंने उसको 100 में से 0 कर दिया। मैं उनकी सियासत का एक एंगल बता रहा हूँ। दैट इज़ नॉट टू से कि दे आर नॉट अ सोल्यूशन एंड दे कैन ऑफर नो सोल्यूशंस। ये मैंने आपको पहले कह दिया था। ये मैंने आपको पहले कह दिया कि जी एक वोटर जो है वो मुजस्सम है तमाम मुख्तलिफ अखलाकी, समाजी, सियासी कदरों का। उसको जिस पार्टी का, जो मंशूर का, जो एंगल, जो रेलिवेंट पार्ट लगेगा उस वजह से वो वोट करेगी। और पार्टी उसके अंदर ग्रे मैटर होता है। मगर इस बात को भी प्लीज़ ज़रा गौर से लेके आइए कि चलें लोकल बॉडी जो है एक बड़े स्ट्रक्चर की बात है, ठीक है, एक मैनेजमेंट की बात है। उसका रोल ओवर होते होते बड़ा टाइम लगेगा। हम एक प्रोसेस से गुजरेंगे, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनेंगे। जब एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं, बजटरी वगैरह ना, तो वो पार्टीज़ आएंगी, उनको यकीनी तौर पे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। उनको चाहिए 20-25 साल लगातार हुकूमत के एक सर्टेनिटी के साथ, ताकि प्लान आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट हो और शायद 7 से 8 साल के अंदर प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स की हमें नज़र आएँ और हमें सर्टेनिटी हो कि आप कोई आगे से इंटरफेरेंस नहीं होने वाली। ये आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। हम जो गुफ्तगू हमने यहाँ से शुरू की थी, जिसके बाद आप गुफ्तगू वहाँ ले गए थे, वो नाज़िम जोगी मर्डर का था। यार ये 18वीं सदी नहीं है ना, 24वीं सदी है। कम से कम एक मर्डर को तो पकड़ लो ना। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम नहीं करती। उस पर तो कोई एक्सक्यूज कर ही नहीं था ना। वो तो कह रहे हैं कि मतलब जल्लाद लोग हैं ये। अगर चूँकि गुफ्तगू वहाँ से शुरू हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये हॉस्टेजेस हैं एक फ्यूडल सिस्टम के, उस सिस्टम के, और फिर उस पर आप सवाल ले गए थे कि जी फिर अगर ये नहीं तो फिर कौन, तो ऑप्शन कौन है? अगर इनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो और किसको कर सकते? ये तो मैंने सवाल पूछे भी नहीं आपसे, बट आपने ये बात मुझसे, आपने सवाल किया था 4-5 नाम लेके कि हम किसको वोट करें। द डिसएग्रीमेंट राइट नाउ, और मे बी वो ना निकाल देना एडिट पे जो तुमने उससे सवाल किया था, सब रहेगा, सब रहेगा। तुमने भी तो अभी कहा था ना कि भाई इनसे अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये करने के बाद करेंगे तो वन कैन एक्सपेक्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास अभी इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह भी आएगा आएगा ये लोग ही, वन कैन होप। सो नाउ लेट्स कम टू योर कैंपेन एंड व्हाट यू आर डूइंग। पार्ट ऑफ द रीज़न उस पर मैं थोड़ा रिजिस्ट भी कर रहा था कि यार यू नो हाउ दीज डिस्कशंस हैपन, राइट। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपकी जो अपर मिडिल क्लास है स्पेशली कराची में, दे डू नॉट गिव अप अबाउट पीपल इन सिंध, ठीक है। कुछ होता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। मैं पीपल इन रेस्ट ऑफ सिंध, दिस इज आल्सो सिंध ऑफ कोर्स। अच्छा जी, आप जब अपनी पॉलिटिक्स करनी हो, आप उसको पॉवर्टी बॉन्ड बनाकर आप एक गरीब बच्चे की तस्वीर सिंध से उठा के लगा देंगे, ये देखो इस बच्चे का हाल, वोट फॉर दिस पार्टी। आपको शर्म नहीं आती? ये आप वो लोग हैं जो डीएचए में बैठते हैं कि जी डीएचए का शक्ल ख़राब हो गई, गरीबों को उठा के फेंक दो यहाँ से। जब यहाँ की बस्तियाँ टूट रही होती हैं आप लोग उस पर नहीं आते। देन यू आर यूजिंग सम चाइल्ड्स सफरिंग फॉर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा, उसके जवाब में ये नहीं आता कि अच्छा पीपीपी ने कुछ किया, सिंध के बच्चों के लिए किया, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट दोज किड्स। अच्छा, ये केपी का बच्चा देख लो। तो आपके मुल्क का जो गरीब तबका है, जिसको ना इस मुल्क ने, ना इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट में, ना इस मुल्क की सियासी कुव्वतों ने कभी अपना समझा, ना कि उसको कुछ दिया, उसको आप सोशल मीडिया पर एसी के कमरों में बैठकर यूज कर रहे होते हैं अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए एज पॉवर्टी प्रॉन वोटर की बात कर रहे हैं. There are many people who are doing this right now at every end and I find that absolutely disgusting and मुझे लोग वो भेजते हैं, ये देखो, the purpose for which you're using that child suffering is absolutely disgusting to me. हम अगर आपकी कैंपेन की बात करें, ये हमारी पॉलिटिकल रियलिटी है, ये हमारे मसले मसाइल हैं. मैं इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दूं. देखिए, आप ये भी नहीं कह सकते कि यकीनी तौर के ऊपर एक डिसोसिएशन है एलीट की, बिल्कुल है, हैव्स की और हैव्स नॉट की, और एक डिफरेंट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और गो के हम चाहते हैं कि सब अच्छे अच्छे रहें, मगर हम ये भी चाहते हैं कि हम सब अलग-अलग रहें और एक दूसरे से दूर दूर भी रहें. जो आपने बात की, ठीक है, कि वो वहाँ पे रहे जो अच्छा रहे, वो वहाँ पे रहे वो जो अच्छा रहे. मगर मेरे ख्याल के अंदर ये भी कहना गलत है कि जो एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, जो एलीट तबका है, उन्होंने इसके लिए किया क्या? आप जब इस मुल्क का वेलफेयर सिस्टम देखते हैं, वेलफेयर का निज़ाम देखते हैं, आपको इन्हीं इलाकों से निकल के नज़र आएंगे यंग प्रोफेशनल, CEOs, बिजनेसमैन, जो भी एक रिप्रेजेंटेशन ही है इसी क्लास की, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया. बट हाँ, ये एक जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ना, वो ये एक हिपोक्रेसी है कि वो इंसान जो पूरा दिन वुमेन राइट्स के बारे में चलाएगा, वो घर में अपनी बीवी को पीटेगा. आप उस हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हिपोक्रेसी हर सतह के ऊपर, हर तबके में किसी न किसी के पास है. किसी की हिपोक्रेसी उसके स्टेटस ऑफ प्रिविलेज को लेके है, किसी की हिपोक्रेसी उसकी मोरालिटी को लेके है, किसी की हिपोक्रेसी उसकी रिलीजियोसिटी को लेके है. जिसके पास जो है वो उसके हवाले से ही कोई हिपोक्रेसी दिखाएगा. तो वहाँ तक आपकी बात सही है, बट ये पूरे माशरे में एग्जिस्ट करती है. अगेन, ये तो देखें, इंसान अच्छे बुरे हर जगह के ऊपर हैं और हसास भी हैं और एपथेटिक भी हैं और आई डोंट नो व्हाट यू आर डिसएग्रीइंग विद, वी एग्री विद दिस. नहीं, बट आपने जिस तरह से इसको ये पेंट किया ना कि दिस इज अगेन, दिस इज द DHA वर्सेस द पुअर, ऐसा भी नहीं है. जिस तरह से लफ्ज़ों का आपने चुनाव किया, इसमें मैंने तो हल्का है. नहीं, आपका तो हल्का है. देखिए, मैंने पहले गलत लफ्ज का चुनाव किया था, खैरात बोल गए, तो मैं इसके पीछे गया. वन शुड नॉट जनरलाइज, ठीक है ना. आप BDHA में रहते हैं, ठीक है, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप रोज जाते हैं. ओवरऑल आपके जो एलीट है पूरे मुल्क में, वो अक्रू करता है एलीट बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम सिस्टम. देयर एपेटाइट फॉर रेजिस्टिंग द सिस्टम इज़ वेरी लिटिल. अगर हम अभी रिसेंटली एक बच्चा था, उसने कामरान शाहिद को बोला कि 8 फरवरी को ये कौम दिखा देगी हम खान साहब के साथ खड़े हैं. कामरान शाहिद ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई, अगर आप वाकई यकीन करते हैं कि इमरान खान इस इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट था, ये जो मुल्क है, जो लोग खा रहे हैं उसके हम अगेंस्ट थे, तो उसने जब कॉल दी आप नहीं गए. उसने जब बोला पिंडी पहुँचो, हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जलसा करेंगे, आप नहीं पहुँचे. उसको जब गोली लगी आप सड़क पर नहीं आए. 9th में हो, उसके बाद आपको लगा गलत हुआ, उसके बाद कोई सड़क पर नहीं आया. 9th में भी कितने 20 लोग आ गए होंगे सड़क पर. सो द फैक्ट दैट ठंड है मेनली, आपके एलीट बिजनेसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. आपके जो सबसे अमीर लोग हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट के पास गए थे कि इसको चलने दें, हम अभी खुश हैं, स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज हो गई है, डॉलर स्टेबलाइज हो गया है, अभी भी जाते हैं. That's your elite class. So that is उसका election में तो interest नहीं, उस तबके का तो continuity of policies में interest है. So that's your elite class and that's the interest that they protect. ठीक है, उन मोहल्लों में कुछ लोग अच्छे भी होंगे and obviously DHA. But that is not just all of DHA. DHA also has a lot of families which live month to month which are struggling as well. ठीक है, they maintain a better quality of standard and that's also other more developed areas of Karachi. वो आप KDA की बात कर लें, PCGC कर लें. कभी कभी आपके पास एक अच्छा घर होता है, पुराना घर होता है, जरूरी नहीं कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम भी इस वक्त अच्छी चल रही हो. अब जाहिर बात है, आपने इस तरह वाइट प्रिविलेज में वाइट लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसी तरह एलीट प्रिविलेज में आपने DHA का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया इस्तिलाह के तौर पर. ठीक है, मैं समझ गया. मैं आपकी आवाम के लिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको भी लोग आपको भी ना जरा ख्याल भी रखना पड़ता है. जो डी है उसको आप इतना खुल के नहीं तनकीद कर सकते. DHA पे बंदा बर्दाश्त कर लेता है तनकीद, तो फिर इसलिए मैं कभी कभी D की तनकीद भी DHA में डाल के उसके जुमरे में शुरू कर देता हूँ. आपकी उस पे आ जाते हैं, अगेन आई थिंक तोपे हमारी कहीं और ही चली गई हैं. आई जस्ट फील के इस्टेब्लिशमेंट के डिस्कशन के बगैर पोलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना पॉइंटलेस है. DHA में भी जब पानी खड़ा होता है, आप फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं. जिसका स्टॉर्म वाटर ड्रेन डालने का काम था वो डाले. जबरान नासिर आ गए जी, आप आ गए, MPA बन गए, आपको हमने डाल दिया. ये सिस्टम है, ये सिस्टम की रियलिटीज़ हैं, ये इस तरह चल रहा है. एक MPA क्या करेगा? देखिए, मेरा मंशूर 2018 के अंदर मेरे ख़्याल में 84 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल था. उस वक्त भी ये पिलाप वालों ने एक एनालिसिस किया था और उन्होंने कहा था पॉलिसी वाइज माई एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो मंशूर पूरे पाकिस्तान के लिए है, दैट रैंक्स बेटर दैन वॉट PTI, जमात इस्लामी, MQM, पीपल्स पार्टी एंड नून लीग. पॉलिसी के अतबार से मेरे ख़्याल में जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी सियासत से वाकिफ़ हैं, मेरे हलके में, उनको पता है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ. मुझे जो बुनियादी मसला नज़र आया ये 3 इलेक्शंस और 4 इलेक्शंस लड़ने के बाद और इलेक्शंस के बाद जो वक्त होता है वोटर से जुड़े रहने का, वो ये नज़र आया कि रिप्रेजेंटेशन का और हकीकी मायनों में रिप्रेजेंटेशन का और रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन का, कि अगर आज मैं आपका एमपी इलेक्ट हुआ हूं, चूँकि आप मुझे पहली बार एक कॉर्नर मीटिंग में मिल गए थे और मुतासिर हो गए, या मेरी पार्टी का सिंबल आपको अच्छा लगता था, आपने वोट दे दी और मैं इलेक्ट हो गया, उसके बाद शहजाद ग़यास अपने एमपी से रब्ता कैसे करेगा? शहजाद ग़यास बताना चाहता है, ठीक है उसका बिजली का खंभा गिरा, उसने के लेटर को शिकायत की है, मगर वो चाहता है मेरा एमपी भी इस हवाले से कुछ आवाज़ उठाए ताकि कोई प्रेशर बने, उस भी ओनरशिप ले मसले की। कोई सामने गटर की नाली टूट गई है, या पार्क के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, या कचरे का कहीं ढेर लगा हुआ है, ये हैं सारे लोकल गवर्नमेंट्स के मसाइल, मगर आप चाहते हैं हल तो वो आगे करेंगे, मगर जो मेरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो इनकी ओनरशिप ले, वो इन इदारों के कहीं पर सुनवाई भी करवाए, वो इनकी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को कहीं पार्लियामेंट में खड़े होकर, असेंबली में खड़े होकर पूछे भी कि आइए आपकी कारकर्दगी इतनी क्यों गिरी हुई है, उसका कोई परफॉर्मेंस ऑडिट भी उस लेवल का ऊपर हो, और मुस्तकिल जुड़े रहने के लिए। और ना सिर्फ ये, आप ये भी शायद चाहेंगे, आप जैसा इंसान, बाहोश बाशऊर इंसान जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस में जाता है, कि यार एक कानून आ रहा है, आपको ही पता है, आपने सुबह डॉन के अंदर खबर पढ़ ली कि फ़लाना फ़लाना प्राइवेट बिल टू बी टेबल्ड, अब आप चाहते हैं यार ये क्या कानून है, ये कैसे पास हो सकता है, बट हाउ डू आई गेट दिस टू माई एम पी ए, बिकॉज वोट तो वो डालेगा ना आपके बिहाफ के ऊपर जाके, शहजाद ग़यास तो नहीं डालना, एंड हाउ डज एवरीबडी एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी गो एंड से यार ये कानून तो नहीं, हम एज अ एग्रीगेट ऑफ सिटीजन्स, हम ऐसा हल्का कहते हैं यार ये कानून सही नहीं है, उसके लिए वो आपसे कैसे जुड़ेगा? ये तमाम तर रसाई के सवाल इकट्ठे होते हैं कि मैं अपनी शिकायतें उससे कैसे पहुंचाऊं, मैं अपने मसाइल उससे कैसे कम्युनिकेट करूं, और मेरी अपनी राय उन कानून्स के ऊपर, उन पॉलिसी के ऊपर जो कि असेंबली में होनी है कैसे डिस्कस करूँ। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना मंशूर बनाया आवाम की ऐप, जो कि इस वक्त प्ले स्टोर के ऊपर लाइव हो चुकी है, जिसकी सारी फंक्शनैलिटी जब आप उस पर क्लिक करेंगे, जो कंप्लेंट एड्रेस करने का मैकेनिज्म है उस पर लिखा आएगा फीचर्स कमिंग सून, चूँकि हम ऑफकोर्स इलेक्शन जीतेंगे तो उसको प्रॉपर फंक्शनैलिटी ऑन कर देंगे। अभी जो फैसिलिटी PS हल्का 110 के वोटरों को क्लिफ्टन डिफेंस और उसके अतराफ़ में जितनी कॉलोनीज़ हैं, अगर आप 110 में रहते हैं तो अगर आप 8300 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड भेजेंगे तो आपको सामने से वो बताएगा कि आपका NA का हल्का कौन सा है, आपका PS का हल्का कौन सा है, आपका शुमारियाती सेंसस ब्लॉक कोड कौन सा है और आपके पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, मगर वो लोकेशन पोलिंग स्टेशन की नहीं बताएगा। तो हमने अपनी ऐप में ये फीचर दे दिया अपने वोटर्स के लिए कि अगर वो अपना ब्लॉक कोड डालेंगे तो वो आपको लोकेशन और नाम दोनों शो कर देगा। गूगल ऐप के ज़रिए हमने उसकी पिन डाल दी पोलिंग स्टेशन की ताकि आपको एक आसानी हो। ये ऐप मैंने इसलिए बनाई है ताकि 24 घंटे मेरे हल्के के 3,15,655 वोटर्स जो हैं मुझसे जुड़े रहें, अपने मसाइल रेस कर सकें और ना सिर्फ मसाइल रेस कर सकें, मैं उनको इंगेज कर सकूं ऑफ द वर्क वी आर डूइंग इन द असेंबली, ऑफ द पॉलिसीज वी वांट टू प्रमोट, ऑफ द लॉज विच यू आर कमिंग एंड व्हाट शुड आवर वोट बी ऑन दैट, ताकि उनका भी इस हवाले से शऊर बढ़े। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं इस ऐप को, चूँकि डेटा में बिलीव करता हूँ, एंड डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी इज़ वेरी पैरामाउंट एंड दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, बट द पर्पज़ एंड अगेन आफ्टर एक्सप्लेनिंग पीपल और उनसे कंसेंट लेने के बाद जो मैं डेटा इसके तरह से क्या गैदर करना चाहता हूँ कि मुझे मेरा पता तो चले कि मेरे हलके के अंदर कितने डेली वेज अर्नर्स हैं और अगर हैं तो वो किस खत्ते में रहते हैं। इतना बड़ा हलका है, 18 कॉलोनीज़ हैं, तो 18 कॉलोनी की हर गली में तो नहीं है ना डेली वेज अर्नर। तो चूँकि अगर मुझे फूड बैंक बनवाना है, मैंने कहना है रिस्क वालों को या JDC वालों को या सिलानी वालों को यार यहाँ पर आके सेटअप करो, हमें MOU करो, तो बेहतर है कि मैं उनको वो लोकेशन दूँ जहाँ सबसे मैक्सिमम आउटफुट जाएगा। अगर मैं एंडोक्रोनोलॉजी डायबिटीज़ के हवाले से या ये मैंने और भी पॉडकास्ट वगैरह बात की, कार्डियो का, लेवर का कोई भी मसला हो, आप जो इंटरवेंशन करें वो तो आप लाइव डेटा को लेते हुए करें, वो तो आप ये समझते हुए करें कि आपके हॉटस्पॉट्स कहाँ बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखिए एम्पावरमेंट रसाई से ही आती है। आप अगर एक हाउसवाइफ हैं और एक ख़ास तौर पर कॉलोनी में हाउसवाइफ हैं, आपको ड्राइविंग भी नहीं आती, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है और उसके भी पैसे लगते हैं, और मियाँ आपका जो है वो नौकरी 15-16 घंटे करता है आज की महंगाई में, तो आपको किसी मर्द का इंतज़ार क्यों करना है आपका मसला मुतलका महकमे तक ले जाने के लिए? आप अगर वो शिकायत अपने MPA को दे दें, MPA अपने लेटर हेड पर डाल के आपके बिहाफ उस मुतलका इलाके को, इदारे को शिकायत पहुँचा दे, तो आपको तो घर बैठे एक सर्विस मिल रही है ना, जो कोई और नहीं देना चाहता पाकिस्तान के अंदर। 8-9 साल का बच्चा टिकटॉक चला रहा है, लाख फॉलोअर हैं, मेरे फॉलोअर नहीं हैं टिकटॉक पर, उसके लाख फॉलोअर हैं, मगर मैं ये समझूं कि वो शिकायत नहीं, अगर 9 साल के बच्चे को लाख लोग फॉलो कर रहे नहीं, बट बात ये नहीं, बात ये है भाई कि अगर एक बच्चा कोई भी कंटेंट बना के खुद से 1 लाख फॉलोअर्स अट्रैक्ट कर सकता है, तो आई एम श्योर वो अपनी गली का, अपने पार्क का कोई मसला ही बता सकता है। ये बता सकता है कि मेरे स्कूल की डेस्क खराब है, यहाँ कोई देखता नहीं, स्कूल का पंखा नहीं चलता, ये छत टपक रही, गिर रही है। उसको जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, अगर उसके पास मोबाइल आ गया है तो। डिजिटल लिटरेसी का हम फ़ायदा तो उठाएं। इसी तरह जो बुजुर्ग तबका है हमारा, तो हमने इस ऐप को जाके कॉलोनीज़ में रोल आउट भी करना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, CBC ने एक ऐप बनाई जो सिर्फ सीबीसी के फंक्शंस तक लिमिटेड है। डीएचए क्लिफ्टन में कुछ लोगों को उसके बारे में पता है, कॉलोनीज में आके जहाँ तक उन्होंने एक इश्तेहार भी नहीं लगाया, क्योंकि ये डीएचए क्लिफ्टन के लोग फेसबुक पे गंदा करते हैं सीबीसी को, सच बता के, हकीकत बता के, तो एक्सपोज हो जाती है सीबीसी, तो इसलिए वो कॉलोनीज में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कभी दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी नहीं गए, वो कभी हज़ारा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी नहीं गए, नीलम कॉलोनी नहीं गए कि यार ये ऐप है, अपने मसाइल हमें बताओ, क्योंकि मसाइल उन्होंने हल थोड़ी करना है। तो हमने तो ये एक्सेसिबिलिटी का और रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ताकि लेजिस्लेटिवली और पॉलिसी वाइज भी मेरी आवाम का इनपुट हो, जुड़ी रहे। इसका जो कॉन्सेप्ट है इस एंगल का, ऑफ योर पीपल बीइंग एबल टू वोट एंड टेल यू व्हाट दे व्यू, और या आप उनकी ओपिनियन भी फॉर्म करने में हेल्प करो। डेमोक्रेसी ओएस के हवाले से ये प्रोजेक्ट अर्जेंटीना के अंदर आया था मैनी ईयर्स अगो, दिस इज नॉट इवन समथिंग न्यू। और उस ऐप की बेसिस के ऊपर कि उन्होंने कहा कि लेट्स गो फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हर एक वोटर को इख्तियार हो कि वो अपने एमपी एमएनए से जुड़ा रहे और लाइव रिप्रेजेंटेशन हो। उस बेसिस के ऊपर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, और वो पहले इलेक्शन के अंदर तीसरी या दूसरी बड़ी जमात बन गए थे अर्जेंटीना की। एंड बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये ऐप खुद तो नहीं इंप्लीमेंट कर सके जो कि हुकूमत में नहीं थे, बट जो इनकम्बेंट थी उनसे एक्सेप्ट करवा ली। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मेरे मंशूर के ज़रिए अगर मैं एक जीता सीट और ये हल्के के अंदर ये इंप्लीमेंट कर सका, मुझे लगता है कराची की आवाम इतनी बाशूर है कि हर हल्के में अपने एमपी से डिमांड करेगी, बिकॉज इसका कोई सोर्स कोड पेटेंटेड तो नहीं है। अच्छा, आपने ऐप बना ली, सबने छाप ली, सबने बोला ये बड़ा अच्छा आइडिया है, बना लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टिल रिमेंस, व्हाई जिब्रान नासिर, व्हाई नॉट? दिल पे हाथ रख के बताइए आप, अगर इस हल्के में आप रहते नहीं है मगर आप गुजरते हैं। नहीं मैं तो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क, मैं तो हूं वोटर। नहीं, मैं तो 2018 में कैंपेन का भी हिस्सा था, तो मैं तो बड़ा नहीं, बट व्हाई, सालों से सपोर्टर हूं, जो सुन रहा है उसको बताइए। देखिए ये मैं अपनी बेगम से कह रहा था यार कि एनेक्डोट्स जो है ना, अब मैं इसी तरह की खुली बातें कर देता हूँ यार कि मैं एनेक्डोट्स सुनाने चाहिए कि मुझ पर क्या क्या मुश्किलात गुजरी है। एनेक्डोट्स बड़े वायरल जाते हैं, मैं ऐसी खामखा दूसरे लोगों पर तनकीद कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ें करता रहूँ, मेरे साथ कब क्या हुआ, मेरे साथ कब क्या हुआ। भाई देखिए सो फार 10 साल के अंदर द ओनली थिंग आई हैव विद मी रिमेनिंग इज़ इंटेग्रिटी, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग आई वैल्यू माई सेल्फ ऑन। मैं कोई गलती करूँगा, मैं आगे बढ़ चढ़ के उस पर माजरत भी कर लूँगा, मैं समझना भी चाहता हूँ, मे बी इन द हीट ऑफ द मोमेंट आपको नज़र ना आए, बट आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। बट अदरवाइज़ मैंने अगर कोई क्लेम किया है, मैंने अगर कोई स्टांस लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर कायम रहा हूँ। वो इंटेग्रिटी टेस्ट करने के बड़े अलग अलग तरीके मेरे साथ हुए हैं। मुझे टेरर थ्रेट्स भी आई, मुझे हिटलिस्ट पे भी मेरा नाम डाला गया, मुझे फ़ोन करके भी दहशतगर्दों ने कहा कि जहाँ खड़े वहीं पे खून रेजी होगी। एक रिकॉर्डिंग आज तक पड़ी हुई इंटरनेट की, एहसान की, एपीएस के कुछ 6 दिन बाद उसने मुझे कॉल करके बोला था, जिस चक्कर के अंदर रातों रात मैं तो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहा था, मेरी वालदा जो है वो कराची में घर पे थी, मेरे वालिद लाहौर शिफ्ट हुए थे एक जॉब के लिए, और आधे घंटे के नोटिस के ऊपर हम लोग बेघर हो गए थे, वी हैड नो प्लेस टू स्टे। और साल डेढ़ तक पूरे कराची के अंदर हमें किराए पे कहीं घर नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के हम थक गए थे, बिकॉज समबडी हु हैड सच अ बिग टारगेट ऑन देयर बैक। कोई भी रियल एस्टेट वाला लेके आता था, वो पूछते थे यार ये तो वो, इसको थ्रेट आई हुई जिसपे फतवे लगे हुए हैं, इसको नहीं दे सकते घर। हमने 1.5 साल वो भी गुजारा, बट आई डिड नॉट चेंज माई स्टांस। इनफैक्ट उस दौरान तो मैंने खुल के और ज़्यादा बोला जितना मैं बोल सकता था उन इशूज़ के ऊपर। मेरे साथ ये भी इशू शुरू हुआ कि जब मिसिंग पर्सन से बोलना शुरू किया गया तो मुझे उन्होंने माशाल्लाह ब्लासफेमी के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, मेन स्ट्रीम चैनल से बड़े बड़े एंकर्स ने लगाना शुरू कर दिए। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा चूँकि वो दुनिया में नहीं है तो बेहतर नहीं लगता, बट ये चीज़ें मेरे साथ हुई कि मुझे राह चलते लोग पूछते थे कि तुम गुस्साख हो और गुस्साख की सज़ा ये नहीं होती, तो आप एक पैरानोया में चले जाते हो ना। बट मुझे वो क्यों रोक रहे थे कि वो मिसिंग ब्लॉगर का केस था, उनके हवाले से बात करना छोड़ दो, उनका इशू रेस करना छोड़ दो, उनकी फैमिली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। आई डिड नॉट बैक ऑफ फ्रॉम दैट, मैंने वो काम भी जारी रखा। ये फेक इनकाउंटर्स के केसेस के अंदर मुझे कई बार ये पैगाम पहुंचाया गया कि यू आर क्रॉसिंग अ लाइन। नकीबुल्ला के केस के अंदर के पैगाम आते थे कि जी आपके लिए पैगाम आया, बताया नहीं कौन किसका पैगाम है, बट पैगाम आया। बार बार हमारे दोस्त हमें आके देते थे कि फ़लाना चीज़ अब आपने लिख दी ट्विटर के ऊपर, या फ़लाना लफ्ज़ आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मत करें। आप जाके देख लीजिए, अभी तक जो सवाल कर रहा था कि राव अनवार इज़ ओनली अ कैरेक्टर, रियल डायरेक्टर, रियल हिदायतकार, रियल अदाकार, जो इदारे इसमें इन्वॉल्व थे उनकी बात कोई नहीं करता। मैं बार बार हाईलाइट कर रहा था कि पूछो कि नकीब के साथ जो नज़र, जान, साबे और इसहाक मरे, ये 1.5 साल से गायब थे, ये किसकी तहवील में थे, इनको किसने मारा। सिर्फ नकीब पे आपने फोकस किया, उनका भी पूछो तो आपको बड़ा कुछ खुलेगा, मगर मीडिया उस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, अदालतों ने उस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। मैं वो काम जारी रखता रहा। ये मामलात, ये अलग अलग वाक़यात होते रहे। इलेक्शन कैंपेन 2018 मेरे ख्याल में बड़ी बाकमाल इलेक्शन कैंपेन थी मेरी, और उसका सारा क्रेडिट जाता है उन तमाम होनेहार वॉलंटियर्स को जिन्होंने आके इतना मेरा ऑफिस भर दिया था कि हमें ऑफिस चेंज करना पड़ा ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि उनको फिट करने की जगह नहीं थी। 40-40 लड़के लड़कियां रोज़ आए हुए, सोशल मीडिया टीम भरी हुई, ये भरा हुआ, वो भरा हुआ, सब कैंपेन कर रहे हैं दीवाना वार। क्यों? क्योंकि उनको एक नौजवान ने कहा कि यार हम जो है वो टॉलरेंस से बिलीव करते हैं, हम हेट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। 2 वीक्स इनटू द कैंपेन, एवरीथिंग गोइंग हंकी डोरी, शुरू हो गए जी मॉब अटैक्स। कहना शुरू कर दिया कि हम काफिर हैं, कहना शुरू कर दिया कि जी हमारा जो है वो अहमदी कादियानी उससे ताल्लुक़ है, स्कूल ऑफ थाट से, हम उसको फॉलो करते हैं। अब मुझसे तकाजा किया जा रहा है कि आप अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए सामने वाले को दूसरे को गाली दें, हेट पॉलिटिक्स में आप इंडल्ज करें। हमें ये नहीं सुनना कि आपका अपना तारुफ क्या है, हमें ये नहीं सुनना कि आप मुसलमान हैं कि नहीं, आपका शजरा क्या है। हमें ये सुनना है कि सामने वाले के लिए आप गलीज तरीन गाली निकाल सकते हैं, मुझसे कि नहीं निकाल सकते। वो एक टेस्ट था ना, जो बच्चे आए हुए थे उनकी क्या रेपुटेशन अपने जहन में रह जाती, पॉलिटिक्स को लेकर डिसल्यूजमेंट हो जाती। तो मुझे तो अपना इलेक्शन जीतना बहुत छोटा नजर आया उस वक्त, मुझे लगा कि 40-50 लोग ही अगर डीमोरलाइज हो गए तो फिर यही तो सपोर्ट है। तो मैं तो क्रेडिट देता हूँ उन लोगों को, डीएचए की आवाम को। मैं इसलिए बड़ा मशहूर हूँ डीएचए की आवाम का कि उस वाहियात तरीन, खौफनाक तरीन बहतानबाजी के बाद भी जो किसी को भी बददिल कर दे, डिस्पाइट ऑफ दोज एलिगेशंस, 6500 लोगों ने निकल के हमें वोट दिया। उन्होंने कहा डजंट मैटर तुम पे क्या इल्ज़ाम लग रहा है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज वोटर्स विच लिव इन दिस कंस्टिट्यूएंसी। आई विल ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर दोज वोटर्स बिकॉज कोई और पाकिस्तान में इमेजिन नहीं कर सकता। और इतने मनफी प्रोपेगेंडे के ऊपर हमारे पे इल्ज़ाम लगा था, हमने इतना वोट ले लिया कि हम एमक्यूएम को पीछे छोड़ गए, विच वॉज अनदर फीट इन इट्स, कि कराची में रहते हुए आज़ाद ने यह किया। तो ऐसे अच्छे लोग, अगर सुलझे हुए लोग जो इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाते और इस तरह की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मैं उस पर खड़ा रहता हूँ। अभी मैं शायद VONC से लेकर 9th May तक बड़ी शिकायत करते हैं PTI वाले, आप साल तक चुप रहे, आप कुछ नहीं बोले। पहली बात है VONC जो है मेरे ख्याल में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, मुझे उसमें कोई जुल्म नज़र नहीं आया था। मेरी आज भी ट्वीट्स हैं, मैंने VONC को सपोर्ट किया था कि अगर पार्लियामेंट का राइट है, लेट देम एक्सरसाइज इट इन अ डेमोक्रेटिक वे एंड द वे दे वांट टू डू इट, और फिर आप इलेक्शंस करवाइए या आप ये टेन्योर पूरा कीजिए जैसे आप जाना चाहते हैं। बट जिस दिन से आपने इलेक्शन डिले करना शुरू किए, पहले पंजाब और KP के अंदर और उसके बाद वफाक में, और फिर जो 9th May का हुआ, आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट। द रीज़न वो मैं पिछला साल पूरा खामोश रहा इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल चाइल्ड मैरिज केसेज। वन ऑफ द केसेज विच बिकेम वेरी वायरल, मेहदी काजमी साहब की बेटी थी, उनका केस वायरल हुआ था और वो उस वायरलिटी के दौरान ही मेरे पास आया कि जी अब आप इस केस को संभालें और कुछ कर सकते हैं। तो एंड बिकॉज ऑफ द प्रेस आई गॉट ड्यूरिंग दैट, मल्टीपल चाइल्ड मैरिज केसेज केम टू मी एंड आई वॉज सो much caught up in my legal practice and expanding my legal practice to keep up with that work कि हम उसी के अंदर फोकस रहे, चूँकि हम मिडिल क्लास लोगों ने अगर कारोबार चलाना है तो लोगों की तनख्वाही भी पैदा करनी है, देनी है लोगों को, क्या कहते हैं, उसके वसाइल भी देने जिनको आपने हायर किया हुआ है। तो हम तो चूँकि ये सारे प्रो बोनो केसेस कर रहे थे जो चाइल्ड मैरिज के मेरे पास आते हैं, मगर उसके साथ फिर हमें कमर्शियल केसेस भी ढूंढने पड़े टू सस्टेन द प्रो बोनो वर्क बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू टर्न पीपल अवे। ये भी मैकेनिज्म्स होते हैं। बट इन सब चीज़ों की मैं तस्दीक भी, इनमें से कई चीज़ों की तस्दीक भी कर सकता हूँ। ऑफिस वाले टाइम में मुझे भी ऑफर था कि जब मैं भी ऑफिस ढूंढ रहा था, आके बैठ जाया करो, काम कर लिया करो। एंड 2018 की कैंपेन में व्हेन दिस वाज हैपनिंग आई वाज इन योर ऑफिस, वी वर डूइंग सम कम्युनिकेशंस, मैं था, जिब्रान था, अली था। तो मेरी आपको यही रिकमेंडेशन थी कि यार वीडियो बना लो, बोल दो मैं सुनी हूँ या मैं वो हूँ, एंड यू सेड नो। And my argument was कि यार जो बच्चे सच्चे जाते हैं, putting their lives at risk, but you stood by your conviction। नहीं, उनके लिए हमने फिर रेंजर्स ने तुम्हें कह दिया था, रेंजर्स ने हमारी हर कॉल मीटिंग पे कहा था। ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ सबसे, जो हम कहते हैं सबसे पावरफुल आदमी है, इससे ज़्यादा कोई पावरफुल आदमी नहीं है, उस पर जब ये इल्ज़ाम लगे तो उसको घर पे मिलाद करके दिखाना पड़ता है। हाँ, मुझे पता है। आपने नहीं किया। आई मीन यू स्टूड बाय योर कन्विक्शंस। अच्छा नहीं, मैं इस पर एक और बात भी करूँगा। तारे जितने हमारे वॉलंटियर्स थे, उनको मैंने ये भी कहा था कि बच्चों जब ये वाकया शुरू हो गया था कि आप अगर कल से नहीं आते, आई वोंट होल्ड इट अगेंस्ट यू, झूठ बोल के नाना। वो बच्चे भी बड़े होशियार थे, वो अम्मी अबू को बोल के आते थे कि नहीं हमारी तो ऑफिस ड्यूटी है, हम डोर टू डोर कैंपेन में नहीं जा रहे तो हम पे मॉब अटैक नहीं होगा, जबकि वो सारे डोर टू डोर कैंपेन वाले होते थे। व्हेन यू हैव आइडियलिज्म लाइक दैट, व्हेन यू हैव सपोर्ट लाइक दैट, आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाहेंगे और क्यों अपने वैल्यूज़ पे कायम रहना चाहेंगे। अच्छा, एक और बड़ा मसला है हमारे यहाँ, मेरे लिए तो चूंकि हम लिबरल एक्टिविस्ट बन गए ना, हम सेकुलर एक्टिविस्ट बन गए, मोमबत्ती माफिया बन गए। तो उसकी वजह से अगर कहीं पे मुझे किसी भी वजह से इस चीज़ का इजहार करना पड़ जाए कि मेरा मजहब क्या है, तो इट ऑलवेज बिकम राइट विंग पैंटरिंग। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आती, तो फिर चर्च जाना तो माइनॉरिटी पैंटरिंग हुई, अगर मदरसे जाना राइट विंग पैंटरिंग है तो फिर चर्च जाना माइनॉरिटी पैंटरिंग है। जो कि अगर मैं बात करूँ नॉन मुस्लिम्स की और क्रिश्चियंस की तो हज़ारों की तादाद में मेरे हल्के में वोटर्स रहते हैं। वाई इज इट नॉट पैंटरिंग? मैं तो ये बात कर रहा हूँ जी कि अगर मैं किसी मदारस जाता हूँ तो मैं एक चर्च में भी जाता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, एज अ सियासी नुमाइंदा मैं तमाम हल्का अहबाब के लोगों के साथ रिश्ता भी रखना चाहता हूँ, काम भी करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहता हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं तो ये पैगाम लेके चल रहा हूँ। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी हमारे यहाँ है बिकॉज हमने हर एक के अंदर हर चीज़ में एक नेगेटिव ढूंढना है। मुझे अगेन आज तक रिकॉर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी तबके को कोई जानी या माली नुकसान पहुंचा हो या उनके लिए लोगों के दिल में नफरत आ जाए। मैंने हमेशा कोशिश की कि आप सब्र करें, प्यार मोहब्बत से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। एंड इवन विद ऑल माई क्रिटिक अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज, जिनके बारे में कुछ के बारे में मैं बहुत सख्त तनकीद करता हूँ, मैं ज़ातियात पे कभी नहीं गया। और मैंने ये भी हमेशा पैगाम दिया कि एक तो ज़ातियात पे और दूसरा पर्सनल लाइफ पे मत जाइए। मेरी तो शादी को भी 2 साल हुए हैं, उससे पहले आई वाज सिंगल, मेरा कोई साथ में एसोसिएटेड पार्टनर नहीं था। अब मेरी बेगम जो है मंशा इज़ अ पब्लिक फिगर इन ओन राइट, वो 10 साल से अदाकार हैं, पहली इंडिपेंडेंटली बड़ा नाम थी मुझसे शादी करने के अलावा भी, और आज भी उनके इंस्टाग्राम पे मुझसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, मेरे तो दूर अशरे अशीर भी नहीं है उसका। तो मुझे पता है कि भाई आप चाहते हो कि आपकी प्राइवेट स्पेस क्या है, इसलिए मुझे हमेशा से गुफ्तगू जहर लगी। जब खान साहब की अज़वाजी ज़िंदगी डिस्कस हो रही है, जब हमजा शहबाज की अज़वाजी ज़िंदगी डिस्कस हो रही है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ एन एलिगेशन ऑफ वायलेंस, अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ एन एलिगेशन कि जी ऑफ अ सेक्शुअल असॉल्ट, आप उस तरफ जा सकते हैं, वो क्राइम है। आपने जो ये कल काम किया है इद्दा पीरियड के ऊपर 7 साल की सज़ा देना, आपने तमाम तर ख़वातीन को जो रीमैरी करती हैं, वो चूज टू हैव अ सेकंड हस्बैंड, उनके लिए क्या पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब आप ये बोलते रहें कि हाई कोर्ट ने इस हवाले से क्या बोला है, बट आम मेन फ्रेम में, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इद्दा के हवाले से, इद्दत के हवाले से ये कानून हो गया ना पॉपुलर कि जी अगर पीरियड पूरा नहीं हुआ तो कोई भी आके क्लेम करेगा कि तो शादी नाजायज़ है। जबकि मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि 496 में फ्रॉडुलेंट शादी की सज़ा उनको कैसे दी गई, चूँकि ये कहा जाता है कि शादी इरेगुलर होती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड, ये हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स हैं, रेगुलर हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स हैं, पेशावर हाई कोर्ट के हैं, कोयटा हाई कोर्ट के हैं, लाहौर हाई कोर्ट के हैं कि अगर इद्दत पीरियड के अंदर किसी ने शादी कर भी ली है तो वो इरेगुलर मैरिज है, वॉइड मैरिज नहीं है, इनवैलिड मैरिज नहीं है, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड वो ऑटोमेटिकली वैलिड भी हो जाएगी। यू डोंट इवन हैव टू गो थ्रू अ सेकंड निकाह सेरेमनी। इस पर एस्टैब्लिश लॉ है। आपने तो कह दिया कि जी ये फ्रॉडुलेंट शादी है, तो भाई फ्रॉड किसके साथ हुआ, मियाँ ने बीवी के साथ किया या बीवी ने मियाँ के साथ किया? मुफ्ती साहब कह रहे हैं मुझे पहले से पता था, तो मुफ्ती साहब के साथ भी फ्रॉड नहीं हुआ। जो गवाह हैं वो गवाही दे रहे हैं कि हमें पता था क्या हो रहा है, तो उनके साथ भी फ्रॉड नहीं हुआ। जो मियाँ थे पहले वो तो 3 साल उस दौरे हुकूमत के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल इंजॉय करते रहे जो ये केस लेके गए थे। माने का से ज्यादा मैं अगेन नहीं, उनका तो नाम लेना चाहिए, क्यों नहीं, सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता खाबर माने का साहब, मगर जो सख्त तरीन लफ्ज आपके जहन में आ रहा है ना शहजाद साहब, आप वो शख्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बंदूक रख दो, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो खुल के कह सकता हूं खावर मानेगा घटिया तरीन आदमी है। आपने उस रिश्ते की वजह से एक लाइफस्टाइल एंजॉय किया, एक प्रोटोकॉल एंजॉय किया, और आपने आके कैसे किन वजूहात की वजह से इस पूरे प्रोसेस को मलाइन किया। व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, और आप वहां ले गए हैं सियासत। आप छोड़ दीजिए भाई मिसिंग पर्सन, आप छोड़ दीजिए कि पीडा में क्या बन रहा था, रूडा में क्या हो रहा था, और सीपैक में क्या हो रहा है, और छोड़ दीजिए किस महकमे से आप निकालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल और कहाँ पे रखेंगे आप सिविलियंस, और सिविलियन सुप्रीमेसी का क्या होगा, और जजेस की हाई कोर्ट के अंदर जो तकरियाँ होती हैं, एलिवेशन होती है, उसमें क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार है क्या नहीं है, उसको कैसे फ्री किया जाए। आप कहाँ घुस गए सियासत को लेकर, किस मैार पर चले गए कि हमारा बैटल फ्रंट अब क्या है? इमरान खान का बेडरूम नहीं, ये अपने लिए आने वाले वक्त के लिए। अगर आपने एक बहुत ही वाहियात और बेशरम काम किया था कि आप मरीम नवाज साहिबा का और कैप्टन सफदर साहब का दरवाज़ा तोड़ के होटल में घुस गए थे, तो उसके बाद आप सियासत को आप इस में राज पे लेके गए हैं। आप ये लेवल मिला आपको, बातें भी वही ना कि बरियम रात को मेरा नाम लेती हो, इस तरह की जो बातें होती थी, एंड अगेन डिस्कस्टिंग तरीन, कंडेमेबल कंडेमेबल कंडेमेबल, बट अगेन वो आई गेस शरीफों के बिल्कुल ही ना, बस अब बदले पे आ गया। जस्ट इवन एंड मेरी पर्सनल राय केस में मेरी पर्सनल राय जी, मेरा तो इस बात शरीफों से इस बारे में इस पे इख्तलाफ नहीं है। वो जो सिविलियन कोर्ट्स में मिलिट्री का ट्रायल होना है कि नहीं होना, उस पर अदालतें तो अलग केस चला रही थी ना, मिलिट्री कोर्ट से जुडिशरी में एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। उस पर मैंने हुकूमत से शिकायत की, ये जो कल फैसला हुआ है इस पर मेरी शिकायत जुडिशरी से है, जुडिशरी ऑफ द डे से है। ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हाई कोर्ट फॉलो करेगा और हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट फॉलो करेगी। ये तो इस वक्त बात हो रही है जुडिशरी के अपने इंस्टीट्यूशन की कि वो अपने जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं उनकी क्या भर्तियां कर रहे हैं। ये जजेस बशीर जैसे लोग कहाँ से आते हैं? दैट्स व्हाट मुझे इस केस के मेरिट्स और जुडिशरी का तो डिस्कशन ही पॉइंटलेस है ना, कुछ ये हमें पता है ये इस वक्त इस वजह से हो रहा है। आई मीन ओके इद्दत की पीरियड नहीं पूरी हुई, आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, व्लॉग बनाना चाहते हैं, दैट्स फाइन। नोटिस लेके अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट तो इसको खत्म भी कर सकती है। उमर चीमा ने इसको जब रिपोर्ट भी किया था, आई फील रिपोर्टिंग इट इज़ फाइन कि अगर खान साहब कहते हैं रियासत मदीना ये वो, आपने अगर फॉलो नहीं किया, पब्लिक आप एक पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक डिस्कोर्स में आएंगे। अगर खावर मानिका कहते हैं चीटिंग की है वाइल बीइंग मैरिड, फेयर पब्लिक डिस्कोर्स, ये कोर्ट्स में लेके जाना और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लेके जाना, आपने अपनी जुडिशरी, आपने अपने इलेक्टोरल प्रोसेस दुनिया भर में मजाक उड़ा दिया। आई फील तोशाखाना केस में मेरिट था, आई फील अलकादिर केस में क्विट प्रो क्वो उसमें नजर आ रहा है। एक साहब जो कहते हैं मैं चेंज हूँ, मलिक रियाज के साथ डीले कर रहे हैं। साइफर केस अगेन मेरिट होता है ना, जिन केसेस में मेरिट होता है। नो नो, बट आपने सारी लेजिटिमेसी, सारे फैक्ट्स बर्बाद कर दिए क्योंकि आपने शैम उसको रन किया। एंड नाउ इट्स कम टू दिस एक्सटेंट कि अगर कोई पीटीआई का सपोर्टर है, मैं उसके साथ हूँ कि वो कहता है सारे केस झूठे हैं क्योंकि आपने मजाक ही बना दिया। मैं आपको बता दूं कि ये है पुरानी रूल बुक इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है, पुरानी इस्टेब्लिश रूल बुक इस्टेब्लिशमेंट की। ये तबसरा खान साहब पे या मियाँ साहब पे या पीपल्स पार्टी पे नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पे है। ये जानबूझ के उन केसेस में भी जिनमें कुछ अगर मेरिट होता भी है ना थोड़ा बहुत, जिससे आप एक्चुअल सज़ा दे सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं और वो सस्टेन कर सकता है अपील के लेवल तक, आप जानबूझ के ही शैम ट्रायल करते हैं। बिल्कुल, हमेशा हर बार करते हैं, क्योंकि आपने वक्ती तौर के ऊपर प्यादे को बाहर रखना है चेस बोर्ड से, ठीक है, मगर आपकी कोशिश पूरी है कि किसी तरीके से कि दोबारा आ जाएगा। क्योंकि रूल्स आप ही तय कर रहे हैं ना, चेस के ओरिजिनल रूल्स होंगे नहीं, तो जो भी चीज़ बाहर गई है उसको आपने उठा के कचरे के डब्बे में नहीं फेंकना, आपने रखना है कि दोबारा ये प्यादा आगे जाके रानी भी बन जाएगा और फिर दोबारा रूल करेगा पूरे चेस बोर्ड को। आप इसको इस तरह से घुमाते हैं। तो इसी तरीके से पनामा के बाद एवन फील्ड के हुदैबिया के जो ट्रायल्स हुए, आप इस तरीके से कंडक्ट करते हैं, इस तरीके से रीजनिंग लेके आते हैं कि वक्ती तौर पे सज़ा और कन्विक्शन की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और एक पब्लिक नैरेटिव बन जाता है कि 10 साल के लिए अंदर, 14 साल के लिए अंदर, मगर उसमें कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। और इसलिए भी कि 10 साल की 14 साल की सज़ाएँ इसलिए दी जाती हैं ताकि लीडर फैसला कर ले कि भाई तूने अगर डील लेनी और मुल्क से बाहर जाना है तो ये फैसला 4-5 साल बाद करोगे या आज करोगे। यानी कि तुम्हारा टाइम टू रिटर्न टू पॉलिटिक्स एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिश्ता वो कब शुरू होगा, क्योंकि मुल्क से बाहर जाना लीडर को भेजना ज़रूरी है ताकि खुद ही ये बहुत आम कर सके इस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा के। जी देखें एनआरओ हो गया, ये भी एनआरओ लेता है। इस्टेब्लिशमेंट ने कभी एनआरओ का प्रोपेगेंडा बुरा नहीं माना, बिकॉज दैट एक्चुअली प्रूव्स कि हमारी सियासी पार्टियाँ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो वो तो आम करेंगे। दे वुड लव कि खान साहब जो हैं मुल्क से बाहर चले जाएं, दे वुड लव कि वो कह सके कि जी एनआरओ हो जाए, एंड इट हैपन्स सूनर देन लेटर। और इसीलिए ये 14 साल, फिर ये 7 साल, फिर ये 10 साल, ताकि जहनी तौर पे खान साहब ने जो फैसला करना है वो करें। मियाँ साहब ने भी 99 के बाद कर लिया था, तो उनको डाला जा रहा है उस जगह के ऊपर। अब खान साहब करेंगे क्या? विल इमरान खान डू द एग्जैक्ट सेम व्हाट हैज हैपेंड बिफोर, और विल यू डू दैट सेम एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट आर्मी चीफ हु विल कम एंड सी कि अगर उनकी गुड बुक्स में आ सकते हैं तो उसके कंधे पे सवार होके आ जाएं, या इस वक्त जो एक आम बंदा, ले पर्सन, पीटीआई का वोटर कह रहा है कि निजी हकीकी आज़ादी की बात हो रही है, गुलामी नामंजूर की बात हो रही है, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हो रही है, वो उसको सामने रखते हुए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड दिस विल बी हिज एंडिंग लेगेसी विच विल रिमेंबर हिम बाय। तो ये उनकी ज़िंदगी का उस हवाले से एक डिफाइनिंग टर्न आ गया है। बट और ये भी हो सकता है कि वो पावर में आए और उनसे बड़ा आपको कोई फैशिस्ट ना मिले। अब मुस्तकबिल जो है वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर प्ले और रूल बुक वही है कि दोबारा से उस जगह के ऊपर फेंका गया है खान साहब को जहाँ पे मियाँ साहब को फेंका गया था, या उससे पहले हम पीपल्स पार्टी के लीडर के साथ, आसिफ ज़रदारी के साथ करते रहे। सो दैट दे टेक द डील, दे गो आउट ऑफ द कंट्री। और इसलिए कि उनको भी पता है कि हम जब मुल्क से बाहर रहेंगे या अपीलें पीछे चलेंगी और जब हम वापस लैंड करेंगे एयरपोर्ट पर तो वहाँ से हाईकोर्ट कहेगा जी क्वाश्ड और वेलकम वेलकम हो जाएगा। नया क्या है इसमें? नया सिर्फ ये है कि एक तो किस हद तक जा रहे हैं। 90 की दहाई में भी हम सुनते थे, 80 की दहाई में भी हम सुनते थे। नया ज़्यादा ये भी है कि अब हर पल की रिकॉर्डिंग और विजुअल आपके सामने है। आपने 80 के कोड़े सुने हैं, ठीक है, हमने ये अब्डक्शन सामने होती देखी हैं, आरओ ऑफिस के सामने से लेके जा रहे हैं, सीसीटीवी घर पे लगे हुए हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं तोड़ रहे हैं घर। 2017 में भी देखा था हमने, हनीफ अब्बासी को कोर्ट में घुस के रेंजर्स ने उठा लिया था, ऐसे बाल को गोली लगी थी। नहीं सर, देखिए मैटर की बात नहीं है, मैटर करने वाले उस वक्त मैटर कर रहे थे। आपने जिस तरीके से, जिस रवानगी से, जिस मैस लेवल के ऊपर ये पिछला जो क्रैकडाउन किया है और जिसके हर शहर से हर दूसरे दिन एक विजुअल आ रहा है ना, वो रजिस्टर हो रहा है. देखिए आप इस वक्त जो है ये नहीं कहते कि जाके मखसूस अकाउंट्स बंद कर दो, आप पूरा इंटरनेट बंद करते हो, आप पूरा सोशल मीडिया बंद करते हो मुल्क का. ठीक है, आप लॉज फॉलो नहीं करते, जो पैका के रूल्स हैं, अनलॉफुल कंटेंट के रूल्स हैं, आप वो फॉलो नहीं करते. आप नहीं फॉलो करते कि क्या कहते हैं कि क्या मामलात होने हैं, पॉलिसी डायरेक्टिव 2009 का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, या पीटीए का जो एक्ट है 1996 का, उसका सेक्शन 8 और सेक्शन 54 क्या कहता है, आपने बस बंद कर देना है, कोई बात आपने नहीं दिखानी. तो ये जिस तरह से आप ये निज़ाम लेके खैर चल रहे हैं, ये प्ले बुक वापस वही है. अब लेट्स सी खान साहब क्या फैसला करेंगे. वो मुहावरा है ना कि व्हेन ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरी प्रॉब्लम सीम्स लाइक अ नेल. तो ये कुछ नेल भी आते हैं ना, इनके पास सिर्फ टैंक है, ये टैंक चला देते हैं आगे. मतलब बोलते वो कर क्या रहे हो. 2013 में एएनपी की लीडरशिप पे जितने बॉम्ब फटे हैं, बेचारे कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते थे, बट वो एक नेशनल नैरेटिव नहीं था कि 2013 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई केपी में. पीपीपी एएनपी के लोग मारे जा रहे थे, बॉम्ब किए जा रहे थे. इट्स जस्ट द सोशल मीडिया फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ कि आप किस तरह से उसको एक कैंपेन बनाएं. जो जिले शाह है उसको एक सेंट्रल कैंपेन पीटीआई ने बनाया हुआ था. जब उसकी फैमिली वालों ने बोला अगर कि ये पीटीआई वालों ने ही किया है, या यास्मीन राशिद की एक रिकॉर्डिंग सामने आ गई कि उनको पहले से पता था. स्टॉप्ड जिले शाह, स्टॉप्ड मैटरिंग टू देम. सो इट्स दोस कैंपेनिंग इज इंपॉर्टेंट. देखिए इस डिजिटल एज के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और पॉपुलिज्म जो है ना, ये बहुत ही बड़ा एक डीमन भी है और एक बहुत बड़ा एनिमी भी है फॉर स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, तो इसको आपको डेफिनेटली डील करना पड़ेगा. और इसमें कोई शक नहीं है दैट पीटीआई डज इटसेल्फ अ लॉट ऑफ डिससर्विस. वो बार बार और हर बार सिर्फ इस बात के ऊपर कि जी खान साहब अभी जेल में हैं, उनकी एक प्लाइट है, एक सिंपथेटिक व्यू है. देखें लीडर्स के साथ जो हुआ है, कुछ आपको वीडियोस जेन्युइन भी नज़र आती होते हुए, उसके ऊपर राइड करते हुए वो ऐसी भी चीज़ें वायरल करते हैं, ऐसी भी चीज़ें लिखते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता. और दीवानावार जो भी होता है सपोर्टर, वो उसको शेयर कर देता है, उसको न्यूज़ ऑफ द डे बना लेता है. और फिर किसी में यह ज़र्फ तो होता नहीं कि बाद में माफ़ी मांगे कि यह हमने गलत लिख दिया, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वो तो विद अस और अगेंस्ट अस वाली बात है ना. तो जो उस तरह से टॉलरेंस को लेके एक सियासी तरबियत है. देखिए ये तो मैं भी आपको कह रहा हूँ ना कि रिगार्डलेस ऑफ ऑल माय सिंपथीज विद पीटीआई, मैंने उस पार्टी के अंदर शमूलियत नहीं इख्तियार की है, क्योंकि सियासत करने का तरीका उनका मेरा बहुत डिफरेंस है. हम तो सिर्फ इस बात पे हामी हैं कि जिस किस्म का आपके साथ इस वक्त सलूक हो रहा है, वो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को हिट कर रहा है, वो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ पे सवाल उठा रहा है, वो हमारी सिविल सुप्रीमेसी पे सवाल उठा रहा है. ये नहीं होना चाहिए. वरना जिस किस्म की पॉलिटिक्स में वो बिलीव करते हैं, जिस तरीके से उस पॉलिटिक्स को एडवोकेट करते हैं, जिस तरीके से उसको प्रोपोगेट करते हैं, आई एम समबडी हु गोज़ बाय फैक्ट्स. आई एम समबडी हु डज नॉट गो बाय स्पेकुलेशन. बाय द वेरी फैक्ट दैट आई डिड नॉट वांटेड टू स्पेकुलेट अबाउट 9th May विद यू. ठीक है, पीटीआई की तो पूरी पॉलिटिक्स ही स्पेकुलेशन पे चलती है. इट राइड्स लेस ऑन फैक्ट्स एंड मोर ऑन स्पेकुलेशन कि जी ये और वो. और अगेन 36,000 व्लॉगर्स बैठे हुए हैं, जो कि इस पे तो मैंने नहीं देखा ईरान वाले इशू के ऊपर, बट उसके अलावा और फिर उन 36 व्लॉगर्स के ऊपर कुछ हमारे अब सहाफ़ी बैठे हुए हैं जो ये अब काम कर रहे हैं और बाकायदगी से कर रहे हैं. और बिकॉज वो सहाफ़ी और पुराने सहाफ़ी हैं, और उनका इतना कहना कि जी कुछ ख़ास बंदों ने, कुछ खुफिया ज़राए ने, मुसद्दक़ा इतलात हैं, आपको बताते हैं आज के डी चौक पे क्या चहम गोइयाँ हैं. अवाम को लगता है रजबुंदे को पता होगा, एंड दे मेक इट अ पॉइंट टू से समथिंग एट द एंड विच प्रूव्स वट एवर बिलीफ द पीपल मे हैव राइट. वो उस चीज़ को हिट करेंगे और उनकी दुकान चल रही है, उनके दबा के व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं. उसको उन्होंने मोनेटाइजेशन पे लगाया हुआ है, ऐड पे लगाया हुआ है. वो कोई सच्ची बात नहीं करते, वो कोई खरी बात नहीं करते, वो कोई फैक्चुअल बात नहीं करते. सुनने में आया ये हुआ, और फिर अपनी तरफ से जिस कमरे में है नहीं, अदालत के कमरे में नहीं है, बट फलाने ने ये एक्शन लिया और फलाने ने वो एक्शन लिया, ये पूरा आपको एक स्क्रीन पर बताया जाता है. एंड ये अगेन क्या कर रहे हो यार, आप उन लोगों को उस तरह से मुतासिर कर रहे हो. बिल्कुल. तो इनफैक्ट आप अपनी ही, अगर आप वाकई लेट्स अज्यूम आप वाकई पार्टी सपोर्टर हैं, आप चाहते हैं, आप खुद मरवा रहे हैं खान को. मतलब 9th May चल स्पेकुलेट नहीं हुआ क्या, बट उस पर जो लोगों ने तबसरे किए, जो एनालिसिस किए कि जी इंटरनल कू हो चुका है, आज रात आर्मी ने आसिम मुनीर को बोल दिया डोंट कम बैक, इस तरह के जो मीडिया व्लॉग्स बनाए और वो वायरल हुए. जाहिर बात इस तरह की बातें वायरल होती हैं, राइट. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. ये फैक्ट्स हैं. हमारे अदाकार थे जिन्होंने कहा था कि ओमान पे जहाज रोक दिया है, और फिर वो कहा कि हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे थे. तो नहीं इन्वेंट कर रहे थे ना, वो भी किसी व्लॉग देखा होगा उन्होंने. एंड दिस इज द प्रॉब्लम, पीपल डोंट रीड द न्यूज़पेपर, दे व्हाट दे वांट टू बिलीव टू बी ट्रू, वो जो बोल देता है वो उसको मान लेते हैं. देखिए ये जो ख्वाहिशमंद थे ना, जो भी ख्वाहिशमंद थे कि ऐसा कोई कू हो जाए, और ये अटैम्प्ट्स पहले भी प्रीवियसली होते रहे और विद इन मिलिट्री क्वाश हो गए. इनको पता नहीं है किस तरह की अनारकी और किस तरह का पेंडोरा बॉक्स इस मुल्क में खोल देंगे, जो वाकई हकीकी मायनों में जो होता है ना, ब्लड शेडिंग और ब्लड लेटिंग। तो ये आपकी बात से मैं बिल्कुल जहाँ तक मुतमईन और एग्री करता हूँ कि आप अपने घरों के अंदर बैठ के, एसी कमरों के अंदर बैठ के, मुल्क से बाहर बैठ के ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें आम नहीं कर सकते, जिस वजह से इस मुल्क के अंदर खून रेजी हो जाए। जो बड़े सियासी लीडर रहे हैं तारीख़ में, हकीकी मायनों में, जो अपनी इमेंसिपेशन नहीं चाहते थे, अपनी आवाम की इमेंसिपेशन चाहते थे, उन्होंने अपनी ज़ात पे सारी बुराइयां ले ली हैं, उन्होंने अपनी ज़ात पे सारे ज़ख़म ले लिए हैं, उन्होंने अपनी ज़ात पे सारी जेलें और सारी कैदें ले ली हैं। तो किस तरीके से भगत सिंह ने वक्त गुजारा जेल के अंदर, और किस तरीके से जहाँ पे उसको लगा कि मुझे अवॉइड करना चाहिए, किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो, उसने अटैक्स उस तरह से किए बिकॉज ही वॉन्टेड टू अवॉइड अटेंशन टू अ लार्जर कॉज एंड नॉट जस्ट सिंपली डू ब्लड शेडिंग। इनिशियल इंसिडेंट से हट के जिस तरीके से बादशाह खान ने नॉन वायलेंट तरीके से कितने साल जेल में गुजार दिए, उस वक्त की कितनी लीडरशिप ने जेल में हमारे इस मुल्क के गुजार दिए। तो वो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं, जो क़यादत होती है, आप मंजूर पश्चीन को देख लीजिए, मेरे ख्याल में जो उसके साथ घूमते हैं, जो उसको मशर कहते हैं, दीवाने लगते हैं मुझे तो उसके पीछे। वो अगर आज से आपको तरगीब देना शुरू कर दे कि भाई थोड़ा इस तरह, अल्ताफ़ भाई देते थे एक बार कराची में कि टीवी बेचो, वीसीआर बेचो और बंदूकें ले लो, इस तरह की आपको तरगीब देना शुरू कर दे, तो जिन हर लड़के ने उसकी मोहब्बत में वो लाल टोपी लगाई हुई, वो एक रख भी लेगा टीटी राइफल अपने पास। तो ये तो इम्तिहान होता है ना लीडर का, कि वो कन्फ्रंटेशन के लिए लेके जाएगा, या वो पैसिफिस्ट अप्रोच अपनाएगा, वो अपनी ज़ात पर तकलीफ़ें ले लेगा, या वो सबको कहेगा कि जी आप आके तकलीफ़ें सहें। सो ये टेस्ट होता है। नाउ देयर इज़ नो डाउट दैट खान साहब हैज़ अ लॉट ऑफ करिश्मा फॉर हिज वोटर्स, ठीक है, उनके लिए उससे बेहतर इंसान मुल्क में नहीं है, आइडियल है, और उनके अपने ऐसे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे बात करेंगे तो शायद बाकी लोग उसको नहीं कर सकते। गो ही मे नॉट हैव सो मच टू शो इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एक्सेप्ट फॉर सेहत इंसाफ कार्ड विच आई बिलीव वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, एक अच्छा प्रोजेक्ट था, कुड हैव बीन मैनेज वेल, बट देन अगेन बेनजीर इनकम सपोर्ट कुड बी मैनेज वेल, बट बोथ आर नाइस वेलफेयर प्रोग्राम्स एमिंग टू हेल्प एंड सीक पीपल दोज हू नीडेड मोस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस हो या आपकी सस्टेनेंस के हवाले से आपको जरूरत हो, चलें ठीक है, वो आपका डिसएग्रीमेंट आ गया, बट उसमें अच्छे की गुंजाइश थी। और वो अगेन उसके बाद जो निकला, वो मैंने जिस दिन लॉन्च हुआ था पहले तनकीद करती थी कि ये इसके अंदर यही एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, और साल बाद वही रिपोर्ट आई कि प्राइवेट सेक्टर ने उसको कैसे एक्सप्लॉयट किया। बट इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद जिस तरीके से एक सियासत में रही है कि डीसीज़ को बोलना तुम्हारे नाम याद रखे जाएंगे, जजेस को बोलना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे ख़ानदान वालों को नहीं छोड़ेंगे, पुलिस वालों को ये बात करना, आज मीडिया वालों को ये बात करना। आज अत्थर मिन्नल्लाह को गालियाँ पड़ रही थी, जो कि आउट जी जुडिशरी बहुत ख़राब है। वो उनमें शायद सर फहरिस्त सबसे बेहतर आदमी शायद मेरी नज़र अत्थर मिन्नल्लाह है, उसको आप गालियाँ दे रहे हैं। सर देखिए मस वक्त कैफियत ये है, और ये बात शायद उनको सुन के अच्छी ना लगे, मैं पीटीआई के हकूक़ की बात करते हुए अगवा हो गया, ठीक है, मेरा नाम ईसीएल पे भी चला गया, मुझे अभी एफआईए के नोटिस भी आ रहे हैं, और 3-4 महीने मेरे साथ जो वो अपनी तरफ से कर सकते थे अलग अलग मामला तो उन्होंने किए। मैं उनके हकूक़ की बात कर रहा था, एक्चुअल प्रिंसिपल की बात कर रहा था, बट मेरे मुकाबले में कोई भी इंसान खड़ा होकर बस आज लिख देगा आई लव यू इमरान खान, तो पागल हो जाएंगे सारे उसके पीछे, ठीक है। तो ये जो एक परस्तिश की कैफियत में आप चले जाते हैं, कल्ट फॉलो की कैफियत में चले जाते हैं कि भाई अगर आप इस मज़ार पे आएँ, दरगाह पे आएँ, तो जो बाबा जी यहाँ पे हैं उन बाबा जी पे तनकीद नहीं हो सकती, मुर्शद के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते। बेशक मुर्शद की सारी आइडियोलॉजी जो मुर्शद क्लेम करता है उसके साथ आप भी खड़े रहे हो प्रैक्टिकली, जो आज वो बातें कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, या शुरू के यंग डेज़ में करते थे, रिलेटिवली यंगर डेज़ में, बिफोर 2011 बड़े अच्छे खान साहब बातें करते थे 2011 तक, फिर उसके बाद वो चेंज हुए, अब फिर दोबारा आजकल आगे पीछे वो बातें करने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस क्योंकि आप ये जिक्र कर रहे हैं मोस्ट पीटीआई सपोर्टर्स आर सेम, आपके भी प्रॉब्ली ज़्यादातर सपोर्टर्स का ओवरलैप होगा, मेरे भी मुझे लगता है लिसनर्स में सबसे ज़्यादा लिस्टिंग पीटीआई सपोर्टर्स की है, बट क्योंकि फ्रेंच वॉइस सोशल मीडिया है ही ऐसा, जब जितनी जो एक्सट्रीम बात करेगा वो वायरल हो जाएगा। आपने भी किसी को रीट्वीट किया हुआ था, नाम लेना नहीं है, कुछ अहमी लोगों को इंपॉर्टेंस देना, उनकी भी ये तनकीद थी कि भाई जबरान नासिर में अगर कोई इंटेग्रिटी होती, कोई करेज होती, तो डिसेंसी होती, तो आज ये कैंपेन नहीं कर रहा होता, उनकी लाशों पे वो बेचारे जेल में हैं, आप कैंपेन कर रहे हैं, आपको इतनी भी शर्म नहीं आई। यू शुड स्टेप डाउन एंड लेट द पीटीआई कैंडिडेट्स विन। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है और क्या, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको आप क्या डिफेंड करना चाहेंगे इस तनकीद को? क्यों आप पीटीआई के फेवर में स्टेप डाउन नहीं किया आपने जब उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है? क्योंकि मेरे हल्के में कोई काम नहीं करके दिया उन्होंने, और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं होनी चाहिए हल्के के हवाले से। आपका एक, हमें तो भी ये नहीं पता कि आप इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में हैं कि नहीं है भाई, अभी तो इलेक्शन रूल्स के हवाले से आपको ये इजाज़त नहीं है, अभी फ़िलहाल आपसे कुरान पे हल्फ उठवाए जा रहे हैं। ये भी बड़ा अफसोसनाक दिन था कि आप कुरान पे अगर हल्फ उठाएंगे तो देखिए जी मैं जिस रिलीजन पे हूँगा तो शायद मैं उस खुदा के ऊपर बतौर मुसलमान मैं अल्लाह ताला के ऊपर या मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ऊपर अमल करने का यह हल्फ उठा सकता हूँ ना, या अपने वालदैन से मोहब्बत करने का, वफादारी करने का, या अपने बच्चों का ख्याल करने का, या अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाने का, ये हल्फ तो मैं ले सकता हूँ। एक इंसान के साथ जो कि सियासी लीडर है, जो कि माजी में ख़ुद कह चुका है कि जी यू टर्न जो है ये तो एक ग्रेट लीडर की अलामत है, आप कह रहे हो मैं इसके साथ जीने मरने की कसमें खा रहा हूँ, थोड़ी सी एक रिडिकुलस बात है और ये फिर कल्ट वर्शिप की तरफ ही चली जाती है और कुछ नहीं जाती। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक पहलू है मैं इसको नहीं समझता कि प्रॉपर था। और अब आप जीतने के बाद आपको कहा जा रहा है, जो ये प्लान खुद ही फारूक हसन साहब ने पब्लिक कर दिया जियो पे आके, कि जी कोई प्रॉक्सी पार्टी, कोई छोटी पार्टी, कोई एक दो लोगों वाली पार्टी, ऐसी हम पार्टीज ज्वाइन करेंगे और उसके अंदर भी जिन पार्टीज़ के नाम आ रहे हैं जो शेयर किए जा रहे हैं वो उसमें कुछ बहुत सी आपको फायर राइट की पार्टीज़ मिलेंगी। तो ये क्या होगा इनके साथ आगे मुझे नहीं पता। सो अनदर रीज़न राइट नाउ फॉर नॉट ज्वाइनिंग पीटीआई, बिकॉज मैंने सिर्फ कोई इलेक्शन की सीट निकालने के लिए थोड़ी पीटीआई ज्वाइन करनी है, मैंने जो भी सियासी पार्टी पर ज्वाइन करनी फिर वो मेरा सियासी घर रहेगा जब तक मैं उसको गुजार सकूँ, बट एक लॉन्ग टर्म प्लान से जाऊँगा। पहले उस पार्टी का अपना तो एक प्लान हो कि उस पार्टी ने अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है उस पार्टी के अंदर इस वक्त। और अगेन जब उनका लीडर जेल में है तो अलग अलग धड़े बने हैं पार्टी में, शेर अफजल मरवा साहब एक बात कर रहे होते हैं, गौहर साहब एक बात कर रहे होते हैं, रऊफ हसन एक और बात कर रहे होते हैं, पीटीआई का ओल्ड गार्ड जो है फाउंडिंग मेंबर्स वो एक और बात कर रहे होते हैं, जो वकला अडियाला जाके मिल रहे हैं वो एक और बात कर रहे होते हैं, जो 2018 में नए कुछ लोग आए थे जो पार्टी में टिक गए हैं वो एक और मौक़िफ़ दे रहे होते हैं। आप इस पोजीशन के अंदर पहले मेरे ख्याल में थोड़ा पार्टी को संभलने दें, उसके बाद ये फैसले किसी पार्टी के हवाले से हो सकते हैं कि आपने उसको ज्वाइन करना भी कि नहीं करना। मगर फिलहाल अगर इस इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे तो मेरा तो सियासत वैसे ही आइडियोलॉजिकली काफ़ी डिफरेंट है पीटीआई से, इन टर्म्स ऑफ हाउ आई डू माई पॉलिटिक्स एंड हाउ आई इंटेंड टू रिप्रेजेंट। मैं तो ये एंटाइटलमेंट नहीं चाहता कि अच्छा आप सबको खान से मोहब्बत है ना तो मुझे वोट कर देना। मैं तो कह रहा हूँ कि कैंडिडेट की प्रोफाइल निकालो ना, इस कैंडिडेट को आपने हल्के की आवाम के लिए काम करते हुए कब देखा था जो PS पे खड़ा हुआ है पीटीआई की तरफ से, मुझे बता दीजिए। मैं तो 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं तो वाहिद कैंडिडेट हूँ जो चौथी बार लगातार बैलेट पेपर के ऊपर इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहा है। इस हल्के के लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि क्या उन्होंने मुझे इस हल्के में काम करते हुए एक्टिव देखा है कि नहीं देखा। अब वो जब सारे काम करवाने हों तो दे कैन लुक एट एनी एक्टिविस्ट, दे कैन लुक एट एनी इंडिविजुअल, बट ये एक सवाल पैदा किया जाता है और ये खुद उनके जहन में नहीं आता। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरे जैसे लोगों के हवाले में पैदा करती हैं, यार अकेला है क्या करेगा, यार अपोजिशन तो अपोजिशन ही है ना, माइनॉरिटी है, वो एक आदमी की माइनॉरिटी हो या 55 लोगों की माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी होती है। तो अगर आप 55 सीटें भी जीत लेंगे बतौर पार्टी और आप सीएम सिंध का नहीं लेके आ सके या 70 सीटें भी जीत लेंगे तो आप भी कोई बिल तो नहीं पास कर सकेंगे। बात तो ये कि अपने हल्के को इफेक्टिव रियल टर्म्स में विदाउट कॉम्प्रोमाइज हर एक इशू के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कौन देगा। आई बिलीव आई हैव बिल्ट ए रेपूटेशन दस फार, जो आपने शुरू में सवाल किया था वाई जिब्रान नासिर, कि मैंने अगर कोई बात बोली तो आई स्टूड बाय इट। या तो कोई मुझे आके एक्सपोज करे कि यार ये आपका पब्लिक मौक़िफ़ है, यह आपका प्राइवेट मौक़िफ़ है, आप इस जगह से पीछे हट गए या आपने दोगलापन कर दिया। हम तो लिटरली ऐसे एलिमेंट से गुजर गए जहाँ हमारी जान जा सकती थी। आई मे नॉट इवन बी अलाइव टू डू दिस पॉडकास्ट विद यू, इट इज़ बाय लक दैट आई एम हियर। इसमें आपने अपने अगवाओं वाली बात की थी, आई वांट टू आस्क अबाउट दैट, बट अभी हमज़ा हारून इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं इस्लामाबाद में, वो पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने बोला भाई हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है, मतलब आप MNA क्यों लड़ रहे हैं, आप MP क्यों नहीं लड़ रहे, डायरेक्ट वो पब्लिक पॉलिसी से निकले हैं अभी रिसेंटली और डायरेक्ट MNA लड़ने हैं, आपका हल्का भी नहीं जानता। ही सेड यू नो इवन पीपल लाइक हमारी जान एंड जबरान नासिर नीड टू एजुकेट पीपल कि भाई ये गटर साफ़ करना, सड़क साफ़ करना, ये MP MNA का काम नहीं, हमारा काम लेजिस्लेशन है। तो आप जो अपनी बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस मैंने वाटर पंप कर दिया, ये कर दिया, कोविड में वो कर दिया, ये तो वैसे MPA के काम ही नहीं है। नहीं, ये MPA के काम नहीं है, मगर ये किसी एक ऐसे इंसान के तो काम है ना जो हल्के की आवाम के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है। और जब ये नहीं कह रहा कि जब कोविड में लॉकडाउन है और लोगों के पास राशन नहीं है कि ओ ये मेरा काम नहीं है। आपको अगर एक असर असूख दिया हुआ है तो आपका एक सोशल नेटवर्क भी डेवलप होता है। क्यों मैं कोविड के लिए 5000 ख़ानदानों के लिए फ़ंड रेज कर सकता हूँ और मेरा पड़ोसी नहीं कर सकता, क्योंकि एक मेरा एक सोशल नेटवर्क, एक पहचान एग्जिस्ट करती है ना। तो ये तो मेरी मर्ज़ी है कि मुश्किल वक्त में मैं क्या करूँ। मैंने फ़ंड रेज़ किया पानी निकालने के लिए जब अर्बन फ्लडिंग DHA के अंदर हुई, चूँकि मैं कर सकता था ना, तो एक ज़िम्मेदारी भी तो आ जाती है। तो जब आप MPA हैं, तमाम तर लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हैं, आपको देख रहे हैं, तो आपने ओनरशिप क्यों नहीं लेनी उनके मसाइल की। मैंने ये तो नहीं कहा कि जी हम हुकूमत का पैसा फ़ंड बचाएंगे और हम कहीं और से लाके लगाएंगे, हुकूमत से हम वो काम करवाएंगे, मगर जब तक हुकूमत वो काम नहीं करेगी मैं नहीं चाहता शहजाद अकेला ही रो रहा हो वहाँ पे बैठा हुआ कि मेरी कुछ सुन नहीं रहा। MPA भी साथ में आके बैठ के आपके बराबर से रोएगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके इशूज़ को ओनरशिप देगा। तो हम तो इसलिए इन मसलों की अक्कासी कर रहे हैं। देखिए, क्या एमपीए का काम नहीं है एक शऊर पैदा करना दैट यू डिजर्व अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू डिजर्व अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? वो कैसे होगा? इन्हीं मसलों को ओनरशिप देके, इन मसलों को इज्जत देना कि तुम्हारा गटर, उबलता हुआ गटर एक मसला है, इस मसले को मैं इज्जत दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट मसला है। ये पानी का ना आना, ये गैस बिजली के मसाइल होना, ये थाने से आपको जो शिकायतें आना, या तशद्दुद का कहीं वाकया होना, या पार्क्स मुहैया ना होना, या स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया ना होना, ये आपके राइट टू लाइफ में इनहेरेंटली शामिल हैं ये सारी चीज़ें। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप तो पर पॉलिटिकली वो लाइफ ही नहीं जी रहे जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। अनफॉर्चुनेटली ना सामाजिक लेवल के ऊपर, ना फाइनेंशियल लेवल के ऊपर, ना पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, जो कि हमारी फ्रीडम से जुड़ जाती हैं सवाले से कि व्हाट वी आर फ्री टू डू एंड व्हाट नॉट वी आर फ्री टू डू। सिंस आपने अगवा होने की बात की थी, उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली बताया कि बेटा ये जो बात की आपने, ये हमारी रेड लाइन थी? मुझे एक्चुअली सिर्फ स्पेसिफिकली जो आप कह रहे हैं उठाया गया था वो एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर उनकी नज़र थी, जिसके बारे में मैंने पब्लिकली बात तो की थी बट उस डिटेल से नहीं की थी जिस डिटेल से उनको पता थी। क्योंकि आपको तो पता है कि खान साहब भी कहते थे कि उनको सारी बातें सुननी चाहिए, तो वो सुनते रहते हैं बातें। बट आई वॉज प्राइमरीली का कहते हैं टेकन अवे, अबडक्टेड, एंड द एक्यूजेशन वॉज कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में आप क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, या 9 मई के हवाले के बाद से आपको इंसानी हकूक़ का क्यों शौक़ चढ़ा हुआ है, और क्या ज़रूरत है ये नैरेटिव बनाने की, रूल ऑफ लॉ हो गया या बाकी सारी चीज़ें हो गई। यही शिकायत थी जो लोग लेके गए थे उनको, इंसानी हकूक़ का ही काम करते हैं तो और क्या बातें कर रहे थे, कोई मिल्का के गाने तो नहीं गा रहे थे मलकू के। तो यही उन्होंने शिकायत की थी। हमने कहा जी ठीक है। अब उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त यार बीच में पड़े, बहुत सारे दोस्तों ने उनको वास्ते दिए, गारंटीज़ वगैरह दी कि जी कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, छोड़ दीजिए। हम फिर घर आ गए, हमें कह दिया गया कि जी आप घर जा सकते हैं। हमने कहा जी अच्छा, आपने उठाया भी बगैर पूछे नहीं था, आप छोड़ भी बगैर पूछे नहीं रहे। फिर उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने आके घर पर कहा कि भाई देख, हमने गारंटी दी है, अगर तू कुछ बोलेगा, अगर तू कुछ लिखेगा तो अगली बार हमारी गारंटी की क्या वैल्यू रहेगी, वी विल नॉट बी एबल टू कम एंड हेल्प एंड डू वॉट एवर, प्ले वॉट एवर रोल वी कैन। मैंने कहा जी ठीक है, शुरू के 2-3 दिन तो ज़रा रुक जाए ना, ज़रा फैमिली को भी नॉर्मल होने दें। एक ट्रॉमा है जो फ़ौरन आपको हिट नहीं करता, वो आपको ऐसा ऐसा असरअंदाज होता है। और व्हेन द इंसिडेंट हैपन, मंशा वाज राइट विद मी। 5-6 लोगों ने उनके भी सर पे बंदूक रखी थी, मेरे भी सर पे बंदूक रखी थी। मुझे वो ले गए थे मगर उनको कह रहे थे गाड़ी से बाहर निकलो। और मैं जो लास्ट इमेज मैंने देखा, बिफोर दैट कपड़ा मेरे सर पर पहनाया गया और मुझे मारना शुरू किया कि 5-6 लोग ऊँचे लंबे कद के, मुँह ढका हुआ, सेमी ऑटो वेपन रखा मेरे बेगम के ऊपर, सड़क के बीच में कह रहे बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये एक आखिरी इमेज था। और इसका जवाब कि मेरी बेगम की हालत में तो मुझे घर जाके ही मिलता। वो तो आप उनसे कुछ भी पूछें कि क्या, जो कि यही मेरी मेन कंसर्न थी, बिकॉज डायरेक्टली समबडी वाज बीइंग मेड टू पे द प्राइस ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद मी एंड बीइंग विद मी। मगर मैं आदत से मजबूर फिर बोलना शुरू हो गया, तो ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स आना शुरू हो गए, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। मैं लिखता रहा, फिर लिखते 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 एक दिन शायद कुछ ज़्यादा लिख दिया या उनको ज़्यादा समझ में आ गया, तो मुझे ECL में डाल दिया गया, बाशमूल मेरे ख़ानदान के। दोनों को हमें ऑफलोड किया गया एयरपोर्ट से। हमें कहा गया ना कलेक्टिवली फ़्लाई कर सकते हैं, ना इंडिविजुअली फ़्लाई कर सकते हैं। हम फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने FIU को बुलाया। FIU ने कहा कि जी आपने क्यों नहीं जाने दिया, तो उन्होंने कहा जी हसास इदारे ने कहा है कि इनको नहीं जाने दे सकते, कि देखें ये इनका लेटर लगा हुआ है। हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को, लेटर को रेफ़र किया कि ये लेटर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और इनको ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद जब मेरी बेगम ने ट्रैवल किया तो उनको थोड़ा तंग किया, बट जब मैंने ट्रैवल किया तो दे मेड इंश्योर दैट आई मिस माई फ्लाइट एंड आई गो द फॉलोइंग डे। ये तरह की चीज़ें होती रहीं। और अब जो है फ़िलहाल ये रिसेंट एक FIA का नोटिस आया था विच डजंट कंपेयर टू व्हाट वन हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू। बट मेरा तो जी काम है ये बोलना, बात नहीं सी है कि हम दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं, दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं, दूसरे लोगों को इनक्रेज करते हैं। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 500 बच्चा बैठा होता है, उसको बोल रहे होते हैं हक बात बोलो, सच बात बोलो। आपकी पॉडकास्ट पे भी मैं यही बोल बच्चन कर रहा हूँ। तो जब मेरे साथ हो, उसके बाद अगर मैं खामोश बैठ जाऊँ या अपना कन्वीनियंटली टॉपिक चेंज कर लूँ और किसी और टॉपिक पे लग जाऊँ और प्रिटेंड टू बी बिजी, कहीं और हो जाऊँ, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जो कि मुझे तो कम से कम चैन से नहीं सोने देगी। सो क्या ये बात सच है कि चलें दोस्त यार तो अपनी जगह, एक मुखालिफ सीनियर पार्टी रहनुमा ने भी आपकी गारंटी ली? नहीं, nobody was part of the पार्टी। आप पहले पार्टी का नाम बता दें। PMLN। नहीं, गारंटी की आप बात कर रहे हैं, तो गारंटी उन्होंने नहीं ली। फ़ोन किया था उन्होंने, फ़ोन यूँ किया था कि राना सनाउल्लाह उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो ऑफकोर्स मेरी फैमिली ने उनको अप्रोच किया और उनका तो जवाब ये था कि भाई इस वक्त तो हमारी भी कोई नहीं सुन रहा। उनका तो ये जवाब था, तो व्हाट कैन दे डू। हाथ उठा लिए थे सब ने। वो लोग गारंटी लेते हैं ना जो लोग ये क्लेम करते हैं कि वी नो जिब्रान पर्सनली, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हम इसे कहेंगे, हम इसे घर जाके इसको समझाएंगे, आंटी से बात करेंगे जिनको वो खाला या आंटी कहते हैं, या भाभी से बात करेंगे जिनका ये रिलेशनशिप होता है, वो ये बात पोजीशन में होंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें शहरी रहमान साहिबा ने इस बात पे पब्लिकली बात की थी, मिर्ज़ा वहाब ने दोपहर के अंदर से बात की, गो के बीरी बेगम को 5-6 घंटे ख्वार होना पड़ा एक एफआईआर कटवाने के लिए, जो कि कोई एफआईआर काटना नहीं चाह रहा था। जब मीडिया पे वायरल हो गया फिर प्रेशर में खुद SHO बुला के कह रहा कि बीबी आप एफआईआर तो कटवाएं, एफआईआर क्यों नहीं कटवा रही? वो 5 घंटे वो बैठ के गई उस ट्रॉमा के बाद भी तुम्हारे पास, तुमने एफआईआर नहीं काटी थी। तो नून लीग वालों ने इसके ऊपर बात की, खान साहब ने ट्वीट की, तमाम तर जो ये सियासी हरीफ थे जिन्होंने ये बात की, टॉपिक रेस किया, मैं उनका उस हद तक मशकूर हूँ। मगर वो जो आप गारंटी की बात कर रहे हैं वो तो हमारे करीबी दोस्तों ने ली थी, जो फिर मुझे मिलके कह रहे थे कि हमने किसकी ले ली गारंटी। तो बट डज इट नॉट चेंज, मतलब इवन पास्ट ईयर्स आई हैव सीन थोड़ा तो ठहराव आया है शादी के बाद। तो यार ठहराव लीगल प्रैक्टिस की वजह से ज़्यादा आया, बिकॉज मैं अब फुल टाइम उस तरह से ना मोबाइल हूँ ना ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ, जैसे नेशन वाइड मैं अलग अलग शहर जाके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करता था या पहुँचा हुआ होता था। बिकॉज ऑफ माई लीगल प्रैक्टिस माई स्केड्यूल बाइंड्स मी डाउन टू कराची एंड ओनली अलाउज मी मैक्सिमम के हैदराबाद कुछ केसेस के लिए या खैरपुर आप चले गए। तो आफ्टर इंसिडेंट लाइक दिस आप सोचते हैं यार स्ट्रेटेजिक ये हो जाऊँ कि ठीक है मैं अगर मेरी वॉइस साइलेंस कर देंगे तो फिर जो मैं 6 अच्छे काम कर रहा हूँ वो भी नहीं होंगे, तो ओके मे बी आई रिट्रीट अ लिटिल ऑन दिस सो दैट आई कैन डू द 10 अदर थिंग्स। अगर सारी जंगे मैं ही लूँगा तो मारा जाऊँगा, फ़ायदा क्या है, जिंदा रहूँगा तो कुछ करूँगा ना। सारी जंगे तो मैं नहीं ले रहा ना, ईरान पे जाके मैंने तो नहीं मिसाइल दागा, वो जंग तो हमारी फ़ौज ने लड़ी जो उनकी लड़ने की थी, मैं तो वो जंग लड़ रहा हूँ जो मेरी लड़ने की है। मैं अगर अपने आप को इंसानी हकूक़ का कारकुन कहता हूँ या सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कहता हूँ तो मेरी जंग तो सिविल राइट्स की है भाई और इंसानी हकूक़ की है। बाकी मुल्क को जिन जिन जो जो ख़तराहत लाहक हैं, चाहे वो दहशतगर्द तंजीमें हों, चाहे वो दूसरे ममालिक हों, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हों इंटेलिजेंस की, आप वो जंग बिल्कुल लड़ें, मेरा कोई काम नहीं, मुझे उसकी नो हाउ समझ बूझी नहीं है। मैं तो सामने जो आप पाकिस्तान के शहरी हैं उनके साथ जिस किस्म का भी सलूक हो रहा है वो आइन और कानून के तहत हो। मेरी तो वाहिद एक ये जंग है, और क्या जंग है मेरी। लोगों के बहुत सारे सवाल थे, पूछते हैं हम जंगे क्या क्या हैं आपकी। हिज स्टांस ऑन रीसेंट एंटी अहमदिया राइट्स इन पंजाब, वेदर ही विल बी विलिंग टू लीड द केस इन परसिक्यूशन बाय द स्टेट पुलिस एंड TLP इन पाकिस्तानी कोर्ट्स। एक बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि मैं कैसे ये कह सकता हूँ, मुझसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया किसी केस के हवाले से कि आप आके इसमें वकील बन जाएं। आप किसी प्राइवेट पार्टी के लिए तो वकील नहीं अपेयर हो सकते किसी क्रिमिनल केस के अंदर। इसमें कोई कंप्लेनेंट होगा, उनकी FIRs होंगी, आप उनके लिए अपेयर होंगे। राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हर एक का है और एक को होना चाहिए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारा ये अक्सर इंसिडेंट होता है कि अगर किसी इंसान का ताल्लुक जमात अहमदिया से है तो एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगी कि जी कोई भी वकील इसको रिप्रेजेंट ना करे। मेरे ख्याल में अदराइज़ करके ये एक्सक्लूसिव सोसाइटी बना के और एक अपार्थाइड टाइप सिचुएशन क्रिएट करके कि जी इनसे लेन देन नहीं होगा, इनसे फलाना नहीं होगा, इनसे फलाना नहीं होगा, आप एक महज़ब माशरा नहीं बन सकते। आपके रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, नोटेड डिफरेंसेस हैं, नॉन डिफरेंसेस हैं, वो अपनी जगह है, बट दूसरा इंसान शहरी है, उससे जीने का तो हक नहीं लिया जा सकता। प्लीज़। और हम अनफॉर्चुनेटली सियासत उस जगह पे ले गए कि अब आपने तो मरने का भी हक ले लिया है। पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुई थी वो जो आपने डेसिग्रेशन ऑफ ग्रेव की थी, अब आप मुझे बताइए कि उस टॉपिक पे तो कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बात करेगी, करना नहीं चाहती, अफोर्ड नहीं करना चाहती। बट हकीकत ये शहजाद कि इस टॉपिक पे मेरे बात करने से कोई तब्दीली या बदलाव नहीं आएगा। अगर हमारे अंदर रवादारी हम पैदा करना चाहते हैं, उसके ख्वाहिशमंद हैं, तो बड़े मेन स्ट्रीम लीडर्स को ये किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इससे वजह से ना सिर्फ वो शहरी उनकी हकूक़ तलफी हो रही है, हमारा भी एज़ अ महज़ब माशरा जो हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया में इमेज जाए या इस्लाम का बयानिया जाए, वो भी तो नहीं जाता। मैं ज़रार खोड़ा ने अच्छी बात की थी कि सिर्फ इज़राइल है जो इस तरह डेसिक्रेट कर रहा है ग्रेव्स को, तो अगर हम इज़राइल की सफ़ों में खड़े हुए हैं अपनी कुछ हरकत की वजह से, तो मे बी इट्स टाइम वी शुड लुक इनटू द मिरर। रांझा करते में आप पे रांझा हुई। प्लीज़ कैन यू आस्क हिम स्पेसिफिकली विद द सिस्टम इज़ रन, द वे द सिस्टम इज़ रन, विल वी एवर सी इट इम्प्रूविंग और इट विल रिमेन द सेम? नहीं, ये वहाँ पे मैं आपकी बात से एग्री करूँगा कि अगर इसके अंदर इंटरवेंशंस बंद हो जाएँ फ्रॉम, मैं नॉन स्टेट एक्टर नहीं कहूँगा, मैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहूँगा। अगर उनकी इंटरवेंशन ना हो, कैबिनेट क्या होनी है, पॉलिसी क्या होनी है, 5 ईयर प्लान क्या है, इकॉनमी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, लैंड डेवलपमेंट के हवाले से, सब्सिडीज़ और टैक्सेस के हवाले से, चूँकि तमाम चीज़ों के अंदर अब इंटरवेंशन हो चुकी है। और अगर आपके सिलसिला चलने दें तवातर के साथ यकीनी तौर पे बेहतरी आएगी। हम कोई ऐसे बदकिस्मत नहीं है कि हमारे नसीब अच्छे नहीं लिखे हुए, बट एडॉकिज़म जो है उसका इलाज नहीं है। हर 3 साल बाद पॉलिसी का चेंज हो जाना उसका इलाज नहीं है। डिक्टेटर्स के दौर के अंदर भी जो इकॉनमी स्टेबल हुई हैं दूसरे ममालिक में, जो लंबे लंबे दौर में रहे, वो कोई ना कोई सर्टेनिटी या यूनिफॉर्मिटी या कंटिन्यूटी थी। हमें तो वो मुहैया नहीं। जमहूरियत तो बहुत बात की बात है, हमें तो कंटिन्यूटी नहीं मुहैया। Ask him, will he be the same person after he gets power? Not like Imran, as he promised so much and delivered nothing. यार मुझे एक बात बताइए कि मुझे MPA बन के सिवाय इस ऑफिशियल अथॉरिटी के कि आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव चोजन बाई पीपल सो आई कैन रेज पीपल्स इशू, और इसके अलावा क्या चीज़ मिल रही है? उसके लिए तो मुझे पार्टी ज्वाइन करनी होगी, जिस चीज़ की तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि मैं मिनिस्टर बन जाऊँगा। मुझे कोई मिनिस्टर तो नहीं बनाने वाला ना एक पार्टी जीतने के बाद, मैंने तो अपोजिशन ही करनी है। तो मेरे पास तो कोई करोड़ों का बजट नहीं आ जाएगा या अरबों का बजट कि मैंने डिसाइड करना है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, या मैंने इतने लोगों को फिट करना था, नौकरियां देनी थी, या मैंने इतने लोगों को अब्लाइज करना था, या मैं कुछ कर चुका हूं ऐसे काम जिसकी वजह से मेरी फाइलें खुली हुई हैं। मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं थी भाई, जो लोग उठा के ले गए थे अगर मेरी कहीं पर फाइलें खुली होती हैं वो घर पर एक नोटिस भेज के काम कर देते या मुझे व्हाट्सएप पर दिखा देते, भाई ये है तेरा, खुल जाएगा सब कुछ। अगर वीडियो से काम करवाया जाता है तो आपको क्यों लगता है एजाजुल अहसन ने क्यों रिज़ाइन किया? जस्टिस एजाजुल अहसन ने इसलिए रिज़ाइन किया कि कुछ वीडियोस नहीं। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? नहीं, मुझे ये नहीं पता, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि जिस तरीके से कोर्ट रिपोर्टर्स ने इस बारे में जिक्र किया है कि दिस वाज ए फोर्स्ड रेजिग्नेशन, दैट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। बिकॉज देखें, एक रेफरेंस एग्जिस्ट करता था मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से, ही डिड नॉट हैव इट इन हिम टू चैलेंज इट, टू एड्रेस इट, ही रैन अवे फ्रॉम इट सो मच सो कि वो तो ये आर्गूमेंट ले रहे थे कि इसमें जो कंप्लेनेंट हैं दाऊद साहब जो वकील थे उन तक को ना सुना जाए। अरे जो मुद्दई और दरख्वास्त गुजार को सुनने से भाग रहा हो और डेफिनेटली अपने पे लगे इल्ज़ाम डिफेंड नहीं कर पाता तो वो रिज़ाइन कर गया। एजाज साहब का वेरी नेक्स्ट डे कर जाना, जब उनके खिलाफ ऐसा कोई रेफरेंस एक्टिव नहीं था, बट शायद उनको ये पैगाम ज़रूर मिल गया था दैट यू विल नॉट बी हियर टू सी योरसेल्फ बिकम द सीजे। तो जब बंदे को ये पता हो तो फिर बंदा उस हद तक निज़ाम हालात ले जाने क्यों देगा? और अगर ये भी हुआ, और अगर ये मैसेज जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो था कि नहीं, अगर ये मैसेज कहीं से भी बाहर से आ रहा था बट फॉर द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो फिर ये शौकत सिद्दीकी साहब की तरह बहुत बड़ा सवालिया निशान है इनकम्बेंट सीजेपी के ऊपर कि आपके होते हुए किसी जज को कैसे किसी ने आके प्रेशराइज किया। बिकॉज ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि जी फलाना की वीडियो आ जाएगी, फलाना का ये आ जाएगा। यार देखिए, क्या हम फरिश्ते ढूंढ रहे हैं? हम एंजल्स? लेट्स बी ऑनेस्ट ना। ठीक है, हमने नाम रख दिया इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान और हम बहुत मोरालिटी भी करते हैं, बट हमें ये तो पता है ना कि जी देर आर सम स्केलेटन्स इन एवरीबडीज क्लोसेट। ठीक है, सब ग्रे मैटर है। अब मुझे नहीं पता किस किस्म के खिलाफ क्या है। हमारे सिंध की नौयत है ना, सिंध के गवर्नर भी थे ना, आप उस हिसाब से भी ले आए। यार एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे बताएं कि जो काम आप कर रहे थे, क्या उसके करने के पीछे अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस था? और इट वॉज समबडी हु वाज इन योर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और डिड हैड एनीथिंग टू डू विद यू अब्यूजिंग पावर। मेरे लिए सवालिया निशान था आपके नैब के चेयरमैन की जो वीडियो आई थी, जो एक खातून आई हुई थी अपना केस लेके और आप जो बात कर रहे थे, दैट वाज अब्यूज ऑफ पावर, दैट वाज द वीडियो ऑन व्हिच एक्शन शुड हैव टेकन, एंड इमरान खान डिड नॉट टेक एनी एक्शन इन हिज टेन्योर एंड ही कंटिन्यूड। जावेद इकबाल साहब तो इवन जब आयशा गुलाली का इमरान खान के खिलाफ आया था, नथिंग हैपेंड, नथिंग वाज रिपोर्टेड। वो खवातीन ही सारी सामने आई थी पीटीआई की तरफ से और उन्होंने आके उसको डिफेंड कर दिया और उसकी कोई चीज़ नहीं हुई। बट चले, वहाँ तो आप पे इल्ज़ाम थे ना, आपने तो उसको डिफेंड करना था। नैब तो एक ऑटोनोमस इदारा था, तो उसके वाले से एक वीडियो आई है, आपने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। अनफॉर्चुनेट खान साहब गए और दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने भी नहीं लिया कुछ, उनको पता था कॉम्प्रोमाइज आदमी है तो ये चलेगा, सही तरीके से चलेगा। हाँ, तो हर कोई जो है वो शिफा पाता रहेगा। ये जो दवा खाना है बशीर जज साहब का, वही मज़ार पाते रहेंगे। द बिगर इशूज मज़ार नकवी, राइट? कि अगर आपने पैसे लिए, प्रॉपर्टी ली है फॉर अ जजमेंट, देन आपने इतने साल जो जजमेंट्स किए थे कहाँ कहाँ आपने क्या क्या लिया। अब देखिए, काजी साहब ने, काजी फैज़ीसा साहब ने जैसे अपना रेफरेंस डिफेंड किया और उनकी बेगम ने भी आगे किया, विच इज़ वेरी करेजियस एंड आई थिंक वेरी डिग्निफाइड ऑफ बोथ ऑफ देम टू हैव कम फॉरवर्ड एंड हैव डन सो। बट हम जब काजी साहब के फैसलों पर तनकीद करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई आपने एक अच्छा काम किया, दैट डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग एल्स यू वांट। आपका तो ओहदे पे बैठने का मसला ये है, बड़े ओहदे पे बैठने का, कि हर दिन का हिसाब होना है कि आज आपने क्या किया। जस्ट बिकॉज मंडे वॉज गुड डज नॉट मीन दैट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट बाय वेडनेसडे। ये तो नहीं होगा सिचुएशन। वो दो अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के हवाले से, अपनी डीलिंग्स के हवाले से उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं रीजनिंग एंड साउंडनेस ऑफ जजमेंट्स पे, और वहाँ पे फिर सवाल उठते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के मोर देन एनी फाइनेंशियल करप्शन। इसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी काजी फैज़ी साहब आपने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया, तो हम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द वीड्स ऑफ द जजमेंट, बट इट्स अ लीगल डिसएग्रीमेंट, राइट? चले, इन द वाइडर स्कोप कोई नहीं डिनाई कर सकता. इलेक्शंस एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, मतलब जो घटिया तरीन जजमेंट इद्दत वाला है, उस वाइडर कॉन्टेक्स्ट में तो हमें नज़र आता है कि यार हर जजमेंट उस वाइडर कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है. स्पेसिफिकली बैट सिंबल वाला जो जजमेंट है, आप आर्ग्यू करें कि भाई ECP का to probe into a party's intra-party elections is unconstitutional, but till that's not challenged, till that's not struck down, that's what the reality is for them to. No, that is an interpretation. It just says कि आपको certificate मिलेगा और certificate ना मिलने की जरूरत के अंदर आप जो है सिंबल ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे आपने डिसाइड करना है. तो कहीं ये प्रोविजन नहीं एक्सप्रेसली कि आपको सर्टिफिकेट मिला तो उसके ऊपर आप कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी कि ये आपने इंट्रा पार्टी प्रॉपर कराया कि नहीं कराया, बिकॉज उसकी इंक्वायरी तो एक सिविल कोर्ट में होगी जहाँ पे एविडेंस रीड आउट होगा, जहाँ पे लोग आके बयान देंगे. एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में या समरी प्रोसीडिंग्स के अंदर तो नहीं. 2017 का भी तो एक जजमेंट है ना कि इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे और कोर्ट ने बोला था कि ठीक है सब कुछ गलत हुआ है लेकिन इन द वाइडर इंटरेस्ट हम पीटीआई को करने दें. तो फिर 7 years later the same issue arises. अगर एक इंटरप्रिटेशन है तो वो इंटरप्रिटेशन रहेगी. आप इसके अंदर फाइन लगा सकते हैं, मल्टीपल अदर आप इसके अंदर डिटरेंट्स पैदा कर सकते हैं आपने करने, बट इस चीज़ को भी तो आप जहन में रखिए ना कि आपने अगर 1988 में फुल बेंच ने बैठ के सुप्रीम कोर्ट की फैसला कर दिया कि ना सिर्फ पार्टी का बनाना, पार्टी का चलाना इज इनहेरेंट इन पार्टी का बनाना, वन इज नॉट सेपरेट फ्रॉम दी अदर, अदरवाइज पार्टी का बनाना इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाएगा. और फिर उसके बाद 89 में आपने कहा कि सिंबल जो है वो जमहूरियत की रूह है और आर्टिकल 17 ओवरराइड करेगा वो कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो. तो इलेक्शंस एक्ट 2017 को तो आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन को ओवरराइड करना चाहिए था. बट ये चीज़ें तब आएंगी ना अगर केस चल रहा होता. अभी फॉर देम टू डिसाइड कि जी पॉलिटिकल पार्टी है किसकी. 2000 में सारी पीटीआई की लीडरशिप बैठी, उन्होंने डिसाइड किया इमरान खान को हटाएंगे, नहीं हटा सके. इमरान खान बोला मेरी पार्टी है, अकबर एस बाबरवाल. तो क्लेम कि अच्छा पार्टी है किसकी, वो तो अगर फैक्ट फाइंडिंग हो उसमें पता चले. ऑन द फेस ऑफ इट काजी फैज ईसा के पास एक जजमेंट आया भाई ECP का है ये रूलिंग, द पीटीआई लॉयर्स कुड नॉट डिफेंड इट. नहीं, आई डोंट थिंक दैट द पीटीआई लॉयर्स वुड डिफेंड इट. आई आल्सो डोंट थिंक दैट द पीटीआई लॉयर्स. देखें एक तो ये भी बड़ा हमारे जजेस को और करना पड़ेगा कि भाई वो अगर लॉयर की फेलिंग है नहीं, वो आपको लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड करना चाहिए. जस्ट बिकॉज दे डिड इट यू कैन नॉट एब्डिकेट योर रिस्पांसिबिलिटी टू द लॉयर. एंड इवन आई बिलीव कि बड़ा अच्छा फैसला है कि अब आप लाइव प्रोसीडिंग्स दिखा रहे हैं, बट मेरे ख्याल में हमारे जजेस की इस हवाले से भी ट्रेनिंग नहीं है. चूँकि देखें आप अपनी स्क्रूटनी के लिए दिखा रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं दिखा रहे, आप पब्लिक स्क्रूटनी के लिए लाइव कर रहे हैं ताकि आवाम को पता हो अकाउंटेबिलिटी की क्या हो रहा है. तो आवाम को भी अदालती निज़ाम समझने में और तरीक़ेकार समझने में टाइम लगेगा. और मैंने ये देखा कि बड़ा वाज़े फ़र्क है कि कुछ प्रोसीडिंग्स बड़े धीमे अंदाज में, विदाउट मच इंटरवेंशंस, विदाउट मच क्वेश्चनिंग, लॉयर्स आर अलाउड टू कम्पीट लेयर आर्ग्यूमेंट. जो भी तमहीद बांध रहे हैं वो तमहीद बांधने दी जा रही है और कहीं पे नहीं बांधने दी जा रही. आप जब कोई प्रिपेयर्ड स्पीच करते हैं या आप एक्सटेम्पर बोलते हैं, लोग हमेशा एक तमीद बांधते हैं. देखिए वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस वहाँ से आते हैं, सीधा सीधा ये नहीं होता सर सेक्शन 21B, सर सेक्शन 21C, ये नहीं होता. यहाँ जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने देखी है इंडियन हाई कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स, सम आर बेटर, फार बेटर देन आवर सुप्रीम कोर्ट, सम आर इवन वर्स देन आवर जज. बट योर आर्गुमेंट इज कि जो लॉ फॉलो किया उसको सेट असाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड करना चाहिए था. बट इट्स अ लीगल डिसएग्रीमेंट, राइट? द कोर्ट टुक एन अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का मसला नहीं था. व्हेन यू इग्नोर एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट्स एंड एस्टैब्लिश्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वेयर आई वुड से कि दिस इज एन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी. दैट इज वेयर आई एम यूजिंग द वर्ड, बिकॉज वो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल मैंने नहीं किया ना, वो 30-40 साल पहले हो गया था. एक प्रेसिडेंट्स में आप चलते हैं ना, हमारा जो सिस्टम है कानून फॉलो करने का वो नज़ीरे फॉलो करने का है. अगर आपने एक लार्जर बेंच बिठानी है या फुल बेंच बिठानी है, मोर इन नंबर्स देन व्हाट डिसाइडेड इन 88 एंड 89, आप कर सकते हैं. हम आप बिल्कुल सवाल नहीं उठाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट है. बट 3 रुकनी बेंच बैठ के 8 रुकनी बेंच का या 11 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसकी मंतक से डिसएग्री नहीं कर सकती. यहाँ पे एक सवाल उठ जाता है. They're not saying it's the same thing, right? The argument and the merits of this case are different. So the arguments they didn't say we're superseding 89. The arguments are simply कि देखिए ये एक स्टेजेस आपने क्यों दी हुई हैं. पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होना एक अलग स्टेज है, सिंबल मिलना एक अलग स्टेज है. आइन के नज़दीक या एक स्टेज एक ही स्टेज है. आइन के तहत जब पॉलिटिकल पार्टी बन गई और आप रजिस्टर हो गए तो उसको चलाने का राइट आपका इनहेरेंट हो गया और आपकी शनाख्ती आपका सिंबल है. उसके बगैर तो आप ऑपरेशन ही नहीं कर सकते एज अ पॉलिटिकल पार्टी. तो जब आपको ये या तो आप ये करते ना कि जी पीटीआई डीलिस्ट हो गई, वो काम आपने नहीं किया, आपने उनसे सिंबल ले लिया, बट उस पर्पज़ के लिए सारा मामला जो है आपने इनकॉन्सिक्वेंशियल कर दिया. आई डोंट थिंक दैट मच वुड हैव चेंज्ड अगर आप कहते कि जी ठीक है पीटीआई कैन कंटिन्यू विद दिस सिंबल ऑन दिस इलेक्शन, ईदर वी डिले एंड डिसाइडेड आफ्टरवर्ड्स, और ये कैन से कि जी रिगार्डलेस ऑफ दिस जो कि आइन की इंटरप्रिटेशन है, इनको इनका सिंबल रहना चाहिए, बट अगर ये इतने टाइम के अंदर नहीं कराते अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो फलाना फलाना जो फाइन्स हैं या फलाना फलाना एक्शन डिलिस्टमेंट का है, जैसे कि परवेज मुशर्रफ की पार्टी 2017 कर दी गई। देन दे डू द सेम थिंग विद पीटीआई, वाजंट दैट द जजमेंट कि अच्छा ठीक है आप करवा लें, वाइडर इंटरेस्ट में कर लेते हैं, बट बिकॉज वो वन पेज था, दे नेवर फेल्ट द नीड टू डू इट। सो देन द क्वेश्चन, अकबर एस बाबर बोल रहे हैं भाई तो खान साहब की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी है, हम लोगों ने उनको हटाया था, जो इलेक्शन सीट दी गई हैं जिन पर इलेक्शन होगा, जो अलॉटमेंट होगी, उस पर एक सवाल या निशान है कि जो पार्टी लीडरशिप, सो द पार्टी है किसकी, ये फंडामेंटल क्वेश्चन राइज होता है ना कि ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ जिसके बारे में 14 लोगों से पूछा जा रहा था कि आप बताएं आपको इलेक्शन लड़ने का हक मिला कि नहीं मिला, आप बताएं आपको पर्ची मिली कि नहीं मिली, आप पेशावर के फलाना इलाके में क्यों चले गए इलेक्शन कराने के लिए, आपने ये वेन्यू क्यों चेंज किया, आपको ये भी तो पता है ना कि चलिए फाइनली जब इलेक्शन हो रहा था तो किन हालात में हो रहा था। वो आपकी बात अपनी जगह पे कि खान साहब का हर इलेक्शन पार्टी में अनअपोज होना है, वो बात आपकी अपनी जगह पे कि बड़े बड़े क्रेडिबल लोग, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद जैसे लोग ये पार्टी छोड़ के गए, चूँकि इस पार्टी के अंदर इलेक्शंस जो थे वो पोल्यूटेड थे, वो परवर्टेड थे। जहांगीर तरीन साहब पे यही इल्ज़ाम था कि वो आए और उन्होंने पैसा चलाया और पार्टी हाईजैक कर ली अंदर से। जस्टिस वजीउद्दीन जब बहुत क्रेडिबल आदमी है, बड़ा नाम था उनका जब उनको पार्टी में लेके आए गए थे, तो ये तारीख रही है विद इन पीटीआई का कहते हैं। बट आपको ये भी तो उस वक्त पता है ना कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पार्टी के फंडामेंटल राइट्स पे क्या आएगा। हमारे यहाँ ये चीज़ से भी तय हुई है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट सिटीजन का नहीं है। 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया दैट एन एग्रीगेट ऑफ सिटीजन, फॉर एग्जाम्पल ए पॉलिटिकल पार्टी, बेनजीर भुट्टो केस में उन्होंने फैसला किया दैट पॉलिटिकल पार्टी कैन ऑल्सो डिमांड फंडामेंटल राइट्स एज अ सिटीजन डज, अ राइट टू मूव, अ राइट टू ट्रेड, राइट टू एक्सप्रेस और राइट टू फंक्शन तो उसका है ही, उसके बॉर्न होने के साथ। उस इंटरप्रिटेशन के अंदर आप उसका सिंबल नहीं ले सकते थे, आप किसी और किस्म का डेटरेंट लगाते, आप किसी और किस्म का फाइन करते, आप उस पार्टी को इनफेक्टिव नहीं कर सकते थे फॉर पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस। द रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंड, डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया आपने वोटर्स को, इलेक्शन को इस्तेमाल कर दिया। टेरेबल टेरेबल टेरेबल। बट दीज आर ऑल स्टिल लीगल डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ना, कभी पोलिटिकल पार्टी होती क्या है? क्या वो वजीउद्दीन, अकबर एस बाबर और 7-8 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने साथ बैठकर आप पार्टी को डीलिस्ट कर देना। आप पार्टी कह रही नहीं, पार्टी रजिस्टर भी है, पार्टी पार्टी भी है भाई, पार्टी पार्टी भी रहेगी। आज भी लिस्ट निकलेगी रजिस्टर्ड पार्टीज की तो पीटीआई का नाम है मगर सिंबल नहीं है इसके पास, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों है? लोग उसके शामिल क्यों हो गए? इसकी शमूलियत क्यों इख्तियार हो गई? या तो फिर आप मेंबरशिप पार्टी की बैन कर दें। नोबडी टुडे शुड बी अलाउड टू बिकम अ पार्टी और मेंबर ऑफ पीटीआई, द पार्टी इज देयर। बट जब इलेक्शंस की बात आएगी, जब एक्चुअल पॉलिटिक्स की बात आएगी, द पार्टी कैन नॉट फंक्शन। ये थोड़ी सी रिडिकुलस बात है। मे बी समबडी शुड फॉर द केस टू डीलिस्ट देम, बट अगर डीलिस्ट करते तो भी उसका रिजल्ट तो यही होना था। देखिए आप जब अगर आप कोई बेहतर प्रेसिडेंट देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और अगर पार्टीज को मजबूर करना चाहते हैं और पार्टीज को कॉशन करना चाहते हैं काम आप संजीदगी से कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती थी कि भाई ठीक है, द काउंसिल सबमिट दैट दे वुड रीविजिट दिस एंड दे वुड होल्ड इंटर पार्टी इलेक्शंस एंड हियर बाय देयर अलाउड 15 डेज टू गो एंड कंडक्ट द एक्सरसाइज प्रॉपर्ली। 2017 पीटीआई ने नहीं किया। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये आया, जो कि मेरा तो ऑलरेडी आपसे इख्तलाफ है कि ईसीपी के पास ये प्रोब करने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो उसको चैलेंज करें, उसको खत्म करवाएं। ये तो इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई थी ना, ये सवाल तो ऑटोमेटिकली आ गया था। जब 2015 की इंटरप्रिटेशन में आप गए और 209 की इंटरप्रिटेशन में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस स्कोप के अंदर आ गया था। वो जो स्पेसिफिकली कह रहे थे कि जी आपने इसकी अल्ट्रा वायरस चैलेंज नहीं की। यार अदालतें ये फैसले भी करती हैं कि जो स्पेसिफिक प्रेयर में ना लिखा हो मगर रिलेटेड टू द मैटर हो, हम अंडर 199 वो रिलीफ दे सकते हैं। सर आप चैलेंज करें, जब अपनी पावर्स बढ़ानी होती हैं, अपनी ताकतें बढ़ानी होती हैं, तो ऐसी ऐसी इंटरप्रिटेशंस आती हैं खूबसूरत 184(3) की और 199 की। और जब कंसिडर करनी होती हैं, ये बंदा खुद आया ना अपनी शिकायत लेके, आप क्यों किसी मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं? आपको ये जुमले भी सुनने को मिलते हैं इन द पास्ट, ऑब्वियसली टेरेबल। अभी वो जो पंजाब इलेक्शंस का आया था जजमेंट, टेरेबल बंदियाल कोर्ट का। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि इट इज़ वेरी स्ट्रेंज नहीं कि एक जज साहब कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, पहली बात, फिर कहते हैं मैं सोशल मीडिया भी नहीं देखता, फिर वो कहते हैं फलाना सहाफ़ी जो 4-5 महीने गायब रहा कि ये कौन है, ठीक है, फिर उसके बाद वो 2 सहाफ़ियों के नाम भी लेते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था आपने नहीं लिखा, इनके साथ क्या वाक़या हुआ, फिर उस वाक़े की सारी डिटेल्स ही पता है उनको कि वो कब कब नशर हुआ, कौन से चैनल पे नशर हुआ, कौन से मीडिया पे नशर हुआ, किस कैमरा ने कैप्चर किया, कौन किसके घर किसको मारने गया था, वो भी बता रहे हैं। नहीं, आप क्यों बता रहे थे? क्योंकि आपको कोर्ट रिपोर्टर्स की इस वक्त तनकीद बुरी लग रही है, तो आपको लगा कि मे बी बाय टॉकिंग अबाउट सर्टेन कोर्ट रिपोर्टर्स यू कैन विन देम ओवर, एंड दोस कोर्ट रिपोर्टर्स डिसाइडेड कि बेशक आप करते रहे हमारा नाम, वी आर नॉट गोना विन अस ओवर, हम तनकीद करेंगे जो आपकी करंट पॉलिसीज़ हैं। तो देखिए आप और मैं जब देखते हैं ना टेलीविजन, आप एक अलग मीनिंग ले रहे हैं, मैं एक अलग मीनिंग ले रहा हूँ। जो ओहदे पे बैठा है उसका काम है कि बड़ा नाप तोल के हर लफ्ज़ बोलेगा, उसकी जिम्मेदारी है। जिस तरह आपने मुझे शुरू में 2-3 लफ्ज़ों के ऊपर रोका टोका और मैंने माना कि गलत इस्तेमाल हुए, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी जा सकता है, नेगेटिव मीनिंग भी जा सकता है। हम तो एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस लाइव प्रोसीडिंग चला रहा है, कैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या इंप्रेशन आवाम ले रही है। तो इन दैट केस वो जो क्रिटिसिज्म आपको लगता है आप लोगों का नाम आया था, आपको लगता है कि ये वही जज हैं जिन्होंने 2016 के अंदर कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट लिखी है। कोयटा में जो वकीलों पर धमाका हुआ उसका क्या लेना देना था चौधरी निसार की सपा साहबा से जो मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में? कोई लेना देना नहीं था। लिखे ना 2 पैराग्राफ उसके ऊपर, क्यों? बिकॉज 360 व्यू ले रहे हैं एक्सट्रीमिज्म का पाकिस्तान के अंदर, टेररिज्म का पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो ह्यूमन राइट्स केसेस आपके पास आए, इसमें आपका 360 व्यू कहाँ चला गया जब आपके पास इख्तियार है? एज एन इंक्वायरी कमिश्नर आपने सीजे के अंदर बैठ के पूरे पाकिस्तान का कटा चटा लिख दिया था कि टेररिज्म कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। बट व्हेन यू कम टू दिस एंड व्हेन यू हैव द पावर, फोकस हो जाएं, स्पेसिफिक हो जाएं, मेरे सामने कौन है, इसका नाम क्या है, ये जो बात करेगा इतनी देखूंगा, बाकी यहाँ ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं। भाई मेरा कुछ नहीं जाएगा यार, आई इन द बिगर मशीन शहजाद, आई एम अ नोबडी। ये मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और उसके कहते हैं एहतराम की बात हो रही है। एंड द रीज़न आई रेज दिस because we have still due expectations given his past judgments from Qazi Saab to deliver what people have not been able to deliver in the past. What we agree with, which would make this entire discussion mute, both of us agree, what he should have done, what Qazi Faizi Saab should have done, should have recused himself. आपका क्लियर एक पीटीआई का vendetta था, reference था, उन्होंने आपको आपकी बीवी को कोर्ट्स में ड्रैग किया। It's impossible for a judge not to be biased. जाहिर बात है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का दूसरा लफ्ज़ बायस ही आ गया। उनको रिक्यूज कर लेना चाहिए था, बट शख्सियात पे ना जाए ना। मतलब काजी बैठे हुए हैं, आयशा बैठी हुई हैं, छोड़ दें। एक सुप्रीम कोर्ट का हक तो था डिसाइड करने का कि भाई अल्ट्रा वायरस हमारी नज़र में नहीं है, ये फॉलो हुआ। इन थ्योरी आई एम लार्जली इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस कि एग्जीक्यूटिव अपने काम में रहे, जुडिशरी अपने काम में रहे। 30 साल 40 साल रुक जाइए, कोई रेफरेंस खोल देगा। भुट्टो को इंसाफ दिया जा रहा है जुडिशियल मर्डर कह के। मुझे बताइए ना, अगर भुट्टो का जुडिशियल मर्डर है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्या खिलाए? अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या खिलाए? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इस तरह निज़ाम चल रहा है। जवाब दीजिए ना, अगर भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ तो जिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला लिखा वो क्या खिलाए? मर्डर। बिल्कुल इसी का रेफरेंस हो रहा है, इसी बात पे तय हो रहा है। 30-40 साल बाद जमहूरियत के मर्डर का भी रेफरेंस खुल जाएगा, उसके अंदर भी हम बैठ के बातें कर रहे होंगे। ये बातें क्यों समझ में नहीं आती लोगों को कि आप आज बैठ के जब ये 30 साल पुराना पेंडोरा बॉक्स खोल रहे, कोई इमेजिन कर सकता था कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस जाएगा और जजेस ने जुडिशल मर्डर किया कि नहीं किया इस पर एक्चुअली बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में, मगर चली गई ना चीज़ें। तो आज की भी अदलिया को नजर आना चाहिए कि 5-6 साल अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। इट्स अनफॉर्चुनेट कि जो 50 चीज़ें हो रही हैं ना, इट्स जस्ट के और आप उन पे रिलाई कर रहे हैं, उन ताकतों पे रिलाई कर रहे हैं जो 4 साल पहले आपको रसवा कर रही थी रेफरेंस से। नहीं, मैं अगेन राइट ये बातें भी करता हूँ, थोड़ी पॉइंटलेस हैं इस वक्त क्योंकि जो अभी इद्दत का केस आया है, अब ख़त्म हो गई ना बात कि यार आप तो बस जलील करने के लिए जुडिशरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट नॉनसेंस व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री एट दिस स्टेज। ये एक्टिविस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस क्यों नहीं बन पाते? क्या वो रियलिटी से दूर आइडियलिस्ट होते हैं? नहीं जी, हम लोग आइडियोलॉजी के करीब होते हैं और पॉपुलर पॉलिटिक्स या पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स से इज्तनाब करते हैं बिकॉज हमें लगता है उसका एक एंड में मनफी इफेक्ट आएगा। और ये एक ऐसी चीज़ें दलदल है कि जब आप इसमें चले जाते हैं तो आपको लत लग जाएगी और आप फिर एक पॉपुलिस्ट के बाद दूसरी पॉपुलिस्ट बात कहेंगे। तो इट टेक्स टाइम टू गेन दैट पॉपुलर सपोर्ट, टू बिल्ड दैट वोट बैंक। किसी के नसीब बेहतर भी हो सकते हैं, हो सकता है वो जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए, गुड फॉर देम। और यकीनी तौर पे हो सकता है कि वैसे भी नॉट कि मैं सिर्फ आइडियोलॉजी पे हूँ और लोग आइडियोलॉजी पे नहीं है, हो सकता है मेरी अपनी कैंपेनिंग के अंदर कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं खामियां रही हों। आई एम स्टिल लुकिंग टू रिव्यू देम एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन देम एज मच एज आई कैन। तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। कैन एनीवन फ्रॉम पंजाब जॉइन हिज पार्टी एंड गेट हिज पार्टी टिकट? आई वांट टू एक्सटेंड हिज विजन इन जामपुर। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए ऐसे लोग हौसला देते हैं और इंशाल्लाह कल को अगर कोई पार्टी वजूद में आई तो हमें खुशी होगी कि हम जामपुर, आपने नाम लिया जानपुर, नाम लिया जामपुर, हम जामपुर के अंदर भी आके जो है अपना जलसा करेंगे। आप एक टी-शर्ट बना लेना, जबरान नासिर हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। Ask him about the hoax of medical coverage card, 20 lakhs, actually it's a monopoly to monetize pharmaceutical industry, medical complex, and the cost of medical services would skyrocket as private sector of medical services would boom. The monopoly is so shady without, बहुत ही लंबा सवाल है, but you get. Primarily वो सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से था कि अगर आपने जब तक government infrastructure तैयार नहीं किया ना to serve that card, और जब तक आपने mechanism नहीं लगाया कि government के doctors जो private clinics करते हैं, private hospitals में, आपको वहाँ refer कर रहे हैं, जब तक ये mechanism नहीं लगाएगा, definitely तो लूट का सूट का माल बनेगा, जो कि जब आप फिर इलाज बंद कर देंगे गवर्नमेंट अस्पताल में तो लोग तो कहेंगे अच्छा ये कार्ड प्राइवेट भी इस्तेमाल होता है तो मैं तो वहीं चले जाऊंगा, और फिर प्राइवेट तो अपने हिसाब से बिल करेगा, उसने तो आपकी लिमिट मैक्स आउट करनी है, और उस वक्त जब आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा तो आपका वो ट्रीटमेंट 2 लाख का उसने चार्ज किया या 4 लाख का चार्ज किया, आपको थोड़ी फर्क पड़ना है, आपका तो इलाज हो गया ना, आपको तो आसानी मिल गई, उसका टॉपअप कब होगा वो तो आप बाद में सोचेंगे. A rather strange question to ask both you and Gibran. In an ideal world, you are allowed to break every party and remake a new party with the best individuals for every role in the government. हम अगर establishment. Who would your dream team? कौन है आपको? जनरल साहब आप बताइए. आप बताएं कोई 10 लोग अगर मैं बोलूँ कि यार ये पार्टी के ये अच्छे लोग हैं हमारी सियासत में. यार अच्छे लोग हर जगह हैं, ग्रे लोग भी हर जगह हैं, बट नाम नहीं तो वो बताएं. काफ़ी अच्छे लोग ऐसे भी हैं जो आई थिंक उस तरीके से दे आर क्लोजिंग देयर ट्वाइलाइट ऑफ द पॉलिटिकल करियर इन दैट सेंस. दैट्स आल्सो फाइन. ठीक है, और कुछ लोग अब सियासत में नहीं भी रहे, कुछ लोग अभी भी एक्टिव सियासत कर रहे हैं, तो इट्स अ वैरायटी. मगर नफीस लोग जो मुझे मिले हैं, साफ़ सुथरे लोग जो मुझे मिले हैं, चाहे उनकी किसी बात से आपको इख्तलाफ रहा हो बट कम से कम मुझे नज़र आया कि जो वो बात कहते हैं वो फील करते हैं, उस तरह से नज़र आए हैं. जावेद हाशमी साहब मेरे ख्याल में, फ़रुतुल्लाह बाबर साहब मैं दूसरा नाम लेने वाला था, वो आपने ले लिया, ये तो वो कॉमन हो गए ना. ठीक है, मुझे एहसन इकबाल साहब कम से कम मेहनती नज़र आए, वो स्टडी करके आते हैं, प्रिपेयर करके आते हैं, बड़े थिंक टैंक से मिलके आते हैं अमेरिका के अंदर, वो अच्छी बात है, सीखना चाहिए, मिलना चाहिए, वो चीज़ें उनसे भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट वैसे मुझे लगता है उनके बेटे अहमद इकबाल. अगर आप लोकल अहमद इकबाल ने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के लिए बड़ी खिदमत की, वो केस करके, और उमर गिलानी का बड़ा बा कमाल किरदार था उसमें बतौर वकील उस खिदमत के लिए. शायद खकान अब्बासी साहब आई बिलीव डिड वेल. शहरी रहमान साहिबा हैं, आई बिलीव क्लाइमेट के हवाले से, चूँकि उनको पता था कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कशकोल क्लाइमेट है, तो एटलीस्ट वी शुड हैव सम एजेंडा ऑन क्लाइमेट, सम पॉलिसीज ऑन क्लाइमेट. तो आगे जिनको इतना उनको टाइम मिला उन्होंने उसके ऊपर बेहतर कारकर्दगी दिखाई, बेहतर काम किया. पीटीआई से भी ले लें एग्जाम, पीटीआई के अंदर सलमान अकरम राजा, पीटीआई के अंदर वही अब सलमान अकरम राजा आ गए हैं, आ गए हैं सलमान अकरम राजा. हलफ तोड़ना पड़ेगा उनको, सिर्फ मानना हम उनको लेने के लिए तैयार हैं. ठीक है, वो वहाँ पे हैं. बाकी मेरे ख्याल में सानिया निश्तर डिड सम ग्रेट वर्क. फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं नफीस आदमी, शरीफ आदमी हैं, वो घर उनका सब जेल बना हुआ है, शुक्र, तो वो एक शरीफ इंसान है, नफीस इंसान है. शाजिया मरी ने बिस्प में बड़ा अच्छा काम किया है. कैसर बंगाली इवन दो नॉट बट फिनोमिनल नहीं, बट कैसर बंगाली तो आई थिंक किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं है, बट ही है बेस्ट प्रोग्राम में, उन्होंने बेस्ट प्रोग्राम में काम किया ना. देखिए अगर आप मुझे अगर आप सिविल सोसाइटी का ऑप्शन खोल देंगे मेरे लिए तो फिर मैं. सानिया नश्तर इज आल्सो टेक्नोक्रेट, शी इज अ टेक्नोक्रेट कैटेगरी है ना डॉक्टर कैसर बंगाली, बट आई थिंक वो टेक्नोक्रेट से हटके भी उन्होंने अपनी एक्यूजेबल एफिलिएशन एसोसिएशन भी दिखाई थी. और ये तो वो लोग हैं. उमर सैफ साहब हैं, उन्होंने अच्छा काम किया था, उसका जो नून लीग में एडमिनिस्ट्रेटिवली थे, पार्टी में नहीं गए थे. और अभी फ़िलहाल सवाल अगेन वो तो फिर आप कह देंगे ना कि पावर उनके हाथ में, क्या उनके कंट्रोल में थोड़ी इंटरनेट बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, इवन तो मिनिस्टर ऑफ आई टी हैं, बट उनसे पूछ के तो नहीं किया जा रहा. बट हाँ आप कहें कि लोग जिनके पास एक प्लान है, थोड़ा नक्शा है, कुछ बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं, वो इसमें हैं. और साथ में मेरे ख्याल में मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे जहन से एक दो नाम निकल रहे हैं. आई एम श्योर हाँ एमक्यूएम के कोई हैं, एमक्यूएम रह गई है यार. एमकेएम के अंदर मुझे एक मुतवाज़न शख्सियत व गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं फैसल सबजारी, सुलझी भी बात करते नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा एथनिक पॉलिटिक्स को उस तरह से अपने स्लीव के ऊपर वेयर नहीं करते जैसे बाकी कुछ लोग करते हैं. बाकी जो पार्टी के जितने भी वो हालात और मामलात हों वो अपनी जगह के ऊपर हैं. और दूसरा आपने द स्पर ऑफ द मोमेंट पूछा है ना, तो ये 10 चूंकि मैं फिर अगर छोटी पार्टी कर लें फिर तो बड़े लोग हैं, मोहसिन दावर हैं, अली वजीर हैं, हमारे लिए जान है, हमारे राशिद हैं, इस्मत शाहजहां हैं, ये सफ़ों में तो बहुत लोग हैं, उस सफ़ों में तो बहुत लोग हैं ना। बात छोटी की नहीं है, आप उनकी बात कर रहे हैं जिनको उस तरह से इख्तियार नहीं मिला ना। हम टेक्निकली ये सवाल है कि जो जितनी मलाइन पार्टीज़ हैं क्या इनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं? ऑफ कोर्स यकीनी तौर पर अच्छे लोग हैं, हम इसलिए इन पर फोकस कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, इनमें से तलाश कर रहे थे लोग। शीरीं मज़ारी ने कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ, क्या उन्होंने हिस्टोरिकली बहुत अच्छा काम भी किया? बिल्कुल बहुत अच्छा काम भी किया। तो आई मीन इट्स ग्रे एंड इम्परफेक्शंस एंड हाल में ये मैं नाम गलत अगर नहीं ले रहा, राबिया निज़ामी थी यहाँ पीटीआई से, कराची से, रिजर्व सीट के ऊपर, वो मुझे काफ़ी लगता है कि चीज़ों को सही प्रॉपरली उन्होंने हाईलाइट करने में एक रोल अदा किया, किरदार अदा किया। आस्क हिज ओपिनियन अबाउट एमकेएम्स करंट एफर्ट्स टू विन बैक कराची। आर्जर शॉर्ट एंड स्वीट। एक दफ़ा पहले भी आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था जब मैंने पूछा था कुछ काफ़ी सिमिलर सवाल है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या बदलेंगे आप, उसका जवाब याद है आपको? हाँ, बदल चुका होगा पाकिस्तान तब तक जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो। अगर जिब्रान प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो पाकिस्तान बदल चुका है, अच्छा खासा पाकिस्तान बदल चुका है। इज़ इट पॉसिबल फॉर समवन टू बी पीएम विदाउट हैविंग द बैकिंग ऑफ हैंडलर्स इन पाकिस्तान? नो यार, हैंडलर्स आपको किसी ना किसी सूरत में मिलेंगे ना। देखें, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के पास चले जाएंगे वो आपको फंडिंग दे देंगे, या वडेरों के पास चले जाएंगे वो आपको फंडिंग दे देंगे, या पीरों के पास चले जाएंगे वो आपको मुरीद दे देंगे, या आप इस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाएंगे वो ये आपको सब इकट्ठा करके दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप मस स्केल के ऊपर जाते हो इसलिए आपका विजन भी जो है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है। मैं आपको कहना ग्रे एरिया में चले जाते हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं आपको उस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बिकॉज अलग अलग इंटरेस्ट एक बड़े प्लेटफॉर्म से अटैच होते हैं ना, तो वो एब्सोल्यूट और क्लैरिटी नहीं रह पाती उस प्लेटफॉर्म के अंदर। मगर फिर भी ये नहीं होना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म जो है पार्टी के किसी रुकन का मर्डर भी बर्दाश्त करे। इसमें सिमिलर से सवाल हैं, इसको मैं फ्रेज कर देता हूँ इकट्ठा करके, कि जो मॉरल एब्सोल्यूटिज्म है बाहर बहुत अच्छा लगता है, पॉलिटिक्स में ग्रे ही होता है। आपको कल को अगर लेजिस्लेशन पास करना है, पाइपलाइन डलवानी, कुछ भी करना है, आपको उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो आपको लगता है कि जो मेरे मुल्क के लोग हैं, मुझे बैठने का क्या मसला, बैठ मैं किसी के साथ भी सकता हूँ, सारे मेरे मुल्क के लोग हैं अच्छे बुरे। कल को अगर हम इन्हीं पार्टी देखिए, राइट विंग हो फार राइट हो, आई विल इफ़ आई एम ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, बंदे की सामने वाली की आइडियोलॉजी जो भी हो, अगर उसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस है, उसकी एक लीगल शनाख्त है, और अगर वो कल अदम नहीं है तो उससे इंगेज करना, उससे बात करना, बिकॉज आपका काम है कंसेंसस बिल्डिंग का, ब्रिज बिल्डिंग का। आपने लोगों को अदराइज़ नहीं करना, आपने तो कॉमन गुड पे लोगों को बेसिक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे एग्री करके लेके आना है, तो वो तो आप उस पर फोकस करेंगे। तो एंगेजमेंट तो ज़रूरी है। ये तो एक बड़ी एक अजीब सी सियासत है कि आप जिस ऐवान में जाते हैं उस ऐवान में बैठे लोगों से बात नहीं करना चाहते, तो उस घर में गए क्यों जहाँ आप घर में बाकी जो फ़र्द हैं उनसे बात ही नहीं करना चाहते। किसी मुझे भाई गुलिस्तान जौहर वाली खातून को सपोर्ट करते करते पीछे क्यों हट गए? वकार ज़का साहब भी इस इसी बात पर लड़ाई कर ली लेकिन वो केस कुछ और निकला और वकार ज़का मैं अख्तिताम तक पहुंचाया। ये केस हुआ था 3-4 साल पहले। इस पूरी इंसिडेंट की जो वजाहत ये मांग रहे हैं ये मेरे यूट्यूब के ऊपर चैनल पे दी हुई है कि एक बच्ची से सेक्शुअल असॉल्ट का वाक़या था अनफॉर्चुनेटली, जिसको वो गलत इस्तेमाल किया। उसमें उनकी वालदा साहिबा ने भी उस तरीके से इस चीज़ को प्रॉपर्ली नहीं शेयर किया लोगों के साथ, और मैं इसलिए उसमें चुप रहा था जो कि बैक चैनल हम उस बच्ची की कस्टडी सिक्योर करने के लिए काम कर रहे थे, बिकॉज अगर हम सामने से आके बोल देते कि जी वालदा ने क्या किया क्या नहीं किया तो हमें ख़तरा था कि वो बच्ची को लेकर गायब ना हो जाए। तो जब तक पुलिस या बाकी इदारे चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले ऑन बोर्ड ना आते, मगर अनफॉर्चुनेटली चूँकि उस फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिनको इस्तेमाल करके बार बार रिपीटेडली मेरे ख़िलाफ़ भी बयान वगैरह दिलवाए गए। हमने बहुत ज़्यादा जबरान आसिफ का टाइम ले लिया है। मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि 50 कॉल्स आ चुकी हैं। इट्स कैंपेन इज़ रनिंग, इलेक्शंस आर। कुछ सिमिलर से सवाल थे, लेट मी जस्ट क्लब देम टुगेदर। वाही सपोर्टेड जमात इस्लामी इन द लोकल बॉडीज इलेक्शन इन कराची? आज जबरान नासिर वाही सपोर्टेड जमात इस्लामी इन देयर अगेंस्ट माइनॉरिटी राइट्स। और एक किसी ने आपकी वीडियो भी पोस्ट की है कि कोई फ़ौज बचाओ रैली या फ़ौज के फेवर में एक रैली थी, उसके स्टेज पे आपकी स्पीच भी है। एक सेकंड रुक जाए, पहले रुक जाएगी। ये पहली बात है कि वीडियो पूरी नहीं दिखाई गई। जो आपने 45 सेकंड का क्लिप निकाला है ये 45 सेकंड से लंबी है। इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो है ज़रबे अज़ब, ठीक है। इस वीडियो का बैकग्राउंड है कि एपीएस के बाद तो कंसेंसस बन गया था, एपीएस से पहले कंसेंसस नहीं था। और मेरा एक मुस्तकिल स्टांस रहा है टीटीपी के हवाले से कि टीटीपी के साथ निगोशिएट नहीं करना, उससे वो एम्बोल्डन हो रहे हैं, उससे वो एम्पावर हो रहे हैं। और जिस वक्त ये कंसेंसस नहीं था और उस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन ज़रबे अज़ब या टीटीपी के हवाले से होना चाहिए कि नहीं, तो उस वक्त एमक्यूएम ने यह रैली रखी थी, ये ऑल पार्टी रैली थी, पाकिस्तान की तमाम पार्टियां इसके अंदर आई थी। और यहाँ पे गुफ्तगू मैंने जो जिन्होंने क्लिप लगाया वो इस हवाले से कहा था कि हम फौज के पीछे खड़े, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा ईरान पे उन्होंने हमला किया, मैंने तो नहीं किया, मैं नेशनल सोवरेनिटी के लिए तो साथ खड़ा हूँ। अब मुझे बताइए मैंने जाके टीटीपी से लड़ना है या फौज ने लड़ना है? एहसानुल्लाह एहसान के साथ बाद में उन्होंने जो भी किया वो हमारे शिकवे हैं कि आपने लोगों को कैसे ट्रीट किया और वो कैसे फरार भी हो गए आपकी गिरफ्त से। बट अगर आप पे टेररिस्ट हमला आवर हो रहे हैं तो आप किसको बोलेंगे टू गो एंड टेक एन एक्शन, या आप खुद जाके उनसे बात करेंगे? क्योंकि हम तो अपोज करते थे ना जब एएनपी जाके उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, जब आपने मालाकंड के अंदर वो निज़ाम एक दूसरा शरीयत का नाफिज कर दिया था, तो उसका अल्टरनेटिव क्या था? ये उस टाइम की रैली है 2013 के इलेक्शन के बाद की, जबकि ये वीडियो है। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप चीज़ों को देखें। और मैंने इसके ऊपर फिर बाद में सियासी पार्टी से भी कहा था कि इस कंसेंसस बनाइए अगर आप लोगों ने ये ऑपरेशन करना है। बट साथ में लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उसके बाद आईडीपीज़ के लिए सबसे पहला बड़ा कैंप भी मैंने कराची में लगाया था, बिकॉज ये दो अदर एस्पेक्ट है ना। आपने एक ज़रूरत बना ली ऑपरेशन करना, चूँकि इतने दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि जब आप ऑपरेशन करने जाएंगे तो वहाँ पर जो रहने लोग हैं उनकी ज़िंदगी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दी जाएगी और उनके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट प्रॉपर्ली नहीं किए जाएंगे। तो आईडीपीज़ का मसला अलग था, इसको हाईलाइट करना अलग से ज़रूरी था। तो थिंग्स हैव टू बी टेकन इन दैट कॉन्टेक्स्ट एंड आई स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई सेड दैट ऑन दैट स्टेज। लोग अगर कह रहे हैं कि भाई जमात इस्लामी एमक्यूएम जिनको इस्टैब्लिशमेंट की बी टीम समझा जाता है, जबरान नासिर उनकी सफ़ों में पाए जाते हैं, तो एक शक। अब मैं जमात इस्लामी के हवाले से भी कह दूं, भाई प्लीज़ देख लीजिए, मैंने जमात इस्लामी का इलेक्शन कैंपेन नहीं सपोर्ट की थी। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था तो गिनती के हिसाब से मेयर किसको बनना चाहिए था, मैंने वो सपोर्ट किया था। गिनती के हिसाब से अगर पीटीआई की एज़ अ पार्टी और जमात इस्लामी की एज एन अलाइंस हो गई थी और उनके मिला की तादाद पीपल्स पार्टी से ज़्यादा थी, तो जमहूरियत ये कहती है, लिबरलिज़म कुछ भी कहे और सेक्युलरिज्म कुछ भी कहे, डेमोक्रेसी पहले आएगी ना इस मुल्क में। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है तो जमहूरियत पहले आएगी। तो जमहूरियत के मुताबिक जिसकी ज़्यादा सीटें वो जीतेगा। या मैं बोलूँ कि चूँकि ये राइट विंगर्स हैं और ये मुझ में भी इनकी टीमें फतवे लगा चुकी हैं और मेरे खिलाफ भी बहतानबाजी कर चुकी हैं, तो लेफ्ट ऑफ सेंटर अगर पीपल्स पार्टी है तो किसी तरीके से इलेक्शन मैनेज कर लो, पीटीआई के जो काउंसलर जीते हैं उनको अगवा कर लो, उनको किसी घर में बिलावल हाउस के पीछे बंद कर लो, उन पर प्रेशर डाल दो, उनको एब्सटेन करा लो और मुर्तज़ा आपको मेयर बना दो। तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी कहाँ रहेगी जमहूरियत के लिए, चूँकि मेरा एक बायस है आइडियोलॉजिकल जमात इस्लामी के साथ। तो आज अगर मैं आपसे बात कर रहा था कि स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए, तो कल को अगर जामे कराची में चूँकि IGI ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, वो इलेक्शन निकाल लेते हैं, तो हम स्टूडेंट यूनियंस बैन कर दें इस चक्कर के अंदर? क्या इस तरह तो फिर बार बार वही जीतेंगे। इस तरह एक बड़ा लेफ्ट की तरफ का रुझान, प्रोग्रेसिव रुझान और नेशनलिस्ट रुझान आपको मिलेगा कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर आपको इतनी पावर में नहीं मिलेगी जमात तलबा इस्लामी, तो वहाँ पे वो लोग जीतेंगे। लाहौर के अंदर कोई और होगा, किसी और जामियात में कोई और होगा, कराची के अंदर उनके नंबर्स आ गए थे। तो मेरी ट्वीट स्पेसिफिकली है दैट आई सपोर्ट हाफिज नईम्स प्रोटेस्ट, जिसको ये हवाला दे रहे हैं। बट समबडी हु लाइक्स टू अपोज माई पॉलिसी फॉर एनी थिंग। अब ये देखिए ना यार, मैं वो इंसान हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि जिब्रान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ही हेट्स अस बिकॉज ही हेट्स सिंधीज़, इसका बायस है। कल मेरे पे भी एक पूरा थ्रेड आया है एक साहब का कि मैं किस तरह मुझे नफरत है पीपीपी से। मैंने बाकी कमेंट देखो, मुझे ज्याला ज्याला बोलते हैं, तो अगर पीपीपी वाले मुझे यूतिया बोल रहे हैं, यूतिया मुझे पटवारी बोल रहे हैं और पटवारी मुझे ज्याला बोल रहे हैं, तो मेरे साथ भी होता है ना। बट मुझे रिडिकुलस ये लगता है भाई कि आप मुझे बोल रहे हैं दैट आई हैव अ बायस अगेंस्ट सिंधीज, आई कांट अंडरस्टैंड देम, आई हैव अ बायस टुवर्ड्स सिंधीज, आई एम मैरिड टू वन, मंशा इज वन, I don't go around parading it. She will agree. मैं इसको नहीं समझ में आती मेरी बातें। मैं हर ट्वीट के नीचे जाके लिखता नहीं हूँ कि ओ मेरी शादी एक सिंधी से हुई है। बट बात इसी रिडिकुलस लगती है ना। मुझे MKM का सोशल मीडिया, खासतौर पे जो अल्ताफ विंग है लंदन वाला, वो बहुत टाइम तक जी बुग्ज़ है महाजनों को लेके, बुग्ज़ है महाजनों को लेके। मेरे अपने दादा कानपुर से आए, यूपी से आए हैं भाई, वहीं लियाकताबाद लालू के 10 नंबर से आए हैं सारे, वहीं से परवरिश अपने पाई है। नून लीग वाले कहते हैं इसका पंजाबी बायस है, मेरी वालदा पंजाब से हैं, मेरा ननिहाल पंजाब, होशियारपुर इंडियन पंजाब से है। अब हाँ पश्तून और बलोच नहीं है, वो शायद ये इशू मेरे खिलाफ रेस कर सके कि इसका बायस है कि नहीं, बट वो करते नहीं, अच्छे लोग हैं। बट ये जो एक रिडिकुलस किस्म की चीज़ें आपको सहनी पड़ती है ना, तो वो जो ट्वीट थी वो भी थी। और ये जो पहले आपने मेरी वीडियो लगाई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सुनाइए आपने, इसको आप आगे भी सुनाइएगा। जो मैंने पॉलिटिकल पार्टी से बात, वही साहब हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ लिखा है कि मैं, तो इन्होंने उतनी ही पोस्ट की थी। अब मैं सोच रहा हूँ तो ये 2013 से उस ऑपरेशन के टाइम के ऊपर मेरी एक स्पीच लगा रहे हैं, जब उससे कंसेंसस बनाने की ज़रूरत थी। और उसके बाद से उस ऑपरेशन की जो जो खामियाँ हैं और मेरी 10 साल की क्या सियासत रही है, उस बारे में बात नहीं करना चाहते। इसमें मैं सोच रहा हूँ 2016 में मैंने जिस महाजर को बोला था मुझसे शादी कर ले, उसने मना कर दिया। अगर वो हाँ बोलती तो आज मैं भी बोल सकता था कि आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं बुग़्ज़ मुआशा। मैं तो शादी की हुई है, सुन लो, अगर मुझसे आज तुम शादी कर लेती। आखिरी में एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ, किसी और ने नहीं पूछा था, बट आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यू नो हम 4-5 ही लोग हैं जो इतने सालों से ये कुछ लिबरल वैल्यूज़ और ये बातें करते हैं, एंड वी स्टैंड विद दैट, एंड यू वेंट टू समबडी हु हैज़ मल्टीपल मी टू एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, एंड यू डिड अ लॉन्ग पॉडकास्ट विद हिम। तो वो फिर एक यू नो मॉरल एब्सोल्यूटिज्म में ही आ जाता है। मेरा मॉरल एब्सोल्यूटिज्म है, मेरी वर्चू सिग्नलिंग है, बट एज अ फ्रेंड आई वाज लाइक यू डिडंट नीड टू डू इट यार। किस हवाले से, किसकी बात कर रहे हैं? अभी आपने हाल ही में एक लंबी जुनैद अकरम के साथ पॉडकास्ट की है, एक बड़े कुछ सालों पहले उनका नाम नुमाया था, कई आर्टिकल्स भी लिखे गए, पाकिस्तान टुडे में भी एक था कि कई माइनर्स हैं जिन्होंने मी टू एलिगेशन जुनैद अकरम के खिलाफ एलिगेशन लगाई हुई हैं। वो ऑब्वियसली मामला क्वाश हो गया जिस तरह पाकिस्तान में होता है, एंड दिस वाज वाइड स्प्रेड न्यूज़, सो इफ यू वर्नट अवेयर देन आई एम लिटिल सरप्राइज्ड। नहीं मेंशनिंग इट वाज हैपनिंग सम इयर्स अगो, और उस वक्त मुझे नहीं पता दैट जुनैद से मेरी उस तरह की वाकफियत थी कि नहीं थी, बट अभी इस वक्त तो मेरे रिसेंट पास के अंदर या मेमोरी में नहीं था, बिकॉज अदरवाइज आई हैव मेड इट अ पॉइंट, बट अगेन राइट नाउ आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। यू सीम टू बी आर कमेंटिंग ऑन इट बिकॉज मैंने एक जुनैद का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है और वो हो चुका है, तो अभी बैठ के मैं उसके हवाले से कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कहूँगा बिकॉज यू जस्ट मेंशन इट एंड रेज इट टू मी, बिकॉज मेरा तो सर ARY के ऊपर 6 साल, आई एम श्योर ARY इज़ अ बिगर प्लेटफॉर्म देन जुनैद, मेरा ARY पे 6 साल से बायकॉट रहा है। द ओनली टाइम्स दे रिपोर्टेड मी वॉज वंस आई गॉट एंगेज, ए बिकॉज ऑफ माई वाइफ, एंड वंस आई गॉट एबडक्टेड, बी बिकॉज माई वाइफ मेड अ वीडियो अबाउट माई एबडक्शन and they posted that. मेरा 6 साल से हर चीज़ को लेके बायकॉट है because I raised some human rights cases जो within had to do with ARY and the staff and the senior management. So that has been a principal stance. But ये जो आप मुझे mention कर रहे हैं I would not be able to comment on it. Oh, I thought you were aware and चलें फिर okay, चलें we'll discuss that later. Okay, thank you so much Jibran for your time and thank you everybody for listening. Take care, bye.